हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ भाई, तो डीसीएम से अंदर जा रहा है आपका डेली का मेजर टेस्ट सीरीज 36वां 36 नंबर का डीटीएस है जेनेटिक्स का। टोटल 48 डेली टेस्ट होने हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा 12 मेजर इनिशियली आपको प्रोवाइड करवाए गए थे शेड्यूल में, जो 3 सितंबर को पूरा होने वाला था, लेकिन उसमें 4 मेजर और ऐड कर दिए गए हैं नए शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जो 4, 5, 7 और 9 सितंबर को कंडक्ट करवाए जाने हैं। तो ये मेजर जो चल रहे हैं वो तो नो डाउट प्रॉपरली फोकस होकर आप मान के चले नीट के लिए परफेक्ट स्ट्रेटेजी है, और किसी भी टॉपिक जो आपका कमजोर रहा है उसको आप इस डीसीएम के थ्रू जो है वो क्लियर कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपन जेनेटिक्स का। अपना 12वां पेपर रहेगा बायोलॉजी का, डीटीएस नंबर 36। आइए कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर अपन जरूर देखेंगे। इसके अलावा टोटली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर रहा है, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड आउट करें, क्योंकि अगर केयरफुली रीड आउट नहीं करेंगे तो वहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और ये सबसे बड़ी अनहोनी कहलाती है। तो ऐसी अनहोनी आपको नहीं करनी है। अक्सर बच्चे कहते हैं पढ़ते समय सिली मिस्टेक हो गई, तो भैया सिली मिस्टेक करनी नहीं है ना। क्वेश्चन को जवाब देने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, ठीक है। शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 1। In a pea plant, how many contrasting trait from the following expressed in only homozygous recessive condition? केवल homozygous recessive condition में express होता है, और ऐसा अपन जानते हैं कि homozygous recessive condition में कौन express होता है, जब दोनों ही allele कैसी आती हैं recessive type की। बोलो जी, तो अपने को recessive trait देखना है, simple सी बात है। तो मटर के पादप में निम्नलिखित में से कितने विपर्यासी विशेषक केवल समयुग्मजी अप्रभावी स्थिति में उत्पन्न होंगे? तो ऐसा ट्रेट या ऐसा विशेषक अपने को देखना है जो कैसा हो, रिसेसिव टाइप का हो। एक्जियल फ्लोवर, टर्मिनल फ्लोवर, अक्षीय पुष्प, अंतस्थ पुष्प। अपने को पता है एक्जियल फ्लोवर डोमिनेंट होता है और टर्मिनल फ्लोवर रिसेसिव होता है। तो एक्जियल फ्लोवर जो है ये समयुग्मजी रिसेसिव कंडीशन में जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में नहीं, ये तो डोमिनेंट टाइप का ट्रेट है। येल्लो पॉड, पॉड के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, फली के रंग की अगर बात करें, तो हरी फली डोमिनेंट होती है पीली फली के ऊपर, तो येल्लो जो है वो तो डोमिनेंट हो गया, वो रिसेसिव हो गया, बिल्कुल ये हो जाएगा। इसमें ही ग्रीन पॉड होता तो फिर ये होमोजाइगस रिसेसिव नहीं कहलाता, फिर ये क्या बन जाता, ग्रीन पॉड होने पर डोमिनेंट बन जाता, ये रिसेसिव में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ग्रीन सीड, फली के अंदर के बीज की अगर बात करें, तो यहाँ आपको याद रखना है कि येलो सीड डोमिनेंट होता है ग्रीन के ऊपर, तो ग्रीन रिसेसिव हो गया, अपने को रिसेसिव का पता करना है, ये भी सही है। इन्फ्लेटेड, और दूसरा कौन सा होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड, फूली हुई और सिकुड़ी हुई, तो फूली हुई फली तो डोमिनेंट होती है, अपने को डोमिनेंट नहीं रिसेसिव चाहिए। राउंड सीड और रिंकल्ड सीड, ये डोमिनेंट होता है, अपने को रिसेसिव चाहिए, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, डोमिनेंट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो अपना कौन कौन सा हो गया, ग्रीन सीड एक्सप्रेस करेगा, येलो पॉड, ये दो करेक्टर जो है ये रिसेसिव आ रहे हैं, तो अपना आंसर कौन सा चला जाता है, ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, 2 ऐसे हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी में एक पैरा दिया गया है जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मेंडल ने लिए हैं, उन 7 पेयर का सीक्वेंस अच्छे से देख लें आप, ठीक है। तो वो 7 जोड़ी जो है उसमें डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 जी। सेलेक्ट आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन बिलो ऑप्शन। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से इनकरेक्ट का अपने को पता लगाना है, और ये एनसीईआरटी के पैरा में से ही बनाया गया क्वेश्चन है, जहां पर एक बात कही गई है कि जो कोज है वेरिएशन का वो कहाँ छुपा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ रहता है, और ये कोज जो वेरिएशन का है उसके रेस्पेक्ट में ही ये बात की गई है। इनकरेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां भी क्वेश्चन नेगेटिव अप्रोच का आपसे पूछ ले आपको अंडरलाइन करना है क्वेश्चन को। ह्यूमन न्यूज फ्रॉम अर्ली एज 8000 to 1000 BC दैट वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक बात है। तो 8000 से 1000 वर्ष ईसा पूर्व यह ज्ञान हो चुका था कि वेरिएशन विविधता का कारण किसमें छुपा हुआ है, लैंगिक जनन में छुपा हुआ होता है। तो बात ठीक है, एनसीईआरटी की ही बात है, यहाँ आपसे गलती क्या करवा सकता है, 1000 की जगह कभी कभी क्या दे देता है, 10000 दे देता है, तो यहाँ जो है वो बच्चे पढ़ने में गलती कर देते हैं, याद रखना इस बात को। तो ये बात तो सही है लेकिन इनकरेक्ट पूछा है अपने से। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिनोमिना
डैश सेलेक्टिवली ब्रीड एंड नेचुरली सेलेक्ट डोमेस्टिकेटेड वेराइटी फ्रॉम दी वाइल्ड वेराइटी. एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन उन्होंने कहा सेलेक्टिवली ब्रीड एंड आर्टिफिशियली सेलेक्ट नेचुरली. प्राकृतिक रूप से वो चयनित नहीं की गई थी, उसे मानव के द्वारा चयनित करवाया गया था. तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन यहाँ पर आना चाहिए. यहाँ पर प्राकृतिक चयन आने के कारण ये स्टेटमेंट क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है. ठीक है जी, तो स्टेटमेंट नंबर टू रॉन्ग हो गया. साहिवाल काउ इन पंजाब इज ऑब्टेंड फ्रॉम वाइल्ड वेराइटी ऑफ द काउ. बिल्कुल, ये जो वेरिएशन प्रोड्यूस की गई थी, इतने समय पूर्व के जो मानव थे उन्होंने जो वेरिएशन खोजी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसी का फायदा उन्होंने किस प्रकार लिया कि वाइल्ड वेराइटी जो है उन वाइल्ड वेराइटी के आपस में क्रॉस करवा कर अच्छी ब्रीड जो है उन्होंने तैयार की थी, अच्छी नस्ल उन्होंने तैयार की थी. और साहिवाल जो काऊ है पंजाब की, वो इसी का ही एक एग्जाम्पल है. साहिवाल काऊ ऑफ पंजाब किसका एग्जाम्पल है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल सिलेक्शन का ही एग्जाम्पल कहलाता है. याद रखना किसका एग्जाम्पल है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल सिलेक्शन. आर्टिफिशियल सिलेक्शन, एक ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है. तो करेक्ट है ये स्टेटमेंट. एंसेस्टर हैड वेरी फ्यू नॉलेज अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. जो पूर्वज थे उनको ये तो पता था कि विविधता का कारण लैंगिक जनन में छुपा हुआ है, लेकिन उसका साइंटिफिक बेसिस एक्चुअल में उनको नहीं पता था कि किस कारण ये वेरिएशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इनहेरिट होती हैं. तो ये कारण उनको नहीं पता था, बहुत ही कम नॉलेज था उनको. बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, स्टेटमेंट सही है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपना कौन सा जा रहा है, ऑप्शन नंबर टू. ओके भैया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अप्रोच करना इसको अच्छे से. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थ्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड विद द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, मेंडलिज्म में ये अपने पढ़ा था. वन जीन के इनहेरिटेंस का मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेस्पेक्ट में बात हो रही है. और क्या बोल रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में, अपने को क्या खोजना है, नॉट रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करते हैं, अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को. ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वाज एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन. तो मेंडल ने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था उसमें सब जानते हैं कि होमोजाइगस टॉल का होमोजाइगस रिसेसिव से, और F1 जो आया था वो कैसा आया था, किसी एक पेरेंट से मैच करता हुआ आया था. उसकी फिर सेल्फिंग करवाई अपन ने, तो अपने को एक प्लांट तो ऐसा मिल गया, दो प्लांट ऐसे मिल गई, और एक प्लांट जो है होमोजाइगस रिसेसिव मिल जाता है. बोलो जी. ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वाज एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन. ये जो F1 पीढ़ी है इसमें एक ही पेरेंट का एक्सप्रेशन आता है, और वो कौन सा है, टॉल. तो ये भी टॉल है, बात सही है. इन F2 जनरेशन बोथ द ट्रेट वर एक्सप्रेस्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1. F2 में दोनों ट्रेट वापस एक्सप्रेस हो जाते हैं 3:1 में. इसका मतलब 1 और 2, ये तीन मिलकर टॉल हो गए और एक ये ड्वार्फ हो गया, ये बात भी सही है. रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस्ड एट 25% इन टोटल प्लांट ऑफ F2 जनरेशन. F2 जनरेशन के, ये F2 जनरेशन है, इस F2 जनरेशन के जो चार प्लांट हैं, इन चार प्लांट में जो रिसेसिव है वो रिसेसिव अपने आप को ट्रेट एक्सप्रेस करता है 25% के रूप में. बिल्कुल ठीक बात है, 1/4 के रूप में ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ये स्टेटमेंट भी सही है. अपने को नॉट रिलेटेड बताया है मोनोहाइब्रिड से. चौथा ऑप्शन पढ़ें, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग इन F1 जनरेशन. जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, ये टॉल था और ये ड्वार्फ था, अगर ये यहाँ पर ब्लेंड कर जाते, मिक्स हो जाते, तो फिर F2 पीढ़ी में ये आना ही नहीं चाहिए था. अलग से ये एलील वापस क्यों आ गई, ये एक्सप्रेशन वापस क्यों आ गया, इसका मतलब ब्लेंडिंग नहीं होती है. तो ये क्या कह रहा है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग इन F1 जनरेशन बट ब्लेंड इन F2 जनरेशन. F2 स्टेज में भी ब्लेंड नहीं होंगे, तो ब्लेंडिंग नहीं होती है, मिक्सिंग नहीं होती है. F1 में भी मिक्सिंग नहीं है, F2 में भी मिक्सिंग नहीं है. इनकरेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4. ओके भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. देयर इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन जेनेटिक क्रॉस. एक जेनेटिक क्रॉस में जितने भी जीनोटिपिक एक्सप्रेशन बनते हैं, वो जीनोटिपिक ऑल जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काम में लिया जाता है. और ये डिस्कवर्ड है किसके द्वारा, रेगिनाल्ड सी पुन्नेट के द्वारा. ठीक है जी, और ये रेगिनाल्ड सी पुन्नेट एनसीईआरटी की लाइन है, ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट हैं, याद रखना आपको, 1905 में इसकी डिस्कवरी हुई है. ठीक है जी, तो एक ग्राफीय प्रस्तुतिकरण जो अनुवांशिक संकरण में संतति के सभी संभावित जीनोटाइप की गणना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या कहलाता है,
पुन्नेट वर्ग कहलाता है, पुन्नेट स्क्वायर कहलाता है। इस प्रकार का एक पुन्नेट स्क्वायर आप क्रॉस के दौरान बनाते भी हो, ठीक है जी। तो ये जो है ये पुन्नेट स्क्वायर कहलाता है, इधर गैमेट रखे जाते हैं, इधर गैमेट रखे जाते हैं, और पॉसिबल जीनोटाइप जो है वो इन ब्लॉक्स में अपने ऑब्टेंड हो जाते हैं। तो एक तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार याद रखना है, दूसरा इसका डिस्कवरर याद रखना है, रेगिनाल्ड सी पुन्नेट, रेगिनाल्ड सी पुन्नेट। ठीक है जी, तो ये एक याद रखना है, एक इसकी ईयर भी याद रख लेना, 1905 में इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है जी, अगली बात फोर्क लाइन ग्राफ है। जो फोर्क लाइन मेथड है, जैसे कोई जीनोटाइप है ए ए बी बी, ठीक है जी, अब किस किस प्रकार के गैमेट बनेंगे उसके लिए फोर्क लाइन काम में लिया जाता है। एक करेक्टर की दोनों एलील को ऊपर नीचे इस प्रकार लिख दिया अपन ने, उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी इसके साथ जाने की भी है, इसके साथ जाने की भी है, इसका मतलब ये कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, स्मॉल बी के साथ भी, ऐसे स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ, स्मॉल बी के साथ, तो ये ए कैपिटल बी ये बन जाएगा, ऐसे ही एक गैमेट ये बन जाएगा। तो गैमेट जब भी बनाने हो तो क्या काम में लिया जाता है, फोर्क लाइन ग्राफ। लिंकेज मैप तो कब काम आता है, एक क्रोमोजोम के ऊपर जो जीन है उन जीन के सिक्वेंस को पता करने के लिए लिंकेज मैप काम में लिया जाता है, ठीक है भैया। हिस्टोग्राम जो है, ये हिस्टोग्राम जो है न्यूक्लियर जो कंस्टिट्यूएंट है, जो क्रोमोजोम है, उनके अरेंजमेंट के रेस्पेक्ट में इसको काम में लिया जाता है। तो अपना कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सारे पॉसिबल जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए पुन्नेट स्क्वायर काम में लेंगे। ओके, चले आगे जी। क्वेश्चन नंबर 5, द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ 1:1 इन F2 स्टेज ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज मैथमेटिकली कंडेंसिबल टू फॉर्म ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन। एनसीईआरटी में इसमें बात भी की है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, और जो 1:1 रेशियो आया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वो एक्चुअल में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, किसका, AX प्लस BY के होल स्क्वायर का, ठीक है जी। तो इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ये मोनोहाइब्रिड के रेस्पेक्ट में अपन क्या बोल सकते हैं कि ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2XY, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कह दो या AX प्लस BY का होल स्क्वायर कह दो। यहाँ पर ए और बी जो हैं ये तो प्रपोर्शन को बताते हैं, और एक्स और वाई जो हैं ये इन गैमेट्स के फ्यूजन को बताते हैं, गैमेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब 1:2 गैमेट रहा है एक्स, और ऐसे ही 1:2 गैमेट रहा है कौन सा, वाई। तो एक्स ए और बी तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन संख्या को, और ऐसे ही एक्स और वाई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, इन गैमेट्स को, ठीक है जी। यहाँ पर अपन कैपिटल टी काम में ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी ले लिया, यहाँ पर स्मॉल टी ले लिया। इसका मतलब जब भी कोई प्लांट है, जब भी कोई F1 जनरेशन है, इसकी जब सेल्फिंग अपन ने करवाई तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, हाफ गैमेट तो कैपिटल टी बनता है और हाफ गैमेट क्या बनता है, स्मॉल टी बनता है। ऐसे ही हाफ गैमेट इधर बन जाएगा, हाफ गैमेट इधर बन जाएगा, इनका होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन जो है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन AX प्लस BY का होल स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन परफॉर्मिंग ए टेस्ट क्रॉस अननोन फ्लावर इज इंटरप्रिटेड एज होमोजाइगस डोमिनेंट। एक क्रॉस करवाया है, टेस्ट क्रॉस करवाया है, और टेस्ट क्रॉस के लिए आपको याद रखना है कि F1 का क्रॉस किससे है, डबल रिसेसिव से, डबल रिसेसिव क्या कहलाता है बच्चों, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। एक अननोन फ्लावर है, उसका टेस्ट क्रॉस करवाया है, और अननोन फ्लावर जो है, टेस्ट क्रॉस F1 कैसा होता है, डोमिनेंट होता है अपने आप में, तो डोमिनेंट जैसे टॉल है तो ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। तो ये पता करने के लिए कि F1 का पॉसिबल जीनोटाइप कौन सा है, क्या परफॉर्म करवाया जाता है, उसका टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है। और एक टेस्ट क्रॉस करवाने पर इसका क्रॉस करवा दिया इससे अपन ने, और क्या पाया, इंटरप्रिटेड एज होमोजाइगस डोमिनेंट। अननोन फ्लावर कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हिटरोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। विच जीनोटाइप रिप्रेजेंट अननोन फ्लावर, बहुत ही सिंपल सा है, कोई क्रॉस नहीं करवाना है, केवल लैंग्वेज यहाँ पर दी है। होमोजाइगस डोमिनेंट कौन सा होता है, दोनों एलील एक ही तरह की हों, दोनों एलील एक तरह है, ये हेटरोजाइगस है, ये रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है। ये कह रहा है या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये तो अपने को पता ही है कि अननोन जीनोटाइप इन दो प्रकार से बनेगा, ठीक है जी। लेकिन अब ऑलरेडी कह दिया कि होमोजाइगस डोमिनेंट इंटरप्रेट हो चुका है, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, ऑप्शन नंबर 2 रहा होगा, क्योंकि होमोजाइगस डोमिनेंट अगर इंटरप्रेट हुआ है
होमोजाइगस डोमिनेंट, जैसे कैपिटल टी का क्रॉस अपन ने किससे करवाया, स्मॉल टी से करवाया। इसका मतलब 100% जो प्लांट बनेंगे वो किस प्रकार के बनेंगे, हेटरोजाइगस टोल टाइप के बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो गैमिट हैं, यहाँ पर दो गैमिट हैं, इनको पुनेट स्क्वायर से आप रख कर जो है क्रॉस करवा के देख भी सकते हो। वो पुनेट स्क्वायर अभी अभी आपको मैंने बताया था, कौन सा, स्मॉल टी कैपिटल टी, सारे ही कैसे बनेंगे, हेटरोजाइगस टाइप के बन जाएंगे। बोलो जी, तो ऑलरेडी ये क्रॉस करवाने पर पता लग गया होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट का जीनोटाइप बताना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, F1 रिजेंबल्ड आइदर ऑफ द टू पेरेंट, दोनों में से किसी एक से रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो डोमिनेंसी को बताता है, और वॉज इन बिटवीन द रिजेंबलेंस, दोनों के बीच का बनता है, तो फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, और रिजेंबल्ड विद बोथ पेरेंट, दोनों से ही मैच करता है, तो ये क्या कहलाता है, ये कोडोमिनेंस कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, कोडोमिनेंस। सेलेक्ट आउट करेक्ट ऑप्शन टू आइडेंटिफाई अबव फिनोमिना रेस्पेक्टिवली, तो दोनों पैतृकों में से किसी एक से हो तो डोमिनेंट है, उनके मध्य का हो अपूर्ण प्रभाविता है, और दोनों पैतृकों से ही समानता दर्शाता है तो सह प्रभाविता ये कहलाता है, और रेस्पेक्टिवली अपने को ये बताना है, तो सबसे पहले डोमिनेंसी आनी चाहिए, उसके बाद इनकम्प्लीट, डोमिनेंसी के बाद कोडोमिनेंस गलत, कोडोमिनेंस सबसे पहले गलत, इनकम्प्लीट सबसे पहले गलत, सबसे पहले डोमिनेंस, उसके बाद इनकम्प्लीट, उसके बाद कोडोमिनेंस, ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना रेस्पेक्टिवली दिया है, क्रम से आपको बताना है, जैसा स्टेटमेंट में बोला है उसी को ही क्रम से रखना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ स्टार्च ग्रेन शेप इज कंसिडर्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक कंसेप्ट यहाँ पर छुपा हुआ है, स्टार्च के ग्रेन की एक तो साइज को कंसिडर किया जाता है, एक उसकी शेप को कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी, अगर स्टार्च ग्रेन की शेप को अपन देखते हैं तब तो अपने को पता चलता है इस एंगल से कि ये क्या शो करता है, डोमिनेंस ही शो करता है, लेकिन इसकी साइज को अगर कंसिडर कर लिया जाए तो ये क्या शो करेगा। तो याद रखें, अगर जैसे शेप को अपन ने कंसिडर किया तो एक स्टार्च ग्रेन राउंड था, दूसरा रिंकल्ड था। बोलो जी, F1 कैसा बना, वही राउंड टाइप का बनता है। इसका मतलब ऐसा क्रॉस करवाए जाने पर ये जो बनता है ये किसी एक पेरेंट के जैसा एक्सप्रेशन दर्शाता है, तो ये एक्चुअल में हुआ क्या, ये शेप की बात हो रही है यहाँ पर, शेप की अगर बात करें तो ये डोमिनेंसी को शो करता है, डोमिनेंस नेचर को बताता है। यही अगर साइज की अगर बात कर लें तो जो स्टार्च ग्रेन है उसमें जीन पाई जाती है। ठीक है जी, एक जीन होती है जो स्टार्च का सिंथेसिस करवाती है। ठीक है, और उसकी एलील फॉर्म जो है, अपन किसकी बात कर रहे हैं, साइज की, तो साइज में स्टार्च सिंथेसिस के लिए, स्टार्च सिंथेसिस क्या होती है, बी जीन होती है। अब ये बी जीन अगर दोनों एलील डोमिनेंट आ जाए तो ये लार्ज साइज का बनेगा, और एक डोमिनेंट एक रिसेसिव आ जाए तो ये बीच का बनता है, बीच की साइज का बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, और अगर दोनों ही रिसेसिव आ जाए तो ये स्मॉल साइज का बनता है। इसका मतलब ऐसा क्रॉस करवाए जाने पर, अगर ऐसा क्रॉस मैं करवाता हूँ, एक लार्ज साइज का स्टार्च ग्रेन है, दूसरा स्मॉल साइज का है, F1 कैसा बन गया, ये बन गया। अब अगर डोमिनेंस ही शो करता तो ये लार्ज साइज ही रहना चाहिए था, लेकिन अपने को पता है कैपिटल बी स्मॉल बी तो इंटरमीडिएट बीच का बनता है, इसकी और इसकी साइज के बीच का बनेगा, तो ये क्या शो करेगा, साइज कंसिडर किए जाने पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट, कोडोमिनेंस हो नहीं सकता, पॉलीजेनिक अफेक्ट, मल्टीपल जीन अफेक्ट नहीं है, आगे चलकर आएगा, अभी बताएंगे। डोमिनेंस शो नहीं कर रहा है क्योंकि डोमिनेंस तो शेप शो करती है, साइज क्या शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 9, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज प्रपोज्ड बाय, हाँ जी, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस याद करो, NCERT के पैरा में ही साफ लिखा है, मेंडलिज्म के बाद मेंडल जब तक जीवित थे तब तक उनके कार्य को पहचान नहीं मिली थी, उनके वर्क को फाइंड आउट नहीं किया गया था। ठीक है जी, किसी भी वैज्ञानिक ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, क्या रीजन है, एक क्वेश्चन उसका भी आगे आएगा आपके पास में। ठीक है, अब 1884 में उनकी डेथ के बाद 1900 तक 1900 तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा मेंडल की जो भी डिस्कवरी थी। उसके बाद तीन वैज्ञानिक आए, तीनों ने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया, किसको, मेंडलिज्म को। ठीक है जी, तो
वो तीनों वैज्ञानिक आपको याद रखने हैं, कार्ल कोरेन, ह्यूगो डिब्रिज वॉन, एरिक वॉन शेरमार्क जो हैं, वो तीनों वैज्ञानिक आ जाएंगे यहाँ पर। इसी के बाद 1900 सेंचुरी के बाद जब क्रोमोजोमल थ्योरी आई, वो क्रोमोजोमल थ्योरी कैसे आई, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से। माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया, उस दौरान एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखी गई जिसे आगे चलकर क्रोमोजोम नाम दिया गया। और ये क्रोमोजोमल मूवमेंट जो है वो सेल डिवीजन के दौरान आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप देखे गए, और यही क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि जीन का बिहेवियर और क्रोमोजोम का बिहेवियर जो है वो सिमिलरिटी दर्शाता है। ये थ्योरी क्या बताती है, जीन और क्रोमोजोम के बिहेवियर में सिमिलरिटी को बताती है। किसने प्रपोज किया है, शूटॉन बोवरी, और कौन सा, थियोडोर बोवरी और वॉल्टर शूटॉन, ये वैज्ञानिक हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये अपनी बात होगी क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। अगली बात है मॉर्गन स्टूटिवेंट जेनेटिक मैप की बात हो जाती है। मॉर्गन कैसले ये जो है वो लिंकेज के ऊपर ही वर्कआउट किया है, और डिवरीज और कोरेंट्स ये किसके बारे में, वेरिएशन के विषय में ये बताते हैं। ठीक है, तो अपना क्रोमोजोमल थ्योरी एनसीईआरटी की लाइन है वॉल्टर शूटॉन थियोडोर बोवरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फीमेल ड्रोसोफिला इज इजीली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द मेल ड्रोसोफिला। जो मादा ड्रोसोफिला है वो नर ड्रोसोफिला से किसके द्वारा आसानी से विभेदित है। अपने को पता है कि ड्रोसोफिला को मॉर्गन ने सिलेक्ट किया था, उसके भी अलग अलग कारण थे क्यों सिलेक्ट किया था। जैसे मटर को मेंडल ने सिलेक्ट किया था, वैसे ही ड्रोसोफिला को सिलेक्ट करने के भी कारण बने थे कि छोटा लाइफ स्पान ड्रोसोफिला का होता है। ठीक है, दूसरी बात, एक सिंगल क्रॉस से 100 ऑफ प्रोजेनी ऑब्टेंड की जा सकती हैं। ओके, इसके अलावा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखा जाता है, और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में मतलब मॉर्फोलॉजी को देखकर पहचान सकते हैं मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है। फीमेल साइज में बड़ी होती हैं, और फीमेल के हाइंड एंड पर क्या कहलाता है, ओवीपोजिटर कहलाता है, एग लेइंग एपरेटस कहलाता है। ठीक है जी, तो ओवीपोजिटर की प्रेजेंस देखी जाती है, लार्ज साइज देखा जाता है, इजीली कल्टीवेबल है, इनको आसानी से कल्टीवेट किया जा सकता है ग्लास की बोतल में, लेबोरेटरी में जो सिंथेटिक मीडियम है उस सिंथेटिक मीडियम के ऊपर इनको आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इजीली अवेलेबल भी कहलाती हैं, हॉवर्ड करती रहती हैं, मंडराती रहती हैं पके हुए फलों के ऊपर। ठीक है जी, क्योंकि पके हुए फलों की सरफेस पर ईस्ट सेल पाई जाती हैं, उस ईस्ट सेल को फीडिंग करने के लिए, खाने के लिए ये मक्खियाँ उसके ऊपर मंडराती रहती हैं। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दोनों में इजीली पहचाना जा सकता है। फीमेल के रेस्पेक्ट में अपने को बताना है, इस साइन का मतलब फीमेल होता है, इस साइन का मतलब मेल होता है। तो कौन सा है, फीमेल लार्ज साइज होती है, ठीक है, विदाउट ओविपोजिटर, ना ये बात गलत है, ओविपोजिटर पाया जाता है। स्मॉल साइज होती है, गलत बात है, विदाउट ओविपोजिटर गलत बात है, स्मॉल साइज होती है फिर से गलत होगी, ओविपोजिटर होता है ये बात तो सही है, लार्ज साइज की होती है फीमेल और ओविपोजिटर भी कहलाता है। ओविपोजिटर जो है वो इस ड्रोसोफिला के हाइंड एंड पर जो है एग लेइंग एपरेटस के रूप में पहचाना जाता है, ये ओविपोजिटर है, तो ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉली का मतलब अनेक, जेनिक का मतलब जीन, तो मल्टीपल जीन अफेक्ट के रूप में देखा जाता है इसको। इट इन्वॉल्व मल्टीपल जीन, बिल्कुल ठीक बात है। इट ऑल्सो टेक इंटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट। तो ह्यूमन स्किन कलर पॉलीजेनिक का एक एग्जाम्पल बनता है, और वहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, सराउंडिंग कैसी है, इक्वेटर के पास है या इक्वेटर से दूर है, टेम्परेचर वहाँ का हाई है या लो है, तो इसके ऊपर भी स्किन का कलर डिपेंड करता है। इसका मतलब पॉलीजेनिक जो इनहेरिटेंस होता है उसमें जो है स्किन कलर एक फैक्टर, वो सॉरी एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो बहुजनी वंशागति के संदर्भ में सत्य को देखना है, अनेक जीन होती हैं, वातावरणीय प्रभाव भी यहाँ पर देखा जाता है। ह्यूमन स्किन कलर इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, बिल्कुल ठीक बात है। और थ्री जीन कंट्रोल दी स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए थ्री जीन कहलाती हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर जो है अपने को क्या बोला है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना, तो मल्टीपल जीन भी हो जाएगा, एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस भी है, ह्यूमन स्किन कलर इसका एग्जाम्पल है, और तीन जीन स्किन कलर को कंट्रोल करती हैं, ए बी सी डी, चारों ही ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएंगे, करेक्ट, और पूछा भी क्या है अपने से, करेक्ट ही पूछा है। ठीक है जी, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चन हो गया, एनसीईआरटी की लाइन है चारों की चारों। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारी जीन मिलकर क्या कर रही है, एक करेक्टर को कंट्रोल कर रही है, और ऐसा देखने के लिए ये क्या है, कैसी जीन है, ये नॉन एलिलिक जीन कहलाती है, और नॉन एलिलिक जीन एक ही इंडिविजुअल में पाई भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन मल्टीपल एलील जहाँ पढ़ेंगे अपन, वो मल्टीपल एलील हैं, एलिलिक हैं, और एलिलिक हैं इसका मतलब सेम लोकस होना चाहिए उनका, इसका मतलब
मल्टीपल एलील की स्टडी करने के लिए पॉपुलेशन स्टडी करनी पड़ती है, इसके लिए पॉपुलेशन स्टडी की आवश्यकता नहीं है, एक इंडिविजुअल में देखा जा सकता है, लेकिन स्किन कलर का जो वेरिएशन है वो पॉपुलेशन स्टडी करने पर ही ऑब्टेंड होता है। ठीक है बच्चों, तो आंसर अपना कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन ड्रोसोफिला टू रिसेसिव जीन प्रोड्यूस वाइट आई और मिनिएचर विंग। तो लिंकेज के रेस्पेक्ट में जो है वो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए थे, व्हाइट आई और मिनिएचर विंग देखा था, और एक में जो है वो येलो बॉडी और व्हाइट आई वाला क्रॉस लिया था उन्होंने। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर वाइल्ड टाइप, मतलब ये तो रिसेसिव है व्हाइट आई और मिनिएचर विंग, ये तो क्या है, रिसेसिव है, और जो वाइल्ड टाइप होता है वो वाइल्ड टाइप डोमिनेंट कहलाता है। विच रिजल्ट फ्रॉम द डोमिनेंट एलील, ये वाइल्ड टाइप किससे बना है, डोमिनेंट एलील से। द रिजल्ट फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन हेटरोजाइगस वाइल्ड टाइप, हेटरोजाइगस वाइल्ड टाइप का क्रॉस करवाने पर एंड होमोजाइगस रिसेसिव वन, इसका मतलब हेटरोजाइगस वाइल्ड टाइप है तो ये एफ वन हो गया, और एफ वन का रिसेसिव से क्रॉस करवाया है तो टेस्ट क्रॉस करवाने पर, और टेस्ट क्रॉस करवाने पर ये सारे रिजल्ट अपने पास में आते हैं। इन टर्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर यूनिट हाउ फार अपार्ट दीज टू जीन ऑन द क्रोमोजोम, तो यहाँ पर लिंकेज मैप में एक बात बताई गई है, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन कितना है। ठीक है जी, और परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन देखने के लिए आप देखें कि अपने को पता है लिंकेज अगर होगा इनकम्प्लीट, अगर कंप्लीट लिंकेज होगा तो 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेगा, इनकम्प्लीट लिंकेज होगा तो 50% से ज्यादा पेरेंटल बनता है और 50% से कम रिकॉम्बिनेंट बनता है। अब यहाँ पर कम कौन से हैं वो देखें आप, ये दोनों जो हैं वो कम हैं, जो कम संख्या है वो रिकॉम्बिनेंट कहलाती है, इन दोनों की टोटलिंग कितनी है 12.6 हो जाती है। ठीक है जी, तो परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर निकालनी है अपने को, और परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर बराबर क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट स्पीसीज अपॉन टोटल स्पीसीज, इन चारों का जब टोटल करोगे तो ये कितना आएगा 100 आएगा, इनटू इसको क्या करना है 100 करना है। ठीक है जी, और ये जो परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर है ये दूरी के रूप में आ जाता है, डिस्टेंस के रूप में आ जाता है, क्योंकि वहीं लिंकेज मैप में एक और बात कही है कि 1% क्रॉसिंग ओवर बराबर 1 सेंटीमॉर्गन या 1 मैप यूनिट भी कहा जाता है इसको। ठीक है भैया, तो जितनी परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर आएगी उतनी ही जीन के बीच में दूरी हो जाती है, परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर कितनी आ गई अपनी 12.6, दूरी कितनी होगी 12.6 सेंटीमॉर्गन। डायरेक्ट सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा 12.6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सेलेक्ट ऑड वन आउट विद रेस्पेक्ट टू जेनिक बैलेंस थ्योरी। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ड्रोसोफिला के केस में जो है सीबी ब्रिज नाम के वैज्ञानिक ने जेनिक बैलेंस थ्योरी को दिया है। ठीक है जी, अब इसके विषय में अपने को ओड वन बताना है, गलत क्या है। वाई क्रोमोजोम प्ले रोल इन द सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ड्रोसोफिला के केस में वाई क्रोमोजोम जो है वो सेक्स डिटरमाइन करने में रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन वो फर्टिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल जरूर है, क्योंकि वाई क्रोमोजोम के ऊपर वो जीन पाई जाती हैं जो गोनेट्स का डेवलपमेंट करवाती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती हैं, और जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो याद रखना वाई क्रोमोजोम का क्या रोल होता है ड्रोसोफिला में, गोनेट्स का डेवलपमेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करना, और थर्ड वन हो जाएगा मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है। यही पूछा है ओड वन, तो ओड वन पहला ही हो गया, फिर भी क्रॉस चेक करें, सारे पढ़ने जरूरी है, सीबी ब्रिज के द्वारा दिया गया है, बिल्कुल ठीक बात है। एक्स अपॉन ए रेशियो इज 1, ये क्या कहलाता है एक्स अपॉन ए, इसको सेक्स इंडेक्स रेशियो कहते हैं। एक्स अपॉन ए को क्या कहा जाता है बच्चों, एस आई आर के नाम से जाना जाता है, सेक्स इंडेक्स रेशियो, सेक्स इंडेक्स रेशियो। और ये सेक्स इंडेक्स रेशियो होता क्या है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम अपॉन ऑटोसोम के कितने सेट हैं, वो रेशियो क्या कहलाता है, सेक्स इंडेक्स रेशियो। और एक्स अपॉन ए रेशियो जो है, एक्स अपॉन ए रेशियो अगर आता है ग्रेटर देन 1, तो ये बनती है सुपर फीमेल, सुपर फीमेल, और ये आता है 1 तो ये बनती है फीमेल, और ये आता है कितना 0.5 तो ये बनता है मेल, और ये आता है लेस देन 0.5 तो ये बनता है सुपर मेल, सुपर मेल, और ये बीच में आता है बिटवीन 1 और 0.5 के बीच आता है तो ये क्या बनता है, इंटरसेक्स बनता है।
ये जेनिक बैलेंस थ्योरी जो सीबी ब्रिज ने दिया है उसकी बातें होगी। अब देखें आप एक्स अपॉन ए रेशियो इज वन, अगर वन आया है तो फीमेल आर प्रोड्यूस, बिल्कुल फीमेल बन रही है। एक्स अपॉन ए रेशियो इज लेस देन 0.5, लेस देन 0.5 सुपर मेल बनते हैं, बिल्कुल सुपर मेल भैया यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये भी सही है। ओड वन कौन सा हो गया, वाई क्रोमोसोम कोई रोल प्ले नहीं करता है, सेक्स डिटरमिनेशन में रोल नहीं है, फर्टिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच इज इनकरेक्ट अबाउट थैलेसीमिया, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी रखा है। याद करो लास्ट में जब ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर की बात हो रही है वहां मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात हो रही है, और क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर या नंबर में अगर कोई चेंज आ रहा है, क्रोमोसोमल एब्रेशन अलग टाइप के डिसऑर्डर है, और कोई जीन म्यूटेशन अगर होता है तो वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर वहां पर देखा जाएगा। इनकरेक्ट बताना है किसके लिए, थैलेसीमिया के लिए। पहले तो थैलेसीमिया के लिए कुछ एक बेसिक बातें हैं वो आप देखें कि थैलेसीमिया जो डिसऑर्डर है इसमें क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए जो आरबीसी का प्रोडक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है जी, वहाँ पर दो चेन देखी जाती हैं, अल्फा चेन और बीटा ग्लोबिन चेन, ठीक है जी, अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन। अल्फा ग्लोबिन चेन के लिए क्या होती हैं, दो जीन होती हैं HBA1 HBA2 जो उनके लिए रेस्पॉन्सिबल जीन ऑटोसोम 16 पर प्रेजेंट होती है, NCERT की लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा अपना, थैलेसीमिया जो है वो अल्फा अफेक्टेड होगी तो अल्फा थैलेसीमिया बन जाएगा, और बीटा ग्लोबिन चेन नहीं बन पाती है तो बीटा थैलेसीमिया ये बन जाता है। तो थैलेसीमिया के रेस्पेक्ट में एक बात मैं लिख देता हूँ, पीछे वाला क्वेश्चन स्पेस निकाल के, थैलेसीमिया अल्फा होता है और बीटा होता है। अल्फा थैलेसीमिया जो है इसमें अल्फा चेन अफेक्टेड है, अल्फा चेन अफेक्टेड, और यहां पर बीटा चेन अफेक्टेड है, बीटा चेन अफेक्टेड है, अल्फा चेन अफेक्टेड है तो दोनों पेरेंट के क्रोमोसोम होंगे, तो अपन क्या बोलेंगे, अल्फा चेन अफेक्टेड है इसके लिए दो जीन रेस्पॉन्सिबल होती हैं एक पेरेंट की, टू जीन, और कहां प्रेजेंट है, 16th क्रोमोसोम पर ये प्रेजेंट होती हैं। दो जीन कौन सी हैं, HBA1 HBA2, एक क्रोमोसोम पर दो जीन ये पाई जा रही हैं, 16th क्रोमोसोम पर पाई जा रही हैं, दो क्रोमोसोम दोनों पेरेंट से आएंगे तो टोटल जीन कितनी होगी, 4 जीन हो जाती हैं। इसका मतलब एक जीन अफेक्टेड है तो कम सीवियर अल्फा बनेगा, चारों जीन अफेक्टेड हो जाएंगी इसमें, दोनों ही पेरेंट के दो क्रोमोसोम पर आने वाली चारों ही जीन अफेक्टेड हो जाएंगी तो फिर सीवियर टाइप की ये एनीमिया बन, वो थैलेसीमिया बन जाता है, ठीक है जी। ऐसे ही बीटा में बीटा चेन अफेक्टेड होती है, इसके लिए ईच पेरेंट पर क्या होती है, 1 जीन होती है, और कौन सी, HBB जीन कहलाती है, और क्रोमोसोम नंबर कौन सा कहलाता है, 11th क्रोमोसोम कहलाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, टिप्स पे रखनी है, NCERT ने इस बात को फोकस किया है, ठीक है जी। तो अल्फा थैलेसीमिया हो गया, बीटा थैलेसीमिया, ये दो प्रकार की थैलेसीमिया हो जाती है। इसमें अगर इन जीन में डिफेक्ट आ गया तो अल्फा थैलेसीमिया बनेगा, और HBB में डिफेक्ट आ गया तो बीटा थैलेसीमिया बन जाता है, ठीक है। अब आ जाए अपने क्वेश्चन पे, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इनकरेक्ट बताना है थैलेसीमिया के लिए, दिस ब्लड डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आ रही है, इन विच बोथ पेरेंट आर अफेक्टेड फॉर द जीन। थैलेसीमिया के लिए अपन ने क्या बोला है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, और जो रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं उनमें अपने को पता है कि अनअफेक्टेड पेरेंट है अफेक्टेड प्रोजेनी, कहने का मतलब प्रोजेनी अगर अफेक्टेड है ये वाली तो इसके पेरेंट कैसे रहे होंगे, हेटरोजाइगस रहे होंगे। लेकिन ये पहले ही स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, अफेक्टेड है इस जीन के लिए, इस जीन के लिए ये अफेक्टेड नहीं है, कैरियर है भैया यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये अनअफेक्टेड कैरियर होना चाहिए था यहाँ पर, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, अनअफेक्टेड कैरियर, ठीक है जी। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, पहला ही इनकरेक्ट हो गया अपना, फिर भी क्रॉस चेक करें, दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन दैट मेक्स अप हीमोग्लोबिन। इसका मतलब
कोई म्यूटेशन या डिलीशन हो गया है, जो जीन अपन ने बात की थी, तो 16th क्रोमोसोम वाली में अगर होगा तो अल्फा बन जाएगा, और अगर बीटा थैलेसीमिया बनेगी तो वहाँ पर 11th क्रोमोसोम की जीन में कोई डिलीशन या म्यूटेशन आ जाता है। इसमें वन ऑफ द ग्लोबिन चेन जो है उसका फॉर्मेशन कम हो जाता है। यहाँ पर क्वालिटेटिव प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। क्वालिटेटिव प्रॉब्लम में तो क्या हो जाता, जेनेटिक कोड बदल जाते हैं, ठीक है। यहाँ क्या देखा जा रहा है, वन ऑफ द ग्लोबिन चेन का फॉर्मेशन ही कम हो रहा है, तो ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम बन जाती है। तो याद रखना थैलेसीमिया क्या है, एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, गुणात्मक समस्या है। क्वांटिटेटिव समस्या ये कहलाती है। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू आइदर म्यूटेशन, तो ये बात सही है। दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इनटू एनीमिया व्हिच इज करेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज। बिल्कुल ठीक बात है, अगर हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बनेगा तो यहाँ पर आरबीसी की कमी भी देखी जाएगी, यहाँ पर एनीमिक कंडीशन भी देखी जाती है, करेक्टरिस्टिक है इस डिजीज की, एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही है। थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इज दैट लेटर इज क्वालिटेटिव। लेटर मतलब फॉर्मर कहता तो थैलेसीमिया, लेटर की अगर बात कर रहा है तो सिकल सेल एनीमिया के रेस्पेक्ट में ये बात कर रहा है। तो सिकल सेल एनीमिया तो एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है ऑफ सिंथेसिस ऑफ इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन। ग्लोबिन चेन तो बन रही है, लेकिन वो ग्लोबिन चेन कैसी होती है, इनकरेक्ट होती है, इसका मतलब वहां पर कोई जेनेटिक कोड में चेंजेज आ गई है। व्हाइल द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब थैलेसीमिया की ये बात कर रहा है, फॉर्मर जो है वो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, पहले ही लिख दिया था मैंने, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है जिसमें फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है उनका सिंथेसिस देखा जाता है। इसका मतलब जिस चेन के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन अफेक्टेड होगी उस चेन का फॉर्मेशन कम हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अल्फा का हो सकता है या बीटा का हो सकता है, तो ये बात भी क्या है, सही है। इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो आंसर कौन सा चला गया इसका, ऑप्शन नंबर 1 चला जाता है, इनकरेक्ट है। बाकी ये सही है, ये सही है, ये सही है, ओके, इनकरेक्ट हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 15, इन ए पॉपुलेशन एन ए ए एंड एन ए ए, यहाँ पर देखिए होमोजाइगस डोमिनेंट और ये होमोजाइगस रिसेसिव, आर द नंबर ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल ऑफ एलील ए एंड ए रेस्पेक्टिवली। तो ए एलील के लिए तो एक्सप्रेशन ये आ रहा है इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी, और इसके लिए ये आ रही है हेटरोजाइगस इंडिविजुअल, ठीक है जी, रेस्पेक्टिवली। एंड एन ए ए इज द नंबर ऑफ हेटरोजाइगस, ये हेटरोजाइगस इंडिविजुअल बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द एलील फ्रिक्वेंसी ऑफ ए एंड ए इन ए पॉपुलेशन, जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन उसका क्या बता रखा है, इंडिविजुअल में एलील फ्रिक्वेंसी क्या बता रखी है, इस प्रकार की बता रखी है। तो अपने को क्या बताना है, ए एलील की फ्रिक्वेंसी कितनी है और स्मॉल ए एलील की फ्रिक्वेंसी कितनी है। ऑलरेडी क्या दे रखा है, इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी अपने को दे रखी है, ठीक है जी। तो इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी एन ए ए के लिए क्या है, इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी 45, ठीक है जी। और ये क्या है, अब इसको परसेंटेज वाइज अगर करते हैं तो ये कितना बन जाता है, डिवाइडेड बाई 100 कर दो इसको, ये कितना बन जाएगा 0.45। ये अपनी क्या आ जाती है, जो होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल है उसमें ए की फ्रिक्वेंसी आ जाती है, होमोजाइगस डोमिनेंट में आ गई है। ऐसे ही रिसेसिव की अगर बात कर लूँ तो एन ए ए ये कितना बता रखा है भैया 0.35, 35 है ना, इसको 35/100 करके आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 0.35। ये अपना क्या आ गया है, स्मॉल ए के लिए फ्रिक्वेंसी आ जाती है, लेकिन किसमें, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल में आ गई है। लेकिन अब हेटरोजाइगस इंडिविजुअल और बना है, इसका मतलब इस हेटरोजाइगस इंडिविजुअल में 20 है, तो हाफ पोर्शन तो कैपिटल ए के लिए है और आधा पोर्शन इसका स्मॉल ए के लिए है। तो एन ए ए कितना दे रखा है 20, तो यहाँ पर अगर ए के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो 1/2 हो जाएगा इसका, 10 आ जाएगा, और स्मॉल ए के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो फिर से 10 आ जाएगा। बोलो जी, डिवाइडेड बाई 100 करके निकालते हो, तो 100 करके अगर इसको निकालते हो तो ये अपना कितना आ जाएगा 0.10 आ जाता है, 0.10 इसमें ऐड करना है। तो ए के लिए जो ऑलरेडी होमोजाइगस डोमिनेंट में आई है उसमें 0.10 और ऐड कर दो, और ऐसे ही यहाँ भी 0.10 और ऐड कर दो, 0.45 और 0.10 इनको ऐड किया जाए तो कितना आता है, बोलो भैया 0.55 आएगा, और ऐसे यहाँ ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा
0.45 आ जाएगा। तो ए के लिए कैपिटल ए के लिए फ्रीक्वेंसी तो क्या बन गई 0.55, ए के लिए 0.55 सही है, और स्मॉल ए के लिए 0.45 पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। दूसरे में ए के लिए ये गलत है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। तो इजीली अप्रोच हो जाएगा, हार्डी विनबर्ग का क्वेश्चन है ये, ओके। हार्डी विनबर्ग के और क्वेश्चन भी देखते हैं आगे कि उनमें किस किस प्रकार से अपने को अप्रोच करना है, क्लियर। मूव करें अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, जीन ए एंड बी आर लिंक्ड, ए और बी जीन है जो आपस में लिंकेज शो कर रही है। अब ये नहीं पता है कि कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, ठीक है जी। और अगर आगे चलकर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अपने को ऐसा वेरिएशन दर्शाती है कि ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, तो अपने को इनकम्प्लीट के रेस्पेक्ट में ही जाना है, क्योंकि कंप्लीट लिंकेज के केस में अपने को पता है 100% पेरेंटल टाइप बनेगा। जीन ए एंड बी आर लिंक्ड हैं, इफ ए होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट इज क्रॉस्ड विद ए होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट एंड F1 इज क्रॉस्ड टू द रिसेसिव पेरेंट, टेस्ट क्रॉस उसका करवाया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एक्सपेक्टेड इन द प्रोजेनी, प्रोजेनी में क्या देखा जाएगा। अब ये क्रॉसिंग करवा रहे हैं और प्रोजेनी यहाँ पर बन रही है, कुछ भी यहाँ पर बोला नहीं है लिंकेज कैसा है, तो अपने को क्या मानना है, इनकम्प्लीट मानना है, क्योंकि कंप्लीट लिंकेज नेचर में बहुत ही रेयर होता है, मेल ड्रोसोफिला के केस में देखा जाता है, ठीक है बच्चों। ए और बी अगर लिंक्ड है ना, तो ए बी अगर लिंक्ड है तो ए बी ये लिंकेज बनेगा, और इसी के ही होमोलोगस क्रोमोजोम पर ए बी ये फॉर्म बनेगी। और अगर ऐसा नहीं होता, लिंकेज नहीं होता, मेंडल की बात होती, तो ये जीनोटाइप ए ए बी बी जैसे राउंड येलो अपन ने लिखा था वैसा लिखा जाता। ऐसा लिखने का मतलब लिंकेज पाया जा रहा है, इनकम्प्लीट लिंकेज है भैया, ठीक है। ए और बी जो है वो लिंक्ड है, इसका मतलब लिंकेज स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी इनमें भी पाया जा रहा है। जो एफ वन बनेगा वो कैसा बनेगा, ए बी और ए बी, इस टाइप का एफ वन इंडिविजुअल ये बनता है। अब इस F1 का क्या करवा दिया इन्होंने, क्रॉस टू द रिसेसिव पेरेंट, इसका इससे करवा दिया, इसका मतलब टेस्ट क्रॉस इन्होंने करवा दिया, बोलो जी। तो फिर इनकम्प्लीट लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज होता तो गैमेट दो ही प्रकार के बनते, ठीक है जी। इनकम्प्लीट लिंकेज है तो चार प्रकार के गैमेट, अगर कंप्लीट लिंकेज होता तो गैमेट कौन सा बनता, यहाँ से एक गैमेट ये बन जाता, एक गैमेट ये बन जाता, और यहाँ से तो एक ही टाइप का बनना है गैमेट, ठीक है जी। लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज है तो दो पेरेंटल टाइप के गैमेट तो ये बनेंगे ही बनेंगे, इसके अलावा दो रिकॉम्बिनेंट टाइप के गैमेट और भी बनते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। तो अपन क्या बोलेंगे, ये क्रॉस आ गया अपने पास में, अब ये गैमेट कौन कौन सा बना रहा है, कैपिटल ए कैपिटल बी, एक गैमेट ये बन रहा है, और दूसरा गैमेट स्मॉल ए स्मॉल बी, ये वाला गैमेट बन जाएगा एज इट इज, ये वाला गैमेट बन जाएगा एज इट इज, और इधर से तो गैमेट एक ही टाइप का बनना है, कौन सा, स्मॉल ए स्मॉल बी टाइप का गैमेट बनना है, ठीक है जी। अब इनकी क्रॉसिंग होनी है दोनों गैमेट की, इसका इसके साथ अगर क्रॉस होता है, ये दोनों गैमेट फ्यूज होते हैं तो इंडिविजुअल बनेगा ए बी ऑब्लिक ए बी, पेरेंटल टाइप है, ठीक है जी। और ऐसे ही यहाँ अगर होगा तो ये क्या बन जाएगा, ए बी ऑब्लिक ए बी, ये वाली फॉर्म बन जाती है। यहाँ दो प्रकार के गैमेट और बनेंगे, कौन से, एक कैपिटल ए के साथ में क्या चला जाए, कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी, और दूसरा गैमेट स्मॉल ए के साथ में कैपिटल बी, ये दो टाइप के गैमेट और बनते हैं, बोलो जी। तो अपने को पता है इनकम्प्लीट लिंकेज है तो पेरेंटल टाइप जो है वो ज्यादा बनता है, बजाय किसके, रिकॉम्बिनेंट के, बीच में रिकॉम्बिनेंट बनेगा, ये गैमेट इसके साथ जाएगा तो ए बी ऑब्लिक ए बी ये बनेगा, ये गैमेट इसके साथ जाएगा तो ए बी ऑब्लिक ए बी स्मॉल ए बी ये बनेगा, ठीक है जी। ये दोनों क्या है, रिकॉम्बिनेंट है, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट है, ये क्या है, पेरेंटल है, ये क्या है, पेरेंटल है, ठीक है जी। इसका मतलब पेरेंटल टाइप जो है वो दोनों ही ज्यादा बनते हैं, किससे, रिकॉम्बिनेंट से, बीच वाले से, यही देखना है अपने को। कैपिटल ए स्मॉल बी ये वाला और ये वाला केस विल बी मोर, इसका मतलब कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी आए और स्मॉल ए के साथ में कैपिटल बी आए, यही तो बात कर रहे हैं, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी और स्मॉल ए के साथ में कैपिटल बी, ये ज्यादा बनेगा नहीं, रिकॉम्बिनेंट कम बनेगा, तो यहाँ पर जो है विल बी मोर नहीं लेस होना चाहिए था, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें,
नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी, इक्वल तो बनेगी नहीं, इक्वल होगी तो फिर लिंकेज की बात नहीं करनी है अपने को, लिंकेज है तो ये भी क्या हो गया, इक्वल फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अब ये देखिए कैपिटल ए के साथ में कैपिटल बी जाए और दूसरा वो टेस्ट क्लोज वाले ऊपर वाले पेरेंट का स्मॉल ए स्मॉल बी आए, तो ये वाला केस और ये वाला केस एक ही तो है, पेरेंटल टाइप है, बिल्कुल ठीक बात है। और स्मॉल ए स्मॉल बी ये वाला केस बन रहा है, ये भी पेरेंटल है, ये दोनों ही केस विल बी मोर फ्रिक्वेंट देन दी जो रिकॉम्बिनेंट बन रहा है उससे ज्यादा बनेगा, बिल्कुल सही बात है। यही अपने को देखना है कि क्या एक्सपेक्ट होगा प्रोजेनी में, पेरेंटल टाइप इज मोर फ्रिक्वेंट देन दी रिकॉम्बिनेंट टाइप, जो पैतृक प्रकार हैं वो जो नए प्रकार बनेंगे जो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे पुनः संयोजन बनेंगे उनसे ज्यादा होते हैं। ए बी और ए बी प्लस ए बी और ए बी, ये क्या कह रहा है स्मॉल ए के साथ में बी, ये वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेगा, ये वाला और ये वाला कम बनेगा, ऐसा तो मतलब ही नहीं है। तो अपने को पता है पेरेंटल इज मोर फ्रिक्वेंट देन दी रिकॉम्बिनेंट, आंसर अपना कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ए चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ, फादर हैज ब्लड ग्रुप ए और मदर हैज ब्लड ग्रुप बी, फाइंड आउट पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ अदर ऑफस्प्रिंग व्हिच हैव डिफरेंट ब्लड ग्रुप एज दैट ऑफ द अबव मेंशनड चाइल्ड। इसका मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपको, ए चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ, अगर चाइल्ड का ये चाइल्ड है, ब्लड ग्रुप क्या है इसका, ओ है, ओ ब्लड ग्रुप का मतलब इसके पास में एलील I0 एलील रही होगी, ठीक है जी। अब दूसरी ओर क्या कह रहा है, इफ फादर हैज ब्लड ग्रुप ए, अगर फादर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ए है ब्लड ग्रुप, और मदर जो है उसका ब्लड ग्रुप क्या बता रखा है उन्होंने, मदर का ब्लड ग्रुप बी बता रखा है, ठीक है जी। तो पक्की बात है यहाँ पर दो I0 आए हैं, तो एक I0 यहाँ से आया होगा, एक I0 यहाँ से आया होगा, इसका ब्लड ग्रुप ए है तो दूसरी एलील कैपिटल ए रही होगी और यहाँ पर दूसरी एलील कैपिटल बी रही होगी। अपने को पता है ब्लड ग्रुप में तीन एलील होती है, मल्टीपल एलील का ये एग्जाम्पल बनता है, ठीक है जी। और आई ए और आई बी एलील जो है I0 के ऊपर डोमिनेंट होती है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन ए आएगा, यहाँ पर एक्सप्रेशन बी आएगा, दोनों ही रिसेसिव आ गई, तो रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस करती है, सिंपल सी बात है। बोलो जी, तो फादर का ब्लड ग्रुप ये पॉसिबल हो गया, मदर का ब्लड ग्रुप ये पॉसिबल हो गया। अब इन्होंने कहा है कि और कौन से जीनोटाइप बनेंगे चाइल्ड के, लेकिन वो किसके अलावा होने चाहिए, इस पहले वाले चाइल्ड के अलावा का ब्लड ग्रुप होना चाहिए, फिनोटाइप कौन कौन से बनेंगे वो पूछा है। ओनली ए और बी, केवल ए और बी बनेगा, तो पहले तो देख ले बनता क्या क्या है। अगर ये ए जो है इस बी के साथ चला जाए तो ए बी ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। बोलो जी, अगर ये ए जो है ये इस I0 के साथ में चला जाए तो ए ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा क्या, बनेगा। ये I0 जो है ये इस आई बी के साथ चला जाए तो बी ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। और ये I0 इस I0 के साथ चला जाए तो ओ ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा क्या, बनेगा। लेकिन इसने साफ लिखा है कि अब यहाँ पर आंसर अपना ए बी ए बी ओ, चारों आगे ए बी ए बी ओ, ये ऑप्शन भी दिया हुआ है भैया यहाँ पर, लेकिन ये कह रहा है कि ऑफ अदर ऑफ स्प्रिंग के ब्लड ग्रुप कौन से होंगे जो डिफरेंट होना चाहिए इस चाइल्ड के ब्लड ग्रुप से। चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ऑलरेडी ओ दिया हुआ है, ओ से डिफरेंट वाला होना चाहिए, ओ से डिफरेंट तो ये तीन ही बनते हैं, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, कंसेप्ट इजी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पॉसिबल जीनोटाइप प्रोजेनी की अगर पूछता तो चारों प्रकार बन सकते हैं, लेकिन इसने साफ कह दिया है कि ऊपर दिए गए चाइल्ड के ब्लड ग्रुप से अलग होना चाहिए बाकी के चाइल्ड का, तो अलग तो ये तीन पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाती। ओके, गलत हुआ था क्या, नहीं होना चाहिए था। चलो क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी होमोलोगस क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन मेल ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला के केस की अगर बात करें तो 2 एंड डिप्लोइड संख्या बराबर कितनी होती है, 8 होती है, जिसमें 6 ऑटोसोम प्लस XX या XY कंडीशन कहलाती है। ये क्या बोल रहे हैं, मेल ड्रोसोफिला में कंडीशन 6 ऑटोसोम प्लस XY कंडीशन बन जाएगी। अब क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी होमोलोगस क्रोमोजोम, एक्स और वाई तो नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम कहलाते हैं, तो होमोलोगस तो ये 6 ऑटोसोम बचे, 6 ऑटोसोम का मतलब कितने पेयर, 3 पेयर ऑफ ऑटोसोम, आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 19, रोहित शर्मा हैज 2 डॉटर, रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेटर, ठीक है जी, उसके रेस्पेक्ट में बनाया गया क्वेश्चन है, 2 डॉटर, और कोई भी हो सकता है रोहित शर्मा,
His grandmother blamed Rohit wife for bearing only daughter. दादी माँ जो है रोहित शर्मा की, वो ब्लेम करती है रोहित शर्मा की वाइफ को कि ये जो दो बेटियाँ पैदा हुई हैं ये केवल तेरे कारण हुई है, मेरे बेटे के कारण नहीं हुई। ठीक है, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कन्वीनियंस ग्रांड मदर दैट रोहित वाइफ हैज नो रोल इन गिविंग बर्थ डॉटर्स ओनली। ठीक है जी, तो कुछ स्टेटमेंट नीचे दिए गए, इसमें कितने स्टेटमेंट हैं जो ये दर्शाते हैं कि बेटियों को जन्म देने के लिए रोहित की जो वाइफ है वो उत्तरदायी नहीं है, वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है जी, तो सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। दादी को समझाया गया कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ था ना गैमेट का, उस फर्टिलाइजेशन के दौरान सेक्स डिटरमाइन होता है, तो बिल्कुल ठीक बात है, ये बात सही हो गई, दादी माँ को समझ में आती है ये बात। वुमेन आर हेटरोगैमेटिक, वुमेन आर हेटरोगैमेटिक मतलब दो टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगी, तो वुमेन तो एक्स सेक्स होती है, एक ही टाइप का सेक्स गैमेट, एक्स टाइप का सेक्स गैमेट ये बनाती है, दो टाइप का नहीं, तो ये बात है उसको संतुष्ट नहीं करेगी। दादी को ये बताने में समर्थ नहीं है ये वाली बात कि बेटी रेस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए। मैन आर होमोगैमेटिक, मैन तो एक्स वाई होता है, होमोगैमेटिक नहीं हेटरोगैमेटिक होता है, तो ये भी दादी को संतुष्ट नहीं करेगा। इट इज ए मैटर ऑफ चांस दैट द ओवम इज फर्टिलाइज बाई एंड्रोस्पर्म या गाइनोस्पर्म। एंड्रोस्पर्म वाई क्रोमोजोम के साथ फ्यूजन हो एग का, गाइनोस्पर्म एक्स क्रोमोजोम के साथ फ्यूजन हो एग का। ठीक है जी, तो ये बात जो है ये भी दादी को समझ में आएगी कि उसकी बहू जो है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है बेटियों को जन्म देने के लिए। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली वंस इन दिस कपल, इस टाइप का फर्टिलाइजेशन एक ही बार हो सकता है ना, ये तो चांस इवेंट है, कितनी भी बार हो सकता है, जितनी बार फ्यूजन होगा गैमेट का उतनी बार ये चांस इवेंट बनेगा, तो ये भी गलत होगी। तो कितनी बातें ऐसी हैं जो दादी को समझाएंगी, एक और दो, ये दो बातें ऐसी हैं, दो का मतलब आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर वन। अरे ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज ऑन एमआरएनए रिप्रेजेंट सिकल सेल एनीमिया। डीएनए पर अगर चेंज की बात करता तो जीएजी की जगह जीटीजी ये वाली फॉर्म देखी जाती। सिकल सेल एनीमिया का जो ग्राफ आपको, वो डायग्राम आपको बता रखा है, उसको डायग्राम को अच्छे से देख लेना। डीएनए के रेस्पेक्ट में पूछ सकता है, एमआरएनए के रेस्पेक्ट में पूछ सकता है, ग्लोबिन चेन की पोजीशन के रेस्पेक्ट में पूछ सकता है। ठीक है जी, तो सिकल सेल एनीमिया एक पॉइंट म्यूटेशन है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन देखा जाता है। ठीक है जी, और क्या हो जाता है, एडिनिन की जगह थायमिन आ जाता है, कहाँ पर, डीएनए पर। ठीक है जी, और एमआरएनए का कोडॉन उसकी वजह से जीएजी जीयूजी में बदल जाता है। बोलो जी, जीएजी तो कोड करता है किसको, ग्लूटेमिक एसिड को, और जीयूजी कोड करता है किसको, वैलिन को। इसका मतलब ग्लूटेमिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वैलिन आ जाता है, कहाँ पर, बीटा ग्लोबिन चेन की सिक्स्थ पोजीशन के ऊपर। ठीक है जी, तो एमआरएनए पर चेंज क्या आया है, जीएजी जो है वो क्या हो गया है, जीयूजी में बदल गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर नॉट बिलोंग टू, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसका मतलब क्रोमोजोमल एब्रेशन के जो भी प्रकार बनेंगे वो मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है। सिस्टिक फिब्रोसिस मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ठीक है जी, टर्नर सिंड्रोम नहीं है, पीकेयू फिनाइल कीटोन्यूरिया है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया भी क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये क्रोमोजोमल डिसऑर्डर कहलाता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, एक क्रोमोजोम कम हो जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की अगर बात करें तो यहाँ पर एक क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम बढ़ जाता है। ये पूछा है कि कितने नहीं है, नॉट, इसका मतलब एक और दो ऐसे हैं जो मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है, ऑप्शन नंबर वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अल्फ्रेड स्टूडेंट वाज स्टूडेंट ऑफ, मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए थे ड्रोसोफिला के ऊपर, मॉर्गन के ही स्टूडेंट थे अल्फ्रेड स्टूडेंट, नीट 2019 में क्वेश्चन भी आया हुआ है। अल्फ्रेड स्टूडेंट ने क्या डिजाइन किया था, जेनेटिक मैप को बताया था, और परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर के अकॉर्डिंग जीन के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, इस बात को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है जी, तो जितनी परसेंट क्रॉसिंग ओवर, 1% क्रॉसिंग ओवर 1 सेंटीमॉर्गन, 5% क्रॉसिंग ओवर 5 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस हो जाती है जीन के बीच। तो जेनेटिक मैप किसके द्वारा डिजाइन किया गया, अल्फर्ट स्टूटीवेंट। अगर ऑप्शन में अल्फर्ट स्टूटीवेंट नहीं है और मॉर्गन दिया गया है तो फिर आंसर मॉर्गन जाएगा। अगर ऑप्शन में मॉर्गन भी दे रखा है और स्टूटीवेंट भी दे रखा है तो फिर आंसर जो है वो स्टूटीवेंट जाएगा। ठीक है जी, तो किसके स्टूडेंट थे ये, मॉर्गन के स्टूडेंट रहे थे, ऑप्शन नंबर 3। थ्योरेटिकल क्वेश्चन नेक्स्ट 23, इफ इन ए मेंडेलियन पॉपुलेशन कैपिटल ए डोमिनेंट एलील को पी से रिप्रेजेंट कर दिया 0.9
और स्मॉल ए जो है वो 1 - p इज इक्वल टू क्या बता दिया 0.1। तो अपने को पता है हार्डी विनबर्ग लॉ में अपन ने क्या बोला था, पी प्लस क्यू बराबर कितना होता है 1 होता है। पी इतना दे रखा है, अगर पी जो है 0.9 दे रखा है तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाता है 1 - p करना है अपने को, 0.9 करना है, कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। वही एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया इन्होंने। फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, तो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी अपने को पता है क्या होती है, होमोजाइगस डोमिनेंट की ये होती है पी स्क्वायर, होमोजाइगस रिसेसिव की होती है क्यू स्क्वायर प्लस हेटरोजाइगस की 2pq। ये वाले केस बनते हैं, ठीक है जी। पी क्या बता रखा है यहाँ पर 0.9 बता रखा है, क्यू क्या बता रखा है 0.1 बता रखा है। अब इन तीनों की निकालनी है अपने को। पी स्क्वायर की अगर बात करूँ इसका मतलब 0.9 × 0.9 करना है मेरे को, तो पॉइंट हटाने के लिए डिवाइडेड बाई 10 कर दो इसको। बोलो जी, अगर 10 करोगे तो ये क्या बन जाएगा 9/10 × 9/10। 9 जा कितना 81 और 10 जा नीचे कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना बन जाएगा 0.81 बन जाता है। ये तो आ गई पी स्क्वायर अपनी, ठीक है। 0.81 तो क्या आ गया पी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर 0.1 का 0.1 से, तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर के रेस्पेक्ट में 0.1 × 0.1 डिवाइडेड बाई 100 कर दो इसको, ठीक है जी, वो सॉरी 10 कर दो, 0.1 × 0.1 इसी को सिंप्लीफाई करो तो 1/10 × 1/10 1 जा कितना होता है 1 होता है, 10 × 10 100 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 0.01। ये अपना क्या आ जाता है क्यू स्क्वायर आ जाता है। पी स्क्वायर तो आ गया 0.81, क्यू स्क्वायर आ गया अपना कितना 0.01। 2pq निकालना है, 2pq मतलब 2 × p कितना है 0.9 × 0.1। अपने को पता है कि डिवाइडेड बाई 10 करना है, डिवाइडेड बाई 10 करना है और 9 2 18 होता है, 18/100 करना है, 18/100 अपना कितना आ जाएगा 0.18 आ जाता है, ठीक है जी। अब देखें आप क्या पूछा है, 3 जीनोटाइप की फ्रिक्वेंसी ए ए की ये आती है, बिल्कुल आती है, चारों में ही सेम आ रही है, बिल्कुल यही आ रही है। अब हेट्रोजाइगस की पूछ रही है, हेट्रोजाइगस 0.18 आनी चाहिए, हेट्रोजाइगस 0.18 चारों में आ रही है, बिल्कुल चारों में आ रही है साहब, तो अपने को डिफरेंस इसके बेसिस पर निकलेगा, ठीक है जी। और इसके बेसिस पर रिसेसिव का अपने पास में क्या आ रहा था 0.01, ये 0.1 है गलत, 0.2 है गलत, 0.01 है ये सही है, 0.001 ये गलत, आंसर कौन सा चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, कैलकुलेटिव टाइप का है ये। नेक्स्ट 24, रेशियो ऑफ 2x/3 है, जेनिक बैलेंस थ्योरी सीबी ब्रिज की बात कर रहे हैं, ड्रोसोफिला विल गिव राइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है जी। तो 2x/3a इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2/3, ठीक है जी। और अगर 2/3 को कैलकुलेट करो तो अपन क्या करेंगे, ऊपर 0 लगा दिया तो यहाँ पर आंसर में पॉइंट आ जाएगा, और ये 3 इसे कितनी बार जा रहा है 6 आंसर 0.66 किसके बीच में आ रहा है 0.5 से 1 के बीच आ रहा है 1.0 या सिंपली 1 भी लिख सकते हो इसको आप, 1 के बीच ये आ रहा है, 1 के बीच मतलब इंटरसेक्स ये बन जाता है। मेटा फीमेल 1 से ज़्यादा, मेल 0.5, मेटा मेल 0.5 से कम। नेक्स्ट 25, नलिस्वामी आर रिप्रेजेंटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है जी, म्यूटेशन का क्वेश्चन है, और नलिस्वामी क्या होता है 2n-2 कंडीशन जो है वो नलिस्वामी को बताती है, ठीक है जी। अब 2n-1 होता ये मोनोस्वामी है, 2n-1 - 1 दो बार मोनोस्वामी हो रही है तो ये डबल मोनोस्वामी, ये मोनोस्वामी है, ये डबल मोनोस्वामी है, डबल मोनोस्वामी। और 2n-2 एक साथ हो जाए तो ये क्या कहलाता है, ये नलिस्वामी कहलाती है, तो नलिस्वामी कंडीशन 2n-2 ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, ठीक है जी। अब मतलब क्या है इस -2 और दो बार -1 का, एक एक क्रोमोजोम गया है, सेट गायब नहीं हुआ है, एक सेट में से क्रोमोजोम जा रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, एक होमोलोगस में से एक चला गया, दूसरे होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर में से एक चला गया, तो दो अलग अलग या नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम में से क्रोमोजोम माइनस हो रहे हैं तो वो तो डबल मोनोसोमी है। और अगर एक पूरा होमोलोगस ही क्रोमोजोम सेट चला गया है तो फिर अपन क्या बोलेंगे, एक होमोलोगस
सेट में से क्रोमोसोम चले गए तो ये नलीसोमिक, इसको एक साथ लिखा जाता है। तो दो बार माइनस वन लिखने का और एक बार माइनस टू लिखने का अंतर ये होता है, ये नॉन होमोलोगस है, ये होमोलोगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, पेरेंट ऑफ ए गर्ल आल नॉर्मल, एक गर्ल है उसके पेरेंट जो है वो नॉर्मल है, बट फादर ऑफ दीज पेरेंट वर कलर ब्लाइंड, इसका मतलब है ये दो पेरेंट हो गए एक्स 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 वाई, ठीक है, इसके फादर भी कलर ब्लाइंड है एक्स सी वाई, इसके फादर भी कैसे रहे हैं कलर ब्लाइंड रहे हैं एक्स सी वाई, ठीक है जी, और इनके कोई बेटी बन रही है, ये इनकी गर्ल डॉटर हो गई। फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड टू बिकम कलर ब्लाइंड, इस गर्ल चाइल्ड के कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये अपने को देखना है। अगर यहाँ पर फादर कलर ब्लाइंड है तो पक्की बात है बेटी में एक्स क्रोमोसोम फादर से आएगा तो ये कैरियर बनेगी इसके लिए, यहाँ फादर कलर ब्लाइंड है तो ये बेटी में जाएगा, बेटे में तो वाई क्रोमोसोम आएगा फादर से, तो ये जो है ये नॉर्मल रहेगा। अब डॉटर का पूछा है अपने से कि गर्ल चाइल्ड, याद रखना प्रोबेबिलिटी अगर प्रोजेनी में से पूछता तो अलग रेशियो आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड इसका मतलब टोटल गर्ल कौन कौन सी बन रही है, एक गर्ल तो ये बन रही है एक्स एक्स और एक गर्ल ये बन रही है एक्स सी एक्स। बोलो जी क्या पूछा है, कलर ब्लाइंड केवल इतना पूछता कि गर्ल चाइल्ड कलर ब्लाइंड है तो दो गर्ल हैं दोनों में से कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं है क्योंकि दोनों एक्स पे रिसेसिव एलील है, ये रिसेसिव डिसऑर्डर है तो दोनों पे आएगा तो ही कलर ब्लाइंड बनेगी। लेकिन ये क्या बोल रहा है, कलर ब्लाइंड कैरियर भी बोल रहा है, अच्छे से पढ़े, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, क्या बात पूरी पूछ रहा है। तो दो डॉटर मतलब 100% इनमें से एक कलर ब्लाइंड कैरियर बन रही है तो चांस कितना हो गया 50% चांस हो गया कि डॉटर क्या बने कलर ब्लाइंड कैरियर बने, ऑप्शन नंबर वन चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 27, इन द गिवन डायग्राम विच ऑफ द फाइव मार्क क्रॉस एज एक्स आर टेस्ट क्रॉस, नीचे दिए गए डायग्राम में से पांच एक्स में से परीक्षण क्रॉस करवाया गया है, उस परीक्षण क्रॉस को पहचानना है, कौन सा है परीक्षण क्रॉस, सबको पता है F1 का क्रॉस किससे होता है, डबल रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कहलाता है। तो यहाँ पर देखें ये F1 हो गया, ठीक है जी, इस F1 का क्रॉस जो है इससे करवाया तो ये टेस्ट क्रॉस नहीं है, बैक क्रॉस का टाइप है, ये आउट क्रॉस हो गया। TT का क्रॉस हेटरोजाइगस का इसके साथ में ये वाला है, इसका क्रॉस इसके साथ में ये भी टेस्ट क्रॉस है, TT का इसके साथ में X4 टेस्ट क्रॉस नहीं है, ये X3 देखें TT का इसके साथ में ये तो सेल्फिंग है ये भी नहीं है, TT का इसके साथ में ये भी नहीं है। तो जो पांच एक्स आपको बता रखे हैं उन पांच एक्स में से कौन सा एक्स जो है वो टेस्ट क्रॉस को बता रहा है, तो टू और फाइव जो है वो बता रहा है, टू एंड फाइव बोले तो ऑप्शन नंबर टू। देखने में ऐसे लगता है ये क्या है, ये तो पढ़ा ही नहीं है, इसमें पढ़ने की कोई बात नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग, ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग के रेस्पेक्ट में बता दिया आपको कि जीन तो एक ही होगी लेकिन मल्टीपल एलील का एग्जांपल है, ये तीन एलील पाई जाती हैं और मल्टीपल एलील की स्टडी के लिए पॉपुलेशन स्टडी जरूरी होती है, ठीक है जी। तो तीनों एलील एक इंडिविजुअल में नहीं मिलेंगी, एक इंडिविजुअल मैक्सिमम दो ही एलील पाई जा सकती हैं, इसमें से आई ए एंड आई बी टुगेदर आर कोडोमिनेंट, अगर ये दोनों एक साथ आती हैं, कहने का मतलब जीनोटाइप क्या बनता है, आई ए आई बी जीनोटाइप बनता है इंडिविजुअल का, तो ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा, ठीक है जी। टुगेदर आर कोडोमिनेंट, दोनों अपना प्रभाव दर्शा रहे हैं एंड आर डोमिनेंट ओवर आई जीरो, ये दोनों ही एलील आई जीरो के ऊपर डोमिनेंट हैं, वो मैंने आपको बताया था कि आई ए के साथ में आई जीरो आ जाए तो ब्लड ग्रुप ए है, या फिर आई बी के साथ में आई जीरो आ जाए तो ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, तो ये बात तो सही है। एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर ग्लाइकोप्रोटीन, एंटीबॉडीज जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की होती हैं, लेकिन एंटीजन जो है वो क्या है, जनरली यूजुअली प्रोटीन कहलाते हैं, कभी कभी पॉलीसेक्राइड भी हो सकते हैं, एंटीजन के रेस्पेक्ट में याद रखना, यूजुअली कैसे होते हैं, यूजुअली प्रोटीन सम टाइम कैसे हो सकते हैं, पॉली सैकेराइड भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बात क्या हो गई, ये सही है ये गलत है, इट हैज सिक्स जीनोटाइप एंड फोर फिनोटाइप, छह जीनोटाइप बनते हैं चार फिनोटाइप बनते हैं, मल्टीपल एलील के केस में तीन एलील हैं, ठीक है जी, और यहाँ पर क्या देखना है अपने को, टू एन प्लस वन से जो है वो क्या निकलता है, सॉरी ये नहीं आएगा, सिक्स जीनोटाइप और फोर फिनोटाइप, छह जीनोटाइप कौन कौन से बनते हैं,
ए ब्लड ग्रुप के एक तो ये बनता है और ए ब्लड ग्रुप का आई ए आई ए एक ये बनता है, तो ए ब्लड ग्रुप के दो हैं। ऐसे ही बी ब्लड ग्रुप के एक तो ये बनता है और दूसरा आई बी और आई बी ये बनता है। ए बी ब्लड ग्रुप का एक ही बनता है, ओ ब्लड ग्रुप का एक ही बनता है आई जीरो आई जीरो। तो जीनोटाइप 1 2 3 4 5 6 छह जीनोटाइप बनते हैं, चार फिनोटाइप कौन से हो गए ए बी ए बी ओ, चार ब्लड ग्रुप। तो ये वाला बात भी सही हो जाएगी। ओ पॉजिटिव इज यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर मतलब उसके पास में क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव अगर होता ना इसका मतलब आर एच एंटीजन नहीं है, जिसके पास एंटीजन होता है वो डोनर नहीं बनता। ओ ब्लड ग्रुप के पास में जो ए और बी एंटीजन की जो बात हो रही थी वो एंटीजन नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप डोनर है। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप में भी ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि उसके पास आर एच एंटीजन भी नहीं है, इसके पास आर एच एंटीजन है इसलिए यूनिवर्सल डोनर नहीं होगा। यूनिवर्सल डोनर कौन बनता है, ओ नेगेटिव बनता है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन बनता है, ए बी पॉजिटिव बनता है। ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है, एक्सेप्टर कहलाता है। तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। अपने को क्या पूछना है, ट्रू बताया है, ट्रू मतलब फर्स्ट और थर्ड जो है वो ट्रू है, ऑप्शन नंबर टू जो है वो करेक्ट ऑप्शन अपना चला जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है भाई, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया ब्लड ग्रुप का। यहाँ मल्टीपल एलील के केस में एक जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है, कौन सा फॉर्मूला है वो देखें आप। जीनोटाइप जैसे ये ब्लड ग्रुप है, कितनी एलील हैं, 3 एलील हैं यहाँ पर, तीन एलील हैं। फॉर्मूला होता है जीनोटाइप बराबर एन इंटू एन प्लस 1/2। एन क्या है, नंबर ऑफ एलील, 3 एलील हैं ब्लड ग्रुप के लिए, इसका मतलब एन 3 हो गया, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया, बाई 2, तो 3 × 4 कितना होता है, 12/2 कितना हो गया, 6 आ जाता है अपना, 6 ही जीनोटाइप बन रहे हैं ब्लड ग्रुप के केस में। ऐसे ही आपको क्वेश्चन कह दें कि कोई करेक्टर है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कितनी एलील, 6 एलील, बताइए जीनोटाइप कितने बनेंगे, तो एन इंटू एन प्लस 1, 6 × 6 + 1/2 करना है अपने को, 6 + 1 = 7, 6 × 7 कितने, 42/2 कितना, 21 प्रकार का जीनोटाइप यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है जी। तो जीनोटाइप के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, कौन सा, एन इंटू एन प्लस 1/2। बोलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, सही कौन सा है वो बताना है। इज ए सिंबल टू रिप्रेजेंट कैरियर ऑफ रिसेसिव एलील, अगर रिसेसिव एलील के लिए कैरियर है तो फिर ये होना चाहिए था, बीच में डॉट आना चाहिए था, कैरियर को ये रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब तो फीमेल की डेथ हो गई है, ठीक है जी। मेंडल सेलेक्टेड 14 पेयर ऑफ ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी, 14 पेयर नहीं आना चाहिए था, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी तो सही हो जाता, या इसको अपन 7 पेयर लिख सकते हैं, ये वाली बात सही होती, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग है। पोर्ट कलर सेलेक्टेड बाय मेंडल सोज येल्लो कलर डोमिनेट ओवर ग्रीन कलर, येल्लो जो है पोर्ट कलर में येल्लो डोमिनेट है ग्रीन के ऊपर ना, ग्रीन डोमिनेट होता है किसके ऊपर, ग्रीन जो है वो डोमिनेट होता है किसके ऊपर, येल्लो के ऊपर, ये बात भी गलत है। और इस प्रकार का अगर डबल लाइन बीच में बता दी, सिंगल लाइन बता दे तो मैरिज को बताता है, डबल लाइन का मतलब क्लोज रिलेटिव के बीच में मैरिज है, जिसको कॉन्जेनियस मैरिज भी कहा जाता है, या मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव, या इसी को ही कॉन्जेनियस मैरिज, कॉन्जेनियस मैरिज, ठीक है। तो अपना कौन सा चला जाएगा, सही पूछा है, सही ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30, ठीक है, देखें जी। मेंडल प्रपोज दैट फैक्टर कंट्रोलिंग एनी करेक्टर इज डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट, किसी भी करेक्टर को कंट्रोल करने वाला फैक्टर इंडिपेंडेंट होता है और अलग इकाई के रूप में होता है। हिज प्रपोर्शन वाज बेस्ड ऑन, मेंडल ने ये वाली बात कि किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाला कारक विविक्त इकाई होती है और स्वतंत्र इकाई होती है, मोनो हाइब्रिड के बेसिस पर इन्होंने ये बात कही है, ठीक है जी। हिज प्रपोर्शन वाज बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ F3 जनरेशन ऑफ ए क्रॉस, F3 तक जाने की बात ही नहीं है, ये तो किस बात से प्रूव हो गया था कि ये डिस्क्रीट यूनिट होती है, मतलब ब्लेंडिंग नहीं होता है, TT का क्रॉस TT से करवाया था, F1 ये बना था,
और इसकी सेल्फिंग करवाने पर 25% प्रोजेनी ये बन गई थी। इसका मतलब है अगर ये बन रहा है F2 जनरेशन में, इसका मतलब F1 में ब्लेंडिंग नहीं हुई है। ठीक है जी। ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए क्रॉस मेड बिटवीन प्लांट हैविंग टू कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, डाई हाइब्रिड नहीं मोनो हाइब्रिड के बेसिस पर ही ये बात कही थी मेंडल ने, ये बात भी गलत है। रिजल्ट ऑफ सेल्फ पोलिनेशन ऑफ F1 ऑफ स्प्रिंग, F1 ऑफ स्प्रिंग का सेल्फ पोलिनेशन हो ठीक है इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद सम रिसेसिव प्रोजेनी, और इस क्रॉस के रिजल्टेंट कुछ रिसेसिव प्रोजेनी बने, उससे यह बात क्लियर हो जाती है कि करेक्टर को कंट्रोल करने वाला जो फैक्टर है वो डिस्क्रीट यूनिट के रूप में पाया जाता है, वहां पर कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती है, आंसर यही चला जाएगा। अगला है क्रॉस पोलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन विद रिसेसिव पेरेंट, अगर F1 का रिसेसिव से क्रॉस करवाओगे तो ये तो टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस के ऊपर ये बात उन्होंने नहीं कही थी, सेल्फिंग को रेस्पेक्ट में मेंडल ने ये बात बताई थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट कौन सा है, थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि थैलेसीमिया अगर कौन सा है, अल्फा थैलेसीमिया है तो 16th क्रोमोसोम है, और बीटा थैलेसीमिया है तो 11th क्रोमोसोम के ऊपर इसकी जीन पाई जाती है। ठीक है जी। डाउन सिंड्रोम मोनोसोमी है किसकी, सेक्स क्रोमोसोम की, डाउन सिंड्रोम मोनोसोमिक केस बनता है, मोनोसोमी का मतलब क्या होता है, मोनोसोमी का मतलब 2n-1 कहलाता है, ट्राइसोमी का मतलब तो 2n+1, मोनोसोमी का मतलब 2n-1, और डाउन सिंड्रोम तो एक्चुअल में क्या है, ये तो क्या है एक्सेस्कोपी आ जाती है, और कौन से क्रोमोसोम की, 21st ऑटोसोम की एक्सेस्कोपी का आ जाना क्या कहलाता है, डाउन सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है जी। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, अपने को इनकरेक्ट पूछा है। हीमोफीलिया ए फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी के कारण ये होता है। ठीक है जी। और इसी फैक्टर नंबर 8 को, बात सही है, फैक्टर नंबर 8 को क्या कहा जाता है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है जी। ये हीमोफीलिया ए है, यही अगर कह देता हीमोफीलिया बी अगर बात करता तो फैक्टर कौन सा आ जाता, फैक्टर नंबर 9 आ जाता, और फैक्टर नंबर 9 क्या कहलाता है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर कहलाता है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये बात, ये इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूरी है आपके लिए जानना, इतना नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। टर्नर सिंड्रोम में अपने को पता है एक सेक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है फीमेल में, ऐसा देखा जाता है। ठीक है जी। तो ये क्या है, मोनोसोमी का केस बनता है, टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी का केस है, डाउन सिंड्रोम जो है वो मोनोसोमी नहीं है, अपने को इनकरेक्ट देखना है, पहला सही, ये सही है, ये सही है, और ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 चला जाता है, 31 का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, यहाँ हीमोफीलिया ए जो है, जो फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है, इसी हीमोफीलिया ए को क्या कहा जाता है, रॉयल्स डिजीज कहा जाता है, रॉयल्स डिजीज, क्योंकि ये यूरोप के राजघराने में जो महारानी विक्टोरिया है उसके अनेक प्रोजेनी में आगे ये देखी गई थी, अनेक पीढ़ियों में इसका इनहेरिटेंस देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, बेटसन और पुनेट ने कपलिंग और रिपल्सन फेज को दर्शाया था लिंकेज के रेस्पेक्ट में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग शोज लिंकेज ग्रुप इन कपलिंग फेज, कपलिंग फेज का मतलब क्या होता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है जी। इन होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम के ऊपर दोनों जीन की डोमिनेंट आ जाए, और इसी के होमोलोगस पर इन्हीं जीन की रिसेसिव फॉर्म आ जाए, तो ये तो कपलिंग कहलाता है। और ऐसा ही अगर ये हो जाता कि होमोलोगस क्रोमोसोम के एक क्रोमेटिड के ऊपर तो क्या हो रहा है, एक जीन की डोमिनेंट और दूसरी वाली की रिसेसिव, और दूसरे वाले पर पहले वाले की रिसेसिव, दूसरे वाले की डोमिनेंट, ये क्या कहलाता है, ये रिपल्सन कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, ये कपलिंग कहलाता है। ठीक है जी। अपने को कपलिंग फेज देखनी है, कपलिंग फेज एक क्रोमोसोम के ऊपर दोनों डोमिनेंट नहीं है, दोनों डोमिनेंट है, दूसरे पर दोनों के लिए रिसेसिव है, कपलिंग फेज ये हो जाएगी। यहाँ पर देखें ये रिसेसिव आ गया, यहाँ पर देखें ये रिसेसिव आ गया, आंसर नंबर कौन सा चला जाएगा, 2। ठीक है। तो बेटसन एंड पुनेट ने लेथेरस ओडोरेटस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके जो है वो एक्सप्लेन किया था किसको, कपलिंग और रिपल्सन फेज को। नेक्स्ट 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रेस्पेक्ट टू सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया दात्र कोशिका अरक्तता के लिए ट्रू कौन सा है, सही कौन सा है वो बताना है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ये कहलाता है,
तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो सेक्स लिंक नहीं है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, और इसकी जीन जो है वो कहाँ 11th क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती है। ठीक है जी। जीएजी ऑफ एचबीए जीन, ये डीएनए की बात कर रहा है, डीएनए पर जो जीएजी है उसकी जगह क्या हो जाता है, जीटीजी हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ए नॉर्मल हीमोग्लोबिन सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन ये वाली जीन बदल जाती है। ठीक है, तो ये बात भी क्या है, सही है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। सिक्स्थ अमीनो एसिड इन बीटा चेन, अपने को पता है सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन की छठी पोजीशन पर जो है वो ग्लूटेमिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। इसका मतलब किसने किसको रिप्लेस किया, वैलिन ने रिप्लेस किया ग्लूटेमिक एसिड को। सिक्स्थ अमीनो एसिड इन बीटा चेन इज ए ग्लूटेमेट इंस्टेड ऑफ वैलिन। नहीं साहब, सिकल सेल एनीमिया में वैलिन हो जाता है इंस्टेड ऑफ ग्लूटेमिक एसिड, ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्जन टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, बिल्कुल, एक होता है ट्रांजिशन, एक होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन में प्यूरिन के स्थान पर प्यूरिन आता है या पायरिमिडीन के स्थान पर पायरिमिडीन आता है, और ट्रांसवर्जन में प्यूरिन के स्थान पर पायरिमिडीन आ जाता है या पायरिमिडीन के स्थान पर प्यूरिन आ जाता है। तो ट्रांजिशन में तो क्या होता है, प्यूरिन का रिप्लेसमेंट किससे होता है, प्यूरिन से होता है, और यहाँ पायरिमिडीन का रिप्लेसमेंट किससे होता है, सब्स्टिट्यूशन पायरिमिडीन से होता है। ठीक है, ये प्यूरिन है और ये पायरिमिडीन है। ट्रांसवर्जन में क्या देखेंगे, प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडीन या पायरिमिडीन रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, ये ट्रांसवर्जन कहलाता है। तो अपने को पता है कि क्या हुआ है, यहाँ पर एक ही जगह क्या आया है, टी आया है, एक ही जगह टी आना ये क्या कहलाता है, प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन, क्योंकि अपने को पता है प्यूरिन और पायरिमिडीन जब गुरुनीति शूट हुई थी उस दौरान भी आपको एक ट्रिक यहां पर बताई थी नाइट्रोजन बेस के रेस्पेक्ट में, बड़ा कौन सा है इनमें से, बड़ा नाम कौन सा है, पायरिमिडीन, तो इसको इसके बराबर अगर करना हो तो इसमें कट लगा दो, इसमें कट लगा दो मतलब पायरिमिडीन के आगे कट लिख दो, तो साइटोसिन यूरेसिल थायमिन ये तो पायरिमिडीन में आते हैं, बच गए कौन, एजी, ये एजी किस में आते हैं, प्यूरिन में आते हैं। अपन क्या देख रहे हैं, जीएजी एक ही जगह क्या आ गया है, टी आ गया है, एक ही जगह टी आ जाने का मतलब है प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन आ गया है, और प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन आना ट्रांसवर्जन कहलाता है, बिल्कुल ये ट्रांसवर्जन का एग्जाम्पल है। ठीक है जी। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्जन टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, एक सिंगल नाइट्रोजन बेस का क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन, पॉइंट म्यूटेशन में भी क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन टाइप ये कहलाएगा, तो ये बात भी क्या होगी, सही होगी। अपने को ट्रू पूछा है, 1, 2, 4 जो है वो ट्रू है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपनी बात हुई कौन से क्वेश्चन नंबर 33 की, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, सेलेक्ट ऑड वन आउट विद रेस्पेक्ट टू पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाला जो केस है उसमें ह्यूमन का स्किन कलर जो है वो अपने लिया था। ठीक है जी, तो क्या बोलेंगे, मल्टीपल जीन जो है वो क्या करती हैं, एक करेक्टर को कंट्रोल करती हैं, ऑल्सो नॉन एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, क्योंकि जो डोमिनेंट एलील है उनकी मात्रा, उनका नंबर डिसाइड करता है कि फिनोटाइप किस प्रकार का आएगा। ठीक है जी, तो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इज डिसाइडेड बाय या कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, और डोमिनेंट एलील इसमें क्या होती हैं, क्यूमुलेटिव इफेक्ट दर्शाती हैं, एडिटिव इफेक्ट दर्शाती हैं। ठीक है जी, तो जो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इसमें अपने को पता है मैक्सिमम एक्सप्रेशन, दूसरा आता है मिनिमम एक्सप्रेशन, और एक आता है इंटरमीडिएट, ठीक है जी। मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब आएगा, जैसे दो जीन कंट्रोल कर रही हैं एक करेक्टर को, पॉलीजेनिक बोला है ना, तो दो जीन कंट्रोल कर रही हैं, जैसे ह्यूमन का स्किन कलर ले लो, तीन जीन कंट्रोल कर रही हैं, दो जीन को कंट्रोल करने वाला वो कर्नाल कलर इन व्हीट एक एग्जांपल बनता है, एनसीईआरटी से बाहर का है फिर भी पढ़ा जाता है इसको, और थ्री जीन को कंट्रोल करने वाला लक्षण कौन सा हो गया, जो स्किन कलर है वो हो गया थ्री जीन के द्वारा। अब तीनों जीन अगर सारी डोमिनेंट आ जाए तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन आएगा, तीन जीन ए है,
बी है और सी है, और इंडिविजुअल में ये कॉपी के रूप में आता है, अपने को पता है ए ए बी बी और सी सी। अगर ऐसा आएगा तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन आएगा, सारी ही एलील रिसेसिव आ जाएंगी तो मिनिमम एक्सप्रेशन आ जाएगा ए ए बी बी और स्मॉल सी, और अगर हेटरोजाइगस टाइप का बनेगा ए ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, तो ये इंटरमीडिएट टाइप का बन जाता है, ठीक है जी। और जो इंटरमीडिएट बनता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का वो इस प्रकार का ग्राफ बनता है भैया, ठीक है जी। इसको बेल शेप्ड कहा जाता है, घंटे आकार का, घंटे के आकार जैसा बनता है, तो फिर मैक्सिमम एक्सप्रेशन कौन सा आता है, मीन वैल्यू वाला मैक्सिमम एक्सप्रेशन ऑब्टेंड होता है। तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, बिल्कुल सही है। डोमिनेंट एलील शोज क्यूमुलेटिव इफेक्ट, डोमिनेंट एलील जितनी ज्यादा आएंगी उतना ही मैक्सिमम फिनोटाइप आएगा। बेल शेप्ड कर्व आता है, बेल शेप्ड आता है, फिनोटाइप आर मोर फ्रीक्वेंट एट वन मार्जिन, फिनोटाइप एक मार्जिन के ऊपर, ये वाला मार्जिन बन गया, ये वाला मार्जिन बन गया, यहाँ पर ज्यादा होते हैं ना मार्जिन के ऊपर, कम कहलाता है फिनोटाइप, बीच में मीन वैल्यू इसकी ज्यादा कहलाती है। तो अपने को ओड वन पूछा है, ओड वन ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा। नेक्स्ट 35, ए डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो विद 62.8% पेरेंटल एंड 37.2% रिकॉम्बिनेंट शोज दैट जीन हैव। तो ये वाला जो डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो बता रखा है, ये वाला इनकम्प्लीट लिंकेज के केस में बता रखा है, और ये आप याद भी रखना, ये कौन से कैरेक्टर को लेकर उन्होंने बताया है, ठीक है जी। व्हाइट आई वेस्टिजियल बीम, व्हाइट आई वेस्टिजियल बीम, ठीक है जी। तो इस वाले के रेस्पेक्ट में ये वाला रेशियो अपने को ऑब्टेंड होता है, रिकॉम्बिनेंट 37.2% है, तो ये इनकम्प्लीट लिंकेज को दर्शाता है, इनकम्प्लीट लिंकेज ये वाला हो जाता है, ठीक है जी। कम्प्लीट लिंकेज मेल ड्रोसोफिला में देखा जाता है। इंडिपेंडेंट क्रॉसिंग ओवर, कहाँ इंडिपेंडेंट क्रॉसिंग ओवर, जो डाई हाइब्रिड के क्रॉस अपन ने देखे थे, वहाँ पर क्या होता है, एक करेक्टर जो है वो दूसरे करेक्टर से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट आउट होता है, तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट क्रॉसिंग ओवर होती है। डबल क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, कि एक क्रॉसिंग ओवर के पास ही अगर कोई दूसरी क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो वो पहले वाली की क्रॉसिंग ओवर को क्या कर देती है, घटा देती है, इंटरफेरेंस कहा जाता है इसको, ठीक है जी। तो ये डबल क्रॉसिंग ओवर, ये आपके जेनेटिक्स वाले चैप्टर में नहीं, इसको डिटेल में दिया गया है, फिर भी समझाया जाता है, वहाँ पर आपको आंसर इसका इनकम्प्लीट लिंकेज चला जाएगा। नेक्स्ट 36, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इनहेरिटेंस डज नॉट टेक प्लेस थ्रू द फीमेल, किसमें मादा द्वारा वंशागति नहीं होती है, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस फीमेल के द्वारा होता है। अपने क्या पूछा है, फॉलोइंग इनहेरिटेंस डज नॉट टेक प्लेस थ्रू फीमेल, इसका मतलब होलेंड्रिक इनहेरिटेंस वो कहलाता है जो फादर से सन में फिर उसके सन में जाता है, इसका मतलब मेल से मेल इनहेरिट जो होता है वो क्या कहलाता है, होलेंड्रिक इनहेरिटेंस कहलाता है, ठीक है। हाइपर ट्राइकोसिस इसका एक एग्जाम्पल है, ईयर पिन्ना के ऊपर एक्सेस हेयर की ग्रोथ जो है वो होलेंड्रिक का एक एग्जाम्पल बनता है। बाकी साइटोप्लाज्मिक या कोडोमिनेंस में भी जो फीमेल गैमेट है वो लेकर जाती है इसको आगे, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है इसमें भी देखा जाता है, ठीक है जी। तो बाकी तीनों में जो है फीमेल के द्वारा इनहेरिटेंस होता है, लेकिन होलेंड्रिक में किसका रोल होता है, मेल इंडिविजुअल का, फीमेल का रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, जेनेटिक मैप, जेनेटिक मैप किसको दर्शाता है, एक क्रोमोजोम के ऊपर जो जीन का सिक्वेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है, अल्फर्ड स्टूडेंट के द्वारा डिस्कवर्ड है। स्टेज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन कोई मतलब नहीं है इस बात का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज किसी बायोजियोग्राफिकल रीजन में किसी प्रजाति के वितरण को दर्शाता है, गलत है। स्टेज इन जीन इवोल्यूशन, कोई साइट ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम के ऊपर जीन की स्थल क्या है, उनके बीच में दूरियां क्या पाई जा रही है, वो जेनेटिक मैप बताता है। नेक्स्ट 38, इन विच डिजीज अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन इज नॉट कन्वर्टेड इंटू टायरोसिन, हाँ जी, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट होता है किसमें, टायरोसिन, टायरोसिन, ठीक है। इसके लिए एक एंजाइम जरूरी है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है जी। तो एनसीईआरटी ने एक बात कही है फिनाइल कीटोन्यूरिया के रेस्पेक्ट में, फिनाइल कीटोन्यूरिया वाले पैराग्राफ में, कि एक एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण जो है फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है,
उन्होंने एंजाइम का नाम नहीं दिया है, एंजाइम आपको याद रखना है कौन सा, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। इसकी क्या हो जाती है, अब्सेंस हो जाती है, ये अब्सेंट हो जाएगा, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्या कहलाता है ये, फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म इसकी PKU, फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें ये जो फिनाइल एलेनिन है जो कन्वर्ट नहीं हो रहा है टायरोसिन में, ये फिर बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाता है, ठीक है जी, और ये फिनाइल एलेनिन जो है वो फिनाइल पाइरुविक एसिड के रूप में जो है बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाएगा। इसका एब्जॉर्प्शन किडनी में नहीं देखा जाता है, तो यूरिन में इसका एलिमिनेशन भी देखा जाता है, ठीक है। इसमें मेंटल रिटार्डेशन भी आ जाती है इंडिविजुअल को, तो ये अपनी बात है किसकी, PKU की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाई, बार बार वही बात आ रही है, वह पहले भी आया था, लैंग्वेज अलग है क्वेश्चन की। तीन एलील होती है, मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है, तीन एलील कौन सी हैं, IA, IB, I0 एलील हैं, इन विच IA और IB जो है वो डोमिनेंट होती हैं, तो ये आंसर चला जाएगा, दो एलील तो गलत बात है। ऐसे ही IB एंड IB आर रिसेसिव नहीं होती हैं, ऐसे कह रहा है IB इज रिसेसिव, गलत बात, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कलर चेंज कर लें इसका जी। ए डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, तो इसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमेटिड से हैं वो क्रोमेटिड सेपरेट आउट नहीं होते हैं, एक होमोलोगस क्रोमोजोम के दोनों क्रोमेटिड्स एक ही पोल के ऊपर चले जाते हैं, क्या कहलाता है, प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन कहलाता है, ठीक है जी। और इसकी वजह से क्या आ जाती है, एक्स्ट्रा कॉपी जो है क्रोमोजोम की वो इंडिविजुअल में पहुंच जाती है। ऑटोसोमल बोला है तो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम तो अपने को पता है XXY कंडीशन है, ठीक है जी, एडिशनल कॉपी आती है एक्स क्रोमोजोम की, बोलो जी, या एक जो स्पर्म है उसमें XY एक साथ आ जाता है उसके कारण भी क्लाइन फिल्टर हो सकता है। टर्नर सिंड्रोम में अपने को पता है X0 कंडीशन है, ये सेक्स क्रोमोजोम से रिलेटेड है, ये सेक्स क्रोमोजोम से है, ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, पॉइंट म्यूटेशन जिसमें अपन बात करते हैं किसकी, सब्स्टिट्यूशन की, सब्स्टिट्यूशन। तो फिर ऑटोसोमल कौन सा हो गया, डाउन सिंड्रोम जो है वो नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है, ये ऑटोसोमल है सिकल सेल एनीमिया, लेकिन यहाँ जीन का म्यूटेशन है, यहाँ नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम की बात नहीं करेंगे, नॉन डिसजंक्शन जो है वो प्राथमिक अवियोजन गुणसूत्रों के अवियोजन किसमें देखा जाएगा, डाउन सिंड्रोम में, जिसमें 21st ऑटोसोम की एडिशनल कॉपी आ जाती है, जीनोटाइप इंडिविजुअल का जो है वो क्या बन जाता है, 45 प्लस XX या XY कंडीशन बन जाती है, ऑटोसोम एक बन जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट 41, विच इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, लैंगिक प्रजनन करने वाली जो जनसंख्या है उसमें विभिन्नता का सबसे सामान्य प्रक्रम पूछा है, जनरली विभिन्नताएं आती हैं वो ऐसा किसके कारण होता है, रिकॉम्बिनेशन के कारण ऐसा होता है, तो आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, फ्लक्चुएशन आना, एक पॉपुलेशन 100 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन है, इसमें से अचानक 30 इंडिविजुअल बाहर चले गए, तो ये अचानक जो फ्लो हुआ है जीन का ये क्या कहलाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है, ठीक है जी। ट्रांसडक्शन क्या है, बैक्टीरियोफेज, ये आपने पढ़ा भी होगा बोटनी वाले पोर्शन में, बताया जाता है कि किसी वायरस के द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल को पहुंचाना ट्रांसडक्शन कहलाता है, ठीक है, और वो वायरस की फॉर्म कौन सी है, बैक्टीरियोफेज के द्वारा वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर क्या कहलाता है, ट्रांसडक्शन। क्रोमोजोमल एब्रेशन, क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर या उसके नंबर में चेंजेज आना, ये क्रोमोजोमल एब्रेशन कहलाता है। तो वेरिएशन का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा बनता है, रिकॉम्बिनेशन, पुनर्संयोजन। नेक्स्ट 42, ए जीन शोविंग कोडोमिनेंस, कोई जीन कोडोमिनेंस ही शो कर रही है, इसका मतलब है दोनों जीन अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रही हैं, वन एलील डोमिनेंट ऑन अदर, ना ये तो डोमिनेंसी की फुल फॉर्म है, डेफिनेशन है। एलील टाइटली लिंक्ड ऑन सेम क्रोमोसोम, ये लिंकेज का बनता है। एलील दैट आर रिसेसिव टू ईच अदर, ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन बनती है। बोथ एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन दी हेटरोजाइगस, हेटरोजाइगस कंडीशन में दोनों एलील आती हैं, तो फिर ये क्या दर्शाती हैं, कोडोमिनेंसी दर्शाती हैं। तो यहाँ पर मेंडल वाले केस में डोमिनेंसी दर्शा रहा था, वहीं अपन बात करें कैपिटल बी स्मॉल बी जो स्टार्च ग्रेन की अपन ने बात की थी, यहाँ पर क्या आ रहा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ रहा था इनकी वजह से। कोडोमिनेंसी की अगर बात करें तो कोडोमिनेंसी कौन सी बन जाती है, जैसे IA हो गया, IB हो गया, दोनों
डोमिनेंट एलील इक्वली एक्सप्रेस करती हैं, ब्लड ग्रुप ए बी बनाती हैं, तो ये कोडोमिनेंसी का एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक है जी, तो कोडोमिनेंसी का एग्जाम्पल ये बन गया आंसर नंबर 4। नेक्स्ट 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट पेयर ऑफ पाइसम सटाइवम। पहले भी एक क्वेश्चन आया था, सबसे पहला वाला क्वेश्चन यही था और ऐसे ही वही रिपीट हुआ है। तो ये जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की बात हो रही है, इनमें देख लेना डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, एक्सियल और टर्मिनल। इसमें ये एक बात है, खास बात, पहले डोमिनेंट आना चाहिए फिर रिसेसिव आना चाहिए। एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव है, सही है। टॉल ड्वार्फ डोमिनेंट रिसेसिव है, सही है। येल्लो ग्रीन, पोड के कलर की बात हो रही है, पोड में ग्रीन डोमिनेट होता है येल्लो के ऊपर, येल्लो तो रिसेसिव है, ये डोमिनेट है, तो रिसेसिव डोमिनेंट रिलेशनशिप बना है, ये गलत हो गया। हमने जब पूछा क्या है, नोट ए करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है, आंसर नंबर 2 क्रॉस चेक करो। फुल कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, सही है। येल्लो और ग्रीन सीड, तो येल्लो सीड डोमिनेट है ग्रीन के ऊपर, तो ये डोमिनेट है, ये रिसेसिव है, ये बात भी सही है। वॉयलेट वाइट, ये डोमिनेट, ये रिसेसिव, सही हो गया। इनफ्लेटेड डोमिनेट, कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन अ सर्टेन कैरेक्टर इज इनहेरिटेड ओनली थ्रू फीमेल पेरेंट, केवल फीमेल पेरेंट ही इनहेरिट कर रही है, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बनता है, अपने को पता है। ठीक है जी, और साइटोप्लाज्म में कौन से सेल ऑर्गेनेल, वो याद रखना, आपको प्लास्टिड हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस मेल भी करता है, फीमेल भी करता है, गलत बात है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस सही है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई रोल नहीं है इसका, ये होलेंड्रिक केवल मेल करता है, मेल इंडिविजुअल करता है। आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चुनाव करना है भैया अपने को। हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, बिल्कुल सेक्स लिंक्ड है, क्योंकि हीमोफीलिया को इस प्रकार लिखा जाता है, एक्स लिंक्ड ये कहलाता है, तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव करेक्टर है, बिल्कुल सही है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू पॉलीप्लॉइडी के कारण ये बनती है। ठीक है, तो पॉलीप्लॉइडी का केस क्या बनता है वो एक बार मैं समझा दूं आपको, इसके लिए अपन पीछे वाली स्पेस काम में ले लेते हैं, आ जाएं। हाँ जी, तो अपन ने क्या बोला, म्यूटेशन जो है, इसमें म्यूटेशन में अपन ने देखा था चेंज इन क्रोमोजोम, नंबर और चेंज इन क्रोमोजोम स्ट्रक्चर, चेंज इन क्रोमोजोम स्ट्रक्चर, क्रोमोजोम के नंबर में अगर चेंज होता है तो इसको जीनोमेटिक म्यूटेशन कहते हैं। और अगर स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो ये क्रोमोजोमल एबरेशन कहलाता है। ठीक है जी, अब चेंज इन क्रोमोजोम, ये चेंज जो है ये सेट में चेंज हो सकता है या एक सेट के अंदर क्रोमोजोम चेंज हो सकता है। तो चेंज इन सेट, सेट चेंज हो जाए, या चेंज इन क्रोमोजोम इन ए सेट, क्रोमोजोम चेंज इन ए सेट, एक सेट में क्रोमोजोम चेंज हो जाए। ठीक है जी, अगर सेट ही चेंज हो जाता है तो ये तो यूप्लोइडी कहलाती है, और एक सेट के अंदर क्रोमोजोम चेंज हो जाए इसको एन्यूप्लोइडी कहते हैं। ठीक है जी, सेट चेंज हो जाए तो सेट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अगर घट जाएगा, नेगेटिव मतलब घट जाना, पॉजिटिव मतलब बढ़ जाना, घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मोनोप्लॉइडी केस बन जाएगा, बढ़ जाएगा तो पॉलीप्लॉइडी, तो ये हो गया मोनोप्लॉइडी और ये हो गया पॉलीप्लॉइडी। ठीक है जी, क्रोमोजोम में चेंज आ जाए एक सेट में, एक सेट में घट भी सकता है, एक सेट में बढ़ भी सकता है, घट जाएगा तो ये कौन सी एन्यूप्लॉइडी है, हाइपो एन्यूप्लॉइडी है, और बढ़ जाएगा तो ये हाइपर एन्यूप्लॉइडी है, हाइपर एन्यूप्लॉइडी ये कहलाती है। ठीक है जी, तो अपने क्या बोला है कि वो क्वेश्चन वापस आ जाए इस क्वेश्चन पे अपने, हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। हाँ जी, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू पॉलीप्लॉइडी, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एक ऑटोसोम बढ़ता है, सेट नहीं बढ़ता है, एक सेट में क्रोमोजोम बढ़ जाता है,
तो ये हाइपर एन्यूप्लोइडी का केस है, डाउन सिंड्रोम पॉलीप्लोइडी का केस नहीं है, ठीक है जी। तो ये अपनी बात क्या होगी इसके रेस्पेक्ट में, इसको मिटा दूं, तो हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड बिल्कुल है, डाउन सिंड्रोम पॉलीप्लोइडी नहीं, ये तो किसका है, हाइपर एन्यूप्लोइडी का एग्जाम्पल है, गलत हो गया। फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, बिल्कुल सही है, अभी पीकेयू पहले देखा था, फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं, रिसेसिव होता है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, बिल्कुल ठीक बात है, ऑटोसोम से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये अपनी बात क्या हो गई, क्या पूछा है, करेक्ट, पहला करेक्ट है ए सी एंड ई, ए सी एंड ई का ऑप्शन देख लें, ए सी एंड ई आर करेक्ट, ठीक है जी। ये इसमें कह रहा है ए और सी केवल, केवल बोल दिया इसलिए ये ऑप्शन काउंट नहीं होगा, क्योंकि ए सी के अलावा ई भी है इसमें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, कलर चेंज कर लेते हैं अपना मार्कर का। फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल मे बी अफेक्टेड इफ मॉडिफाइड एलील प्रोड्यूसेज, ठीक है जी। तो दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ये कि मॉडिफाइड एलील क्या करवा सकती है, ठीक है जी। कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए कोई रेस्पॉन्सिबल जीन होती है, उस जीन में अगर कोई म्यूटेशन आ जाए तो वो जो प्रोडक्ट है वो सबस्ट्रेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। म्यूटेशन आ जाने के कारण एलील क्या बन गई है, मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड का मतलब उसमें नॉर्मल एलील है, वाइल्ड टाइप के एलील है, कोई मॉडिफिकेशन उसमें, कोई चेंज उसमें नहीं आया है, ठीक है जी। तो दो प्रकार बनते हैं कि मॉडिफाइड एलील क्या कर सकती है, मॉडिफाइड एलील ये तीनों बातें कर सकती है, ठीक है जी। लेकिन फिनोटाइप किस में चेंज आएगा, तो इसने क्वेश्चन में पूछा है कि फिनोटाइप कहाँ चेंज होगा, फिनोटाइप दो जगह चेंज होगा, या तो वो कोई एंजाइम नहीं बनाए या फिर कोई नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए, इन दोनों ही केस में फिनोटाइप चेंज होगा। अगर वो नॉर्मल एंजाइम या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाती है तो इस वाले केस में, बी वाले केस में जो है मॉडिफाइड एलील जो है वो इक्विवेलेंट होती है, मॉडिफाइड एलील इक्विवेलेंट होती है किसके, अनमॉडिफाइड के, उसमें कोई चेंज नहीं आता है फिनोटाइप में। तो दो प्रकार का क्वेश्चन बनेगा कि मॉडिफाइड एलील क्या कर सकती है, ये तीनों बात कर सकती है, ठीक है जी। और दूसरी बात, मॉडिफाइड एलील जो है वो फिनोटाइप कब चेंज करेगी, फिनोटाइप ए और सी वाला केस होगा तो फिनोटाइप चेंज करेगी। इसने फिनोटाइप चेंज की बात की है, इसका मतलब ए एंड सी आर करेक्ट, ओके बच्चों। नेक्स्ट 47, मार्क द ओड वन विद रेस्पेक्ट टू F2 जनरेशन ऑफ ए मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस के रेस्पेक्ट में अपने को ओड वन बताना है। यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको याद रखनी है, याद करो डाइहाइब्रिड के रेस्पेक्ट फिनोटाइप क्या आया था, 9331 ये आया था, ठीक है जी। 9 क्या थे, राउंड एंड येलो, ये क्या थे, राउंड एंड रिंकल, ये क्या था, राउंड एंड येलो, ये क्या था, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड नहीं, नाइन थ्री थ्री वन, राउंड एंड ग्रीन, ये क्या था, रिंकल्ड एंड येल्लो, रिंकल्ड एंड येल्लो, ये क्या था, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये वाला केस बना था, ठीक है जी। अब इसका जीनोटाइप के लिए एक मैं नंबरिंग की सीक्वेंस बता रहा हूँ, वो याद रखना है आपको, इसके लिए 4 जीनो है, इसके लिए 2 जीनो है, इसके लिए 2 जीनो है, इसके लिए 1 जीनो है, ठीक है जी। यहाँ पर 4 जीनो का सीक्वेंस याद रखिए, 122 4, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1, ठीक है जी, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। राउंड येलो है 9। अब जीनोटाइप के रेस्पेक्ट में 4 प्रकार के जीनोटाइप हैं। सबसे पहले प्योरेस्ट फॉर्म, राउंड येलो की प्योरेस्ट फॉर्म RRYY ये बनता है। दूसरे वाले केस में पहले में कोई चेंज नहीं करें, दूसरे में एक पॉसिबिलिटी है एक कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई आ जाए, तो पहला वाला तो अनचेंज रहेगा, दूसरे वाले में एक कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई लगा दो, एक चेंज ये पॉसिबल है। अगला वाला जो 2 है उसमें क्या होगा, पहले वाले में चेंज करना है, स्मॉल आर लगाना है, दूसरा वाला अनचेंज रहेगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। और 4 केस ऐसे बनेंगे जहां पर दोनों ही जगह चेंजेज आएगा, आर में भी चेंज आएगा और वाई में भी चेंज आएगा, ठीक है जी। तो ये 4 जीनोटाइप ये बन गए। यहाँ पर सबसे पहले 3 ऐसे बन रहे हैं, एक तो प्योरेस्ट फॉर्म, राउंड और ग्रीन की प्योरेस्ट फॉर्म आर आर, ग्रीन के लिए क्या हो जाएगा, वाई वाई। चेंज कहाँ पॉसिबल है, वाई वाले में चेंज नहीं कर सकते, कैपिटल वाई लगा दिया तो येलो हो जाएगा, तो फिर फिनोटाइप ग्रीन नहीं रहेगा,
तो चेंज आर में पॉसिबल है। दो इंडिविजुअल बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई वन। ऐसे ही रिंकल्ड और येलो, तो तीन बन रहे हैं, इनमें से सबसे पहला प्योरेस्ट है। रिंकल्ड और येलो का प्योरेस्ट क्या बनता है? रिंकल्ड के लिए आर आर और येलो के लिए प्योरेस्ट वाई वाई। चेंज कहाँ पॉसिबल है? आर में नहीं कर सकते, यहाँ चेंज करेंगे तो ये आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये ऐसा बन जाएगा। और एक जो है वो अपना आर आर वाई वाई, ये रिसेसिव टाइप में बन ही जाता है। बोलो जी, अब जो क्वेश्चन यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है वो बता दूं मैं। पूछ सकता है डाई हाइब्रिड में पेरेंटल फिनोटाइप, पेरेंटल फिनोटाइप तो राउंड येलो पेरेंटल है और रिंकल्ड ग्रीन पेरेंटल है, तो 16 में से 9 और एक 10, 10 बटे 16 जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है किसकी? पेरेंटल फिनोटाइप की। पेरेंटल जीनोटाइप की बात कर ले तो पेरेंट एक तो ये था और एक पेरेंट ये था, 16 में से 2 केस ऐसे बन रहे हैं, 2/16 जो है वो पेरेंटल जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी बनती है F2 में, ठीक है जी, डाई हाइब्रिड के। अब डायरेक्ट अपने से पूछता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ TTRR, इसको आपने देखा तो टोल एंड क्या बनाइए? राउंड बना, ठीक है जी, टोल एंड राउंड। इसका मतलब है ये राउंड और रिंकल्ड वाला ही केस है, 9 इंडिविजुअल ऐसे बनेंगे, 9 इंडिविजुअल टोल एंड राउंड बनेंगे, उसमें ये चार पॉसिबिलिटी बनेंगी। इसमें देखें क्या ये प्योरेस्ट है? नहीं है। क्या पहले में चेंज है? नहीं है। यहाँ पहले में चेंज आ रहा है, यहाँ पे इसका मतलब है ये वाला जीनोटाइप और ये वाला जीनोटाइप सेम ही तो है, इसका मतलब 2/16 इंडिविजुअल ऐसे बनेंगे। 2/16 का मतलब 1/8 बनता है और 1/8 का मतलब 12.5% कहलाता है भैया। 1/4 25 होता है, उसका आधा कर दो 1/8 बन जाएगा 12.4, ये 25 बोल रहा है तो यही क्या हो गया? ओड वन पूछा है, पहला वाला ही ओड वन हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ TTRR जीनोटाइप 6.25, बिल्कुल ये रहा TTRR राउंड और ग्रीन वाला रिस्पेक्ट में आ गया, तो 1/16, 1/8 12.5 है तो 1/16 जो है इसका भी आधा हो जाएगा, कितना? 6.25, बिल्कुल सही दिया है इन्होंने। फ्रीक्वेंसी ऑफ TTRR क्या प्योरेस्ट फॉर्म है आर आर वाई वाई की तरह? बिल्कुल, 1/16 बनता है ये, 1/16 वही सेम है 6.25। फ्रीक्वेंसी ऑफ TTRR, TTRR का मतलब इसके रेस्पेक्ट में अगर रिंकल्ड और येलो के रेस्पेक्ट में देखूं तो रिंकल्ड येलो में प्योरेस्ट है क्या? नहीं है। प्योरेस्ट नहीं है तो फिर 2 बनेंगे, 2 मतलब ये वाला केस बनेगा, इसका मतलब 2/16 ये बनेगा, 2/16 बोले तो 1/8, 1/8 बोले तो 12.5, 1/8 12.5 आता है। बोलो जी, तो इस प्रकार ये जो ट्रिक मैंने यहाँ पर बताई है ये आपको दिमाग के अंदर रखनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट 48, मेंडल सेलेक्ट पाइसम सटाइवम फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ, तो मेंडल ने पाइसम सटाइवम का चयन किया ऐसा किसके कारण? क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर पाए जा रहे थे, सही बात है, और शॉर्ट लाइफ स्पान, तो इसके लिए उसका चुनाव हुआ था, ये बात सही है। तो पाइसम सटाइवम बिकॉज ऑफ, तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया अपना। लॉन्ग लाइफ स्पान ना, शॉर्टर लाइफ स्पान होता है जिसके कारण रिजल्ट जल्दी आ जाए अपने पास में, ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़े, तो लॉन्ग लाइफ स्पान नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया। नॉन फर्टाइल हाइब्रिड, अगर हाइब्रिड जैसे ये वाला हाइब्रिड बना था अगर ये फर्टिलिटी शो नहीं करता तो फिर सेल्फिंग के रिजल्टेंट प्रोजेनी नहीं बननी चाहिए थी, तो ये बात गलत है, नॉन फर्टाइल नहीं फर्टाइल हाइब्रिड होता है। प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल नहीं बाइसेक्सुअल फ्लावर था ये, इसीलिए उसको चुना गया था क्योंकि अदर सेक्स को खोजने के लिए इनको किसी दूसरे प्लांट की सर्च में नहीं जाना पड़ा था, ठीक है जी, उसी में इन्होंने क्या किया, एक फ्लावर को ही फीमेल बना दिया, ईमैस्कुलेशन कर दिया, मेल पार्ट को अलग कर दिया, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर था यूनिसेक्सुअल नहीं था, ये बात गलत है। इनफर्टाइल हाइब्रिड फिर से गलत बात हो गई, एंड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सीड बाई ईच प्लांट, ये बात तो ठीक है दूसरी वाली तो, लेकिन इनफर्टिलिटी बोलना ये बात गलत है, ठीक है, तो आंसर वन चला जाएगा। नेक्स्ट 49, मेंडल प्रपोज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनको मेंडल के पोस्टुलेट कहा जाता है, और मेंडल ने तीन पोस्टुलेट दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ओके जी। तो पहले दोनों डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये तो मोनो के बेसिस पर दिया गया है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड के बेसिस पर दिया गया है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर इन्होंने ये बात कही थी। 49 का 1, 50, बोथ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन आर सेम इन, ठीक है जी, ऐसा कहां देखा जा रहा था? याद करो, रेड फ्लावर का क्रॉस किससे करवाया था? व्हाइट फ्लावर से करवाया था, ठीक है, एंटीरिनियम मेजर्स के केस में या मिराबिलिस जलापा के केस में, और फ्लावर कैसा बना था? पिंक टाइप का बना था। बोलो जी, ये पिंक टाइप का था, ये रेड टाइप का था, ये व्हाइट टाइप का था। यहाँ पर जब सेल्फिंग करवाई गई थी तो सेल्फिंग में अपने को क्या मिले थे? एक प्लांट तो ये बना था,
दो प्लांट ये मिले थे और एक प्लांट ये मिला था। बोलो जी, तो रेड कितना? एक रेड है। पिंक कितने? दो पिंक है। और व्हाइट कितना? एक व्हाइट है। तो रेड पिंक और व्हाइट का रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पर क्या बना? 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो, एक ऐसा प्लांट है, दो ऐसे हैं और एक ऐसा है, तो जीनोटिपिक रेशियो 1:1। इसका मतलब फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो F2 में सेम कहाँ मिलते हैं अपने को? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी मिलते हैं, को डोमिनेंस के केस में भी देखा जाता है। ठीक है जी, तो ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। इसका मतलब मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। अब बात आती है मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में भी क्या फिनो और जीनो सेम आता है? चलो करवा के देख लो। मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड, इसका मतलब ये हाइब्रिड F1 बना था। टेस्ट क्रॉस मतलब इसका रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस। अगर ऐसा क्रॉस आपने करवाया तो पुनेट इसको ऐसे मैं आपको प्रोजेनी बनाकर बता दूं, इसके गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी ये बना, इसका गैमेट स्मॉल टी बना, तो ये प्लांट एक ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया और ये स्मॉल टी। इसका मतलब यहाँ पर टॉल दो हैं, ड्वार्फ दो हैं। बोलो जी, तो टॉल इज टू ड्वार्फ, दो ये हैं, तो ये अनुपात कितना रहा? 1:1, बिल्कुल सही बात है। और जीनोटाइप के अकॉर्डिंग भी देख लो, दो तो ये हैं, फिनो जीनोटाइप के ही अकॉर्डिंग दो ये हैं, तो 1:1 ये बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी जीनो और फिनो टेस्ट क्रॉस में भी सेम बनता है, तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 51, द एबिलिटी ऑफ ए जीन टू हैव मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट। एक ही जीन जो है वो बहुत सारे फिनोटिपिक प्रभाव दर्शाती है, क्या कहा जाता है इसको? प्लियोट्रोपी कहा जाता है। ठीक है जी, और प्लियोट्रोपी के रेस्पेक्ट में एनसीईआरटी ने बोला है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया का जो केस बनता है उसमें मेंटल रिटार्डेशन देखा जाता है, लॉस ऑफ स्किन हेयर्स देखा जाता है, स्किन पिगमेंटेशन कम हो जाता है। इसका मतलब है जीन तो एक ही है, ठीक है जी, फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए, और उसके अंदर डिसऑर्डर इतने सारे आ जाते हैं, तो मल्टीपल फिनोटिपिक अफेक्ट आते हैं, प्लियोट्रोपी ये कहलाती है। नेक्स्ट 52, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट बताना है, गैमेट प्योर होते हैं किसी भी ट्रेट के लिए, सही है, इनकरेक्ट खोजना है अपने को। तो कोडोमिनेंस फ्लोर कलर इन स्नैपड्रैगन, कोडोमिनेंस का एग्जांपल तो ब्लड ग्रुप बनता है भैया, ब्लड ग्रुप ये वाला इसका एग्जांपल बनता है। ठीक है जी, ए बी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप या MN टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप भी एक एग्जांपल है इसका। फ्लोर कलर इन स्नैपड्रैगन ये तो इनकम्प्लीट का है, इनकम्प्लीट का है, ठीक है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो गया। क्रॉस चेक करें, रिसेसिव जीन एक्सप्रेस इन होमोजाइगस, बिल्कुल सही बात है, होमोजाइगस कंडीशन आएगी तो ही एक्सप्रेस करेगी अपने आप को। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेम जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक, ये मैंने पहले ही बताया था, को डोमिनेंस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, जैसे ये स्नैपड्रैगन वाला ही ले लो आप, क्रॉस करके भी बताया था मैंने, रेड और वाइट के बीच में पिंक आता है, जीनोटिपिक 1:1, फिनोटिपिक 1:1, तो ये बात भी क्या है? सही है। तो पहली सही है, तीसरी सही है, चौथी सही है, इनकरेक्ट कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 53, मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर इन 1865 में इन्होंने पब्लिश किया था, बट इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड। ये अपन ने शुरुआत में भी बात कर ली थी कि उसको पहचान नहीं मिली थी। ठीक है जी, ऐसा किसके कारण? उन फैक्टर्स को देखना है, बिकॉज ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, कारकों के अस्तित्व के लिए कोई भी भौतिक प्रमाण उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में कहा कि कोई फैक्टर होता है, वो फैक्टर अगली पीढ़ी में इन्फॉर्मेशन को लेकर जाता है, तो दूसरे वैज्ञानिक ने पूछा साहब वो फैक्टर कहाँ है, दिखाओ, तो फिजिकल प्रूफ उनके पास में नहीं था। ये बात सही है। इज कंसेप्ट ऑफ फैक्टर एज स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रेड डिड नॉट फाइंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम हिज कंटेम्परेरीज। तो जो फैक्टर के विषय में इन्होंने कहा था कि ये एक स्थिर पृथक इकाई के रूप में कारक पाए जाते हैं, उस बात को उनके साथ वाले वैज्ञानिकों ने नकार दिया था। ये बात भी सही है। मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजी फिनोमिना वाज टोटली ओल्ड। टोटली ओल्ड नहीं, कैसी थी? नया फिनोमिना था, पहली बार बायोलॉजी में मैथमेटिक्स को काम में लिया गया था, तो ये बात हो गई गलत। कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी। उस समय जो मीडिया का एक्सप्रेस, मीडिया का जो प्रसार था वो इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है जी, और साथ ही मेंडल गरीब भी थे, किसान परिवार से बिलोंग करते थे, फार्मर फैमिली से, तो इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये दूर दराज जो देश विदेश के अखबार हैं वहाँ तक अपनी बात को पब्लिश करवा पाएं, तो कम्युनिकेशन इतना ईजी नहीं था, इस कारण भी उनके कार्य को पहचान नहीं मिली। तो तीन रीजन है जिसके कारण कार्य को पहचान नहीं मिली, ए बी एंड डी।
ए बी और डी का ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड चला जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो मेंडल की वंशागति है उसके संदर्भ में कथनों को पढ़ना है और अपने को क्या सही चुनना है, करेक्ट को चुनना है भैया। मेंडल एक्सपेरिमेंट हैज स्मॉल सैंपल साइज ना लार्ज सैंपल साइज, 10,000 प्लांट्स के लगभग उन्होंने गार्डन में स्टडी किए थे, ठीक है जी, तो ये बात गलत होगी। करेक्ट देख रहे हैं अपने को, ट्रू ब्रीडिंग लाइन शोज स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है, जो लगातार सेल्फ पोलिनेशन करती रहे और जो ट्रेट का एक्सप्रेशन है वो स्टेबल हो, एक जैसा ही आता जाए और अनेकों जनरेशन तक आता जाए, ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन कहलाती है, ये बात सही है। इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ ए पेयर डोमिनेट ओवर द अदर। डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, ये डिसिमिलर पेयर हैं, एक डोमिनेट है दूसरे के ऊपर, ये बात सही होगी। ए रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, रिसेसिव अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेगा, ये बात भी सही है। टू एलील ऑफ ए जीन आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये बात भी सही है कि एक करैक्टर की जो दो, एक जीन की जो दो एलील हैं वो होमोलोगस पोजीशन पर, एलील तभी बनेंगी, अगर होमोलोगस पोजीशन नहीं होगी तो नॉन एलील वो बन जाती हैं। तो टू एलील ऑफ ए जीन आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, गलत कौन सा है, पहला गलत है 2, 3, 4, 5, पहला कह रहे हैं टू एलोन इज करेक्ट, गलत बात, अकेला नहीं है, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 ये करेक्ट है, तो आंसर भी यही चला जाएगा। अगला कह रहा है 1, 4 आर करेक्ट, 1 करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, गलत हो गया। ओनली 2, 3, 4 करेक्ट, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, लेकिन इसने ओनली लगा दिया इसलिए गड़बड़ होगी, तो आंसर अप्रोप्रिएट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 55 की ओर मूव करते हैं। इफ ए पी प्लांट प्रोड्यूसेज 1280 सीड्स ड्यूरिंग ए डाई हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, इसका मतलब जो डाई हाइब्रिड मेंडल ने क्रॉस करवाया था वही बात कर रहे हैं कि किसका क्रॉस, आर आर वाई वाई का क्रॉस किससे करवाया है, आर आर वाई वाई के साथ में करवाया है इन्होंने। एंड रिंकल्ड ग्रीन प्लांट, देन हाउ मेनी सीड आर रिंकल्ड येलो, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन रेस्पेक्टिवली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां भी रेस्पेक्टिवली आ जाए अलर्ट हो जाए करो, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आगे पीछे वो करेगा, ठीक है जी। तो अपने क्या बोला, ये जब क्रॉस करवाया था तो अपने पास में फिनोटाइप 9331 ये आया था, ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी सीड आर रिंकल्ड येलो, तो अपने क्या बोला था, ये तो क्या था राउंड एंड येलो, ये क्या था राउंड एंड ग्रीन, ये क्या था रिंकल्ड एंड येलो, और ये क्या था रिंकल्ड एंड ग्रीन, यही तो कहलाया था, स्मॉल वाई कह दो या ग्रीन के लिए जी बोल दो आप, कोई बात नहीं। अब क्या कह रहा है, सबसे पहले रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो कितने हैं, 3 है, तो रिंकल्ड एंड येलो कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है जी, यही लिख देता हूं मैं, रिंकल्ड येलो कितने हो गए, 3। राउंड येलो, राउंड येलो कितने हैं, 9 है, तो राउंड येलो आ गए 9। और रिंकल्ड ग्रीन कितने आ गए, रिंकल्ड और ग्रीन कितना आ गया, 1, तो रिंकल्ड और ग्रीन हो गया अपना 1, ठीक है जी। ये नीचे वाला पोर्शन मिटा दो आप, जी मिटा दिया। अब ये क्या कह रहे हैं, जब रिंकल्ड येलो की मैं बात करूं, ठीक है जी, जब 16 थे तब रिंकल्ड येलो कितने आए थे, 3 आए थे, जब 1280 सीड ऑब्टेंड होंगे, इसका मतलब 16 थे तब 3 आए थे, 1 होगा तो 3/16 आएगा, बोलो जी। और अगर कितने होंगे, 1280 होंगे, 1280 होंगे तो 3/16 × 1280 करना है भैया, ठीक है जी। 4 से 4 बार गया और ये 4 से 3 बार, 2 बार 0, 320 बार, ये 4 से 320 टाइम्स चला गया, बोलो जी। तो अपना क्या आ गया, 3 × 80, 3 × 80 कितना होता है भैया, 3 × 80 8 × 24 240 आना चाहिए, 240 कौन आना चाहिए, रिंकल्ड येलो, इसका मतलब सबसे पहले 240 आना चाहिए, 640 गलत बात, 640 गलत बात, 160 गलत बात, 240 सही बात, आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। अगली बात, 9 राउंड येलो है, तो अपने को पता है कि ये वैल्यू को मैंने किसी से भी क्रॉस नहीं करवाया, इसको सेपरेट रखा है, अल्टीमेटली रिजल्ट मेरा 80 आया था, 80 को मल्टीप्लाई करना है कितने कितने प्लांट ओरिजिनली हैं, 80 को 3 से किया तो ये आ गया अपना 240। अब अपना ये राउंड येलो पूछ रहा है तो 9, तो
तो 80 इंटू कितना करना है, 9 करना है, 8 नीम 72 होता है 720, ये 720 आ गया। रिंकल्ड ग्रीन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब है 1 इंटू 80 करना है अपने को, 1 इंटू 80। अरे बोलो भाई, इजी कैलकुलेशन है जी। क्वेश्चन नंबर 56, ए ह्यूमन मेल प्रोड्यूस स्पर्म विद जीनोटाइप, ये चार प्रकार के स्पर्म बना रहा है, दो डाई एलीलिक करेक्टर इसमें है, ए और बी अलग अलग जीन हो गई, इन इक्वल प्रोपोर्शन, व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग जीनोटाइप ऑफ दिस पर्सन, इस पर्सन का जीनोटाइप क्या रहा होगा, इसका मतलब इसके अंदर ए एलील भी है, डोमिनेंट बी एलील भी है, स्मॉल बी एलील भी है, स्मॉल ए एलील भी है, तो जीनोटाइप क्या रहा होगा, ये इंडिविजुअल रहा होगा, ये इंडिविजुअल बनेगा तो ये चार प्रकार के गैमेट बनेंगे। गैमेट बनाने का फोर्क लाइन मेथड याद करो, ये दोनों हैं तो इनको ऊपर नीचे लिख दो, इसकी प्रोबेबिलिटी इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसका मतलब है कैपिटल ए को कैपिटल बी भी देना है, स्मॉल बी भी देना है, स्मॉल ए को जो है वो कैपिटल बी भी देना है, स्मॉल बी भी देना है। यहाँ पर गैमेट बन गया कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ गैमेट बन गया कैपिटल ए स्मॉल बी, यहाँ गैमेट बन गया स्मॉल ए कैपिटल बी, यहाँ गैमेट बन गया स्मॉल ए स्मॉल बी। ये चार प्रकार के गैमेट हैं, ये चार प्रकार के गैमेट हैं, तो जीनोटाइप हेटरोजाइगस ए बी बन जाएगा। हेटरोजाइगस ए बी का केस कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। ओके 57, पॉलीजेनिक ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन, ए बी सी जीन के द्वारा है, ह्यूमन स्किन कलर अपने पढ़ाई था, और ये देखो यहाँ पर क्रॉस करवा दिया मुलेटो का मुलेटो से, द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग वाज ऑब्जर्वड एज, ठीक है जी। तो ह्यूमन के स्किन कलर में फिनोटिपिक रेशियो कितना आता है, 1:6:15:20:15:6:1, ये रेशियो ऑब्टेंड होता है। अपने जो पूछा क्या है, एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स की जगह 6 आएगा भैया, वाई की जगह क्या आएगा, 15 आएगा, इसका मतलब अपने को एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है तो क्या आना चाहिए, 6:15 ये आना चाहिए। इस एक्स की जगह क्या आ रहा है, वही 6 आ रहा है, तो दोनों एक्स की जगह 6 आएगा और यहाँ पर 15 आएगा, 6/15 ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, ठीक है जी। 58, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन मींस दैट जर्म सेल ऑलवेज रिसीव, सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, जब आपने देखा था कि एक पेरेंट ये है, ठीक है जी, सपोज करो ये वाला F1 पेरेंट ये है, अब जब ये गैमेट बनाएगा तो एक में ये एलील जाएगी और दूसरे गैमेट में ये एलील जाएगी, इसका मतलब गैमेट फॉर्मेशन के दौरान वन पेयर ऑफ एलील में से एक ही एलील गैमेट में पहुंचती है, तो अपन क्या बोलेंगे, वन पेयर ऑफ एलील जो है वो ईच जर्म सेल रिसीव करती है, एक जोड़ी नहीं, एक जोड़ी में से एक, गलत, 1/4 ऑफ द जीन, जीन का 1/4 ना 1/2 पार्ट, गलत बात, 1 ऑफ द पेयर्ड एलील, एक जोड़े में से एक रिसीव करती है, ये आंसर सही है। ओके नेक्स्ट 59, सेलेक्ट करेक्ट मैच, सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस, ये दो टाइप के ट्रेट हैं, दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल कुछ है इन्फॉर्मेशन है वो सुने, दोनों के लिए ही रेस्पॉन्सिबल जीन ऑटोसोम के ऊपर पाई जाती है, इसका मतलब मेल में भी जीन प्रेजेंट होती है, फीमेल में भी जीन प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। सेक्स लिमिटेड में एक सेक्स हार्मोन की प्रेजेंस में ही वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है, या तो वो टेस्टोस्टेरोन की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, या फिर वो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, इसलिए वो या तो मेल में एक्सप्रेस होती है या फिर वो फीमेल में एक्सप्रेस होती है, बात समझ में आ गई। जैसे दाढ़ी का आना मूछों का आना एक सेक्स लिमिटेड ट्रेट है, कैटल्स में मिल्क का प्रोडक्शन एक सेक्स लिमिटेड ट्रेट है, लेकिन गंजापन का पाया जाना, ये गंजापन मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है, ठीक है जी, लेकिन एक सेक्स में ज्यादा देखा जाता है, मेल इंडिविजुअल में ज्यादा देखा जाता है, वो सेक्स इन्फ्लुएंस बन जाएगा। तो सेक्स लिमिटेड ट्रेट कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिमिटेड नहीं है, इसको सेक्स लिमिटेड नहीं कहेंगे, मेल में भी हो सकती है कलर ब्लाइंडनेस, फीमेल में भी हो सकती है, गलत। सेक्स लिमिटेड एक्सप्रेस इन बोथ सेक्स, दोनों में नहीं, सेक्स इन्फ्लुएंस दोनों में होती है लेकिन वो भी एक सेक्स में ज्यादा होती है, ये भी गलत। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट मोर फ्रिक्वेंट इन वन सेक्स देन इन अदर, और ये इसका एग्जांपल बाल्डनेस, बाल्डनेस के रेस्पेक्ट में, ठीक है जी। तो बाल्डनेस के रेस्पेक्ट में याद करो, ऐसी फॉर्म बनी थी, हेटरोजाइगस फॉर्म बनी थी, और स्मॉल बी बना था, ये मेल है और ये फीमेल है, अगर दोनों डोमिनेंट आएगी तो ये क्या है, गंजा है, ये क्या है, गंजी है, अगर हेटरोजाइगस बनेगा तो ये क्या है, ये गंजा होगा, क्योंकि सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की प्रेजेंस में ये अपना इफेक्ट ज्यादा दर्शाती है, तो मेल में ज्यादा है, हेटरोजाइगस फीमेल में आ गई तो नो गंजी, यहाँ पर गंजापन नहीं है, नो गंजी, ठीक है जी। यहाँ भी क्या होगा, दोनों रिसेसिव आ गई तो नो गंजा, यहाँ भी नो गंजी, बोलो जी। तो एक सेक्स में ज्यादा देखी जाती है, मेल इंडिविजुअल में गंजापन ज्यादा है, ये क्या हो गया, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड हो गया, आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड।
सेक्स इन्फ्लुएंस्ड रेट बियर्ड इन मेल, मेल में नर में दाढ़ी का पाया जाना सेक्स लिमिटेड है, इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। 16, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू दी ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, ये पेरेंट है, ये ऑफस्प्रिंग है, यहाँ करेक्टर का ट्रांसमिशन होना ये तो क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। क्या बोलेंगे इसको, हेरिडिटी। किस प्रोसेस के द्वारा पहुंचा है वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, इनहेरिटेंस कहलाता है। और इसके रिजल्टेंट यहाँ कोई चेंजेज आते हैं वो वेरिएशन कहलाते हैं। तीन बातें हैं, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर पूछे हेरिडिटी है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर पूछे इनहेरिटेंस है, और ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर के कारण वेरिएशंस या चेंजेज आना वो वेरिएशन कहलाते हैं। ओके, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, हेरिडिटी। नेक्स्ट 61, हु कॉइंड द टर्म एलील, एलील शब्द किसने दिया है। ठीक है जी, तो जीन की अगर बात करें तो जॉनसन ने बताया है जीन के बारे में। ठीक है जी, तो बेटसन ने जो है वो एलील टर्म दिया है, एलील, या इसको एलीलोमॉर्फ भी कहते हैं। सोंडर्स इन्हीं के ही कवर कर रहे हैं, इन्हीं के ही साथ कार्य करने वाले रहे हैं, लेकिन एलील शब्द किसने दिया है, बेटसन ने। नेक्स्ट 62, इन आवर सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चाइल्ड, वही रोहित शर्मा वाली बच्ची वाली दादी वाली केस की बात हो गई। चूज द करेक्ट आंसर फॉर दिस सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में जो सेक्स डिटर्मिनेशन उसके लिए सही क्या है। ड्यू टू सम डिफेक्ट इन वुमेन, वुमेन में डिफेक्ट के कारण ऐसा होता है कि वुमेन वो फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस करती है ना, ये तो डिपेंड करता है किस टाइप का स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज करेगा। ड्यू टू सम डिफेक्ट लाइक एस्पर्मिया, अगर एस्पर्मिया होगा स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रोजेनी ही नहीं बनेगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ड्यू टू जेनेटिक मेकअप ऑफ पर्टिकुलर स्पर्म, कि स्पर्म एंड्रो स्पर्म है, एक्स वाला वो वाई वाला है, या फिर गाइनो स्पर्म है, एक्स क्रोमोजोम वाला है जो फर्टिलाइज करता है एग को, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है, ड्यू टू जेनेटिक मेकअप ऑफ एग, एग के जेनेटिक मेकअप पे नहीं, स्पर्म के जेनेटिक मेकअप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो ये 62 हो गया। 63, सेलेक्ट ओड वन आउट विद रेस्पेक्ट टू क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, पहले भी बात आई थी, वाल्डर सुटोन थियोडोर बॉबरी के द्वारा है, सही बात है, अपने को ओड वन देखना है। बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम इज पैरेलल, ये बात भी मैंने बताई थी कि इस थ्योरी के द्वारा यही बात एक्सप्लेन की गई थी कि बिहेवियर किसका पैरेलल है, क्रोमोजोम और जीन का। क्रोमोजोम एंड जीन अकर इन पेयर इन डिप्लोइड एंड हैप्लोइड, हैप्लोइड में भी पेयर के रूप में होंगे ना, हैप्लोइड में तो ये कैसे आ जाएंगे, अनपेयर्ड रूप में आ जाते हैं, तो ये बात क्या होगी, गलत। और पेयर्ड कंडीशन ऑफ क्रोमोजोम एज वेल एज मेंडेलियन फैक्टर इज रिस्टोर्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो पेयर पेयरिंग वाला केस था, जो जोड़े के रूप में एलील पाई जाती है, वो वापस आ जाती है। ठीक है जी, तो ये बात भी क्या है, सही है। अपने को इनकरेक्ट पूछा है, ओड वन पूछा है, तो ओड वन रॉन्ग वाला थर्ड हो गया, तो आंसर कौन सा चला जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट 64, एक ही चार्ट आपको दिखा रखा है, इनहेरिटेंस मदर से सन में भी हो रहा है, मदर से डॉटर में भी हो रहा है, फादर से सन में भी हो रहा है, फादर से डॉटर में भी हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा कहलाएगा, इसको अपन ऑटोसोमल कहेंगे। हीमोफीलिया की अगर बात करूं तो अगर मदर हीमोफिलिक है, XH, XH जो जनरली केस बनता नहीं है, अगर ऐसा केस बनता है तो मदर तो अपना एक्स इसको भी दे सकती है, इसको भी दे सकती है, ये बात सही है। लेकिन फादर अगर हीमोफिलिक है, XHY है, तो फादर से ये सन में कैसे जाएगा, फादर से सन में नहीं जाना चाहिए, तो सेक्स लिंक्ड नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस भी सेक्स लिंक्ड है। SRY या TDF सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोजोम, या टेस्ट इज डिटरमाइनिंग फैक्टर, जो कि क्या करते हैं, मुलेरियन और वोल्फियन डक्ट, ये दो बातें आपको बताई गई हैं कि मुलेरियन डक्ट जो है वो तो क्या बनाती है आगे चलकर फीमेल का फॉर्मेशन, और वोल्फियन डक्ट जो है वो क्या बनाती है, मेल का फॉर्मेशन करवाती है। तो TDF जीन जो है वो किसको स्टिमुलेट करती है, वोल्फियन डक्ट को स्टिमुलेट करती है, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर ऑटोसोमल बन गया, ऑटोसोमल मदर से डॉटर में सन में जा सकता है, फादर से डॉटर सन में जा सकता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, तीनों ही ऑटोसोमल, आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 65, हु कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के ऊपर सेक्स लिंक्ड जीन को देखने के लिए मॉर्गन ने बहुत सारे डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाए। 66, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप आर प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल, केवल ह्यूमन की बात करता तो ह्यूमन में अपने को पता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लोइड संख्या बराबर 46 होता है, और इस 46 के केस में अपन क्या बोलते हैं कि पेयर के रूप में कितने हो गए,
22 तो ऑटोसोमल पेयर हो जाते हैं और इसके अलावा जो है एक्स एक्स या एक्स वाई कंडीशन पाया जाता है। ठीक है जी, फीमेल अगर पूछ लेता तो 22 जोड़े तो ये है और एक जोड़ा ये है, तो फीमेल के केस में तो ह्यूमन फीमेल के केस में तो 23 पेयर बन जाते हैं। ठीक है जी, लिंकेज ग्रुप कितने हैं, 23 हो जाते हैं। और अगर मेल के केस में पूछ रहा है तो 22 तो ये हो गए, 23वां ये हो गया, 24वां ये हो गया, ये नॉन होमोलोगस है, तो मेल के केस में कितने हो जाएंगे लिंकेज ग्रुप, 24 हो जाते हैं। ठीक है जी, लिंकेज ग्रुप इज इक्वल्स टू हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात आ जाएगी। 67 इन अ डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इफ पेरेंटल टाइप एक्सीड द रिकॉम्बिनेशन टाइप अमंग द रिजल्टेंट प्रोजेनी, पेरेंटल टाइप ज्यादा आ रहा है किससे, रिकॉम्बिनेंट से, ऐसा कहां देखने को मिला था, लिंकेज के केस में देखने को मिला था भैया। ठीक है जी, डायरेक्ट याद रखना है। 68 क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन ए और बी, ए सी और बी सी, ये बता रखिए आपको पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन दी क्रोमोजोम। तो इसमें आपको पता है कि आपको क्या दे रखा है, ए बी, ए सी और क्या दे रखा है, बी सी, रेस्पेक्टिवली कितना दे रखा है, 6, 15, 21, 6, 15 और 21 दे रखा है। बोलो जी, तो जितनी क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी है उतनी ही उनके बीच दूरी हो जाएगी, 1% क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन। इसमें सबसे ज्यादा जो है उसको सबसे पहले ले लो जेनेटिक मैप बनाने के लिए, तो मैंने ले लिया ये बी और सी के बीच में टोटल कितनी दूरी हो गई भैया, 21 सेंटीमॉर्गन ये दूरी हो गई, या परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर बता दो इसको। बोलो जी, उसके बाद दूसरा नंबर ए सी का है तो 15 है, तो ए यहाँ भी हो सकता है और ए पॉसिबल है यहाँ भी हो सकता है, माना ये यहाँ पे है तो ये कितना हो गया, कितना बोल रखा है 15। अगर ये 15 है, ये टोटल इन दोनों के बीच में 21 है, तो इन दोनों के बीच में कितना आना चाहिए, बी ए या ए बी के बीच में 6 आना चाहिए, बी ए या ए बी के बीच में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब ऑर्डर क्या बनेगा, या तो बी ए सी, ऑर्डर या तो बी ए सी बन सकता है, या उधर से चले तो सी ए बी, तो ऑर्डर बन जाएगा सी ए बी। अब देख लें इसमें ए बी सी ऑर्डर नहीं है, बी ए सी ऑर्डर है, ए सी बी ऑर्डर नहीं है, आइदर बी ए सी और ए बी सी, ए बी सी तो बन ही नहीं रहा, सी ए बी बनेगा, ये भी नहीं है, आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 69 विच क्रोमोसोम सेट आर फाउंड इन मेल ग्रास हॉपर, मेल ग्रास हॉपर जो है उसमें मेल जो है वो हेट्रोगेमेटिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, तो मेल ग्रास हॉपर में 2 ऑटोसोम प्लस एक्स जीरो कंडीशन ये चली जाती है, ये ह्यूमन फीमेल हो ही गई, ये ह्यूमन मेल हो ही गया, वाई वाई कंडीशन देखी नहीं जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 70 इन ड्रोसोफिला सेक्स इज डिटरमाइंड बाई, तो ड्रोसोफिला में सेक्स डिटरमिनेशन के लिए जेनिक बैलेंस थ्योरी, एक्स अपॉन ए का रेशियो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द सेट ऑफ ऑटोसोम, बिल्कुल ठीक बात है, फिर भी और पढ़ें, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है, रेशियो पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम के जोड़े नहीं, एक्स क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं उसके बेसिस पर होता है, ये गलत हो गया, वेदर द एग इज फर्टिलाइज्ड और डेवलप्ड पार्थेनोजेनेटिकली ना, ये तो हनी बी में देखा जाता है, ये बात भी नहीं होगी, आंसर फर्स्ट चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 71 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन दो हार्मफुल इन इटसेल्फ इज ऑल्सो ए पोटेंशियल सर्वाइवर फ्रॉम ए मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज, निम्न में से कौन सी अवस्था अपने आप में हानिकारक होने के साथ ही एक मच्छर जनित संक्रामक रोग से बचाव भी करती है, और ये कौन सी केस है, सिकल सेल एनीमिया का केस है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिकल सेल एनीमिया अगर आरबीसी सिकल सेल की हो जाती है तो मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, आरबीसी के अंदर नहीं पहुंच पाएगा, आरबीसी के अंदर नहीं पहुंचेगा तो उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती है, तो ऐसा कहाँ देखा जाता है, सिकल सेल एनीमिया के केस में। ठीक है जी, अगली बात थैलेसीमिया, आपको वहां पर पहले बताया हुआ है, हीमोफीलिया की बात हो गई थी, पर्नीशियस एनीमिया विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी के कारण होने वाला एनीमिक डिसऑर्डर क्या कहलाता है, पर्नीशियस एनीमिया विटामिन बी12। ठीक है जी, नेक्स्ट 72 इक्विलिब्रियम ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी हार्डी विनबर्ग लॉ के अनुसार, तो हार्डी विनबर्ग का नियम क्या कहता है, हार्डी विनबर्ग लॉ इक्विलिब्रियम ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी बता रहा है, एक आइडियल पॉपुलेशन की बात करता है, हार्डी विनबर्ग कहते हैं
एक ऐसी पॉपुलेशन जिसमें एलील फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं होती है, इसका मतलब उसमें डेथ भी नहीं होती है, उसमें जन्म भी नहीं होता है, वहां से कोई इंडिविजुअल बाहर भी नहीं जाता है, बाहर से कोई इंडिविजुअल अंदर भी नहीं आता है, ऐसी पॉपुलेशन पॉसिबल नहीं है, वो किसी आइडियल हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो ये हार्डी विनबर्ग लॉ बताता है। अब ये पहले वाला क्यों गलत हो गया, यहाँ पर इसको पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ये वाला देना चाहिए था, ऐसा तो कोई रिलेशन होता ही नहीं है, या फिर दे देता पी प्लस क्यू बराबर वन, तो ये भी हार्डी विनबर्ग है, ये भी हार्डी विनबर्ग है, और सिंपली ऐसे लिखे तो हार्डी विनबर्ग नियम है। ठीक है जी, नेक्स्ट 73। ए पर्सन विद टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम के केस में अपन ने क्या बोला था, क्या हो जाता है, ऑटोसोम नॉर्मल है प्लस एक्स जीरो कंडीशन ये वाली बन जाती है। ठीक है जी, याद रखना, इसके लिए इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, टर्नर सिंड्रोम का या तो जीनोटिपिक फॉर्म ये बोलेगा या फिर एक थ्योरेटिकल फॉर्म भी बोलते हैं, वो एनसीईआरटी वाली बात है, 45 विद एक्स जीरो कंडीशन, टोटल 45 क्रोमोसोम जिसमें एक्स जीरो कंडीशन पाई जाती है, 44 तो ये रहे, एक ये रहा, तो 45 विद एक्स जीरो बोलना भी सही है और 44 प्लस एक्स जीरो बोलना भी सही है, दोनों ही टर्नर सिंड्रोम है। 45 ऑटोसोम एंड एक्स क्रोमोसोम, अगर यहाँ एंड की जगह विद लगा देता तो सही हो जाता, गलत है। 44 ऑटोसोम एंड एक्स वाई वाई, ये तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है जी, एक्स एक्स वाई कंडीशन। अगली बात, 45 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम, 45 ऑटोसोम, ऐसा तो ऑटोसोमल जो ट्राइसोमी थी, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, उसमें देखा जाता है, 44 ऑटोसोम एंड एक्स क्रोमोसोम, 44 ऑटोसोम एंड एक्स क्रोमोसोम, ये वाली बात जो है वो सही हो जाएगी। आपने इसे सही पूछा है कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है। 74 देखें, ए मैन हैज एनलार्ज ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट है, स्पेयर हेयर, विरल बाल शरीर के ऊपर पाए जा रहे हैं, और सेक्स क्रोमोसोमल फॉर्मूला एक्स एक्स वाई कंडीशन, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात हो गई, तो ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। डाउन सिंड्रोम 21st ऑटोसोम की ट्राइसोमी है, एडवर्ड सिंड्रोम जो है वो अपनी 18th की ट्राइसोमी है, टर्नर सिंड्रोम 44 प्लस एक्स जीरो कंडीशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, हीमोफिलिक मैन मैरिज ए नॉर्मल लेडी, एक हीमोफिलिक मैन है, हीमोफिलिक मैन एक्स एच वाई बनेगा, मैरिज ए नॉर्मल लेडी, ये नॉर्मल लेडी है, अब ये नहीं पता ये है क्या, हुज फादर वॉज हीमोफिलिक, इसके फादर हीमोफिलिक है, लेडी के फादर हीमोफिलिक है, एक्स एच वाई है, इसका मतलब ये एक्स एच इस बेटी में जरूर आया होगा, तो ये कैरियर बन गई। ठीक है जी, इफ इट प्रोड्यूसेस टू सन्स एंड टू डॉटर, इनके दो बेटियां हैं और दो बेटे होते हैं, ठीक है जी, हाउ मैनी ऑफ देम वुड बी सफर, सफर का मतलब है कैरियर नहीं, अफेक्टेड होने चाहिए डिजीज से, तो बेटियों की अगर मैं बात करूँ तो एक बेटी तो एक्स एक्स एच ये बनेगी, दूसरी बेटी एक्स एच ये बनेगी, तो ये अफेक्टेड बनेगी, हीमोफिलिक है। बेटों की बात करें तो ये वाई इसके साथ जाए, एक्स वाई कंडीशन अनअफेक्टेड है, ये वाई इसके साथ जाए, एक्स एच वाई ये अफेक्टेड है, तो टोटल दो बेटे और दो बेटियां बन गई, इनमें से एक बेटा और एक बेटी अफेक्टेड है, वन सन एंड वन डॉटर। ठीक है जी, नेक्स्ट 76, इफ द स्पर्म और इज द स्पर्म और एग रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन चिक, चूजों में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कौन है, चूजे मतलब बर्ड्स, और बर्ड्स में कंडीशन कौन सी होती है, जेड 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 डब्ल्यू टाइप पाया जाता है, जेड 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 डब्ल्यू टाइप पाया जाता है। ठीक है जी, इसमें फीमेल जो है वो हेट्रोगेमेटिक कहलाती है, विषम युग्मजी कहलाती है, और फीमेल विषम युग्मजी होगी, इसका मतलब है दो टाइप के एग बनेंगे, एक जेड टाइप का एक डब्ल्यू टाइप का। ठीक है जी, तो एग डिसाइड करता है बिकॉज फीमेल आर हेट्रोगेमेटिक इन किसमें, बर्ड्स में। नेक्स्ट 77 आ जाए, कलर भी चेंज कर लेते हैं। इन ड्रोसोफिला मॉर्गन फाउंड दैट जीन फॉर येलो बॉडी एंड व्हाइट आई, येलो बॉडी और व्हाइट आई वाला जो क्रॉस बनता है, इसमें अपने को पता है कि ये इनकम्प्लीट लिंकेज को दर्शाता है, और एंड शोड दैट रिकॉम्बिनेंट कितने बनते हैं, ये वाला जो क्रॉस होगा येलो बॉडी और व्हाइट आई वाला, इसमें रिकॉम्बिनेंट बनता है 1.3, और अगर यहीं ऊपर दे देता येलो बॉडी और व्हाइट आई की जगह क्या दे देता, व्हाइट आई और वेस्टिजियल विंग, तो रिकॉम्बिनेंट आपको 37.2% बनाना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये दोनों केस आपको याद रखने हैं इसके लिए। नेक्स्ट आ जाएं, 78,
इनहेरिटेंस इज, इनहेरिटेंस क्या है, वो प्रोसेस जिसके द्वारा पेरेंट से प्रोजेनी में कैरेक्टर का इनहेरिट ट्रांसमिशन हेरिडिटी हो रही है, प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू दी प्रोजेनी, क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन नहीं है, और डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट, डिग्री बाय प्रोजेनी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, तो ये तो वेरिएशन की डेफिनेशन बनती है, ठीक है, और ये जो है पेरेंट्स से सिमिलरिटी दर्शाना, ये तो सिमिलर तो जनरली होते ही हैं, कुछ ना कुछ करेक्टर में डिसिमिलरिटी भी देखी जाती है। 79 पेडिग्री का है, गिवन पेडिग्री शोज इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव जीन, ऑटोसोमल रिसेसिव का इनहेरिटेंस दर्शा रहा है, और रिसेसिव अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा, जब होमोजाइगस में आएगा। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ ए एंड बी पेरेंट रेस्पेक्टिवली, इस ए और बी का जीनोटाइप क्या होगा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, अफेक्टेड है, लाइन का मतलब अफेक्टेड है, डार्क करके बताया गया, इसका मतलब ये पेरेंट ये रहा होगा, ठीक है जी। अब इसका जीनोटाइप क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ देखो आप कोई भी प्रोजेनी अफेक्टेड नहीं है, कोई भी प्रोजेनी अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब सारी ही प्रोजेनी कैसी बनी है, इस टाइप की प्रोजेनी बनी है, इसका मतलब इसके पास क्या रहा होगा, कैपिटल ए कैपिटल ए, ये प्रोबेबिलिटी रही होगी। तो ए और बी रेस्पेक्टिवली, ए का तो कैपिटल ए होना चाहिए और बी का स्मॉल ए होना चाहिए, पहला ऑप्शन ही सही चला जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 80, इन म्यूटेशनल इवेंट व्हेन एडिनिन इज रिप्लेस्ड बाय थायमिन, एडिनिन की जगह क्या आ रहा है, थायमिन आ रहा है भैया, और एडिनिन किस में आता है, एजी किस में आता है, प्यूरिन, और ये पायरिमिडिन, प्यूरिन की जगह पायरिमिडिन, ये क्या कहलाता है, ट्रांसवर्जन कहलाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट 81, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्योर होमोजाइगस प्लांट विल बी, मोनोहाइब्रिड में प्योर होमोजाइगस आउट ऑफ फोर जो हैं वो कितने बनेंगे, तो याद करो एक तो ऐसा बन रहा था, दो जो हैं वो ऐसे बन रहे थे, एक जो है वो ऐसा बन रहा था, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, इसने डोमिनेंट रिसेसिव तो बोला ही नहीं है ना, तो चार में से दो जो है वो कैसे बन जाएंगे, प्योर होमो जाएगा, इसका मतलब आंसर नंबर 2, ओके। 82, पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रन फ्रॉम ए पेरेंट्स विद बी एंड ओ ब्लड ग्रुप, एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है, एक का ओ है, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, I0 I0 ये रहा होगा, बी वाला क्या रहेगा, या तो IB IB रहेगा, या फिर क्या रहेगा, IB I0, तो बी के दो पॉसिबल जीनोटाइप ये बनते हैं, ठीक है जी। अब चाइल्ड का पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, या तो IB के साथ में I0 आ जाए, तो IB I0 ये क्या बन गया, बी ब्लड ग्रुप बन गया, ठीक है जी। यहाँ से तो सिंपली I0 ही आएगा हर बार, यहाँ से बी आ सकता है, या फिर I0 के साथ में I0 आ सकता है, I0 के साथ में I0 आ जाए, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप, इसका मतलब बी भी पॉसिबल है, ओ भी पॉसिबल है, बोथ बी एंड ओ, ए तो पॉसिबल है नहीं, सारे ओ बने ये भी गलत है, सारे बी बने ये भी गलत है। 83, इमैस्कुलेशन ऑफ फ्लावर इज डन, इमैस्कुलेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, एंथर का रिमूवल, स्टिग्मा का नहीं, एंथर का, और एंथर को रिमूव कर दिया जाता है उसके मैचुरेशन स्टेज से पहले ही, एंथर के मैच्योर होने से पहले ही, इसका मतलब स्टेमन मेल पार्ट जब इमैच्योर होता है उस समय इमैस्कुलेशन करवा दिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 84, कंसिडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट ABC and D एंड सेलेक्ट राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन तो देखना है लेकिन किसका राइट ऑप्शन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, उस ऑप्शन में सारे इनकरेक्ट होने चाहिए, ठीक है जी। मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट हैज लार्ज सैम्पलिंग साइज, सही बात है, गिव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा दैट ही कलेक्टेड, क्योंकि सैम्पल साइज ज्यादा थी, बार बार अलग अलग कॉन्ट्रास्टिक ट्रेट को लेकर उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट को दर्शाया, तो ये बात सही है। रिसेसिव एलील इन्फ्लुएंस द अपीयरेंस ऑफ फिनोटाइप इवन इन प्रेजेंस ऑफ इट्स अल्टरनेटिव एलील, रिसेसिव एलील स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस करती है इसकी प्रेजेंस में, ना ये बात गलत है। मल्टीपल एलील कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडी, मल्टीपल एलील बोला है, एलील मतलब सेम लोकस मतलब एक इंडिविजुअल में दो ही हो सकती हैं, तो फिर पॉपुलेशन स्टडी जरूरी है, तो ये बात सही है कि मल्टीपल एलील फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडी की जाएगी। इन F2 जनरेशन ऑफ मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस द टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप एंड सोज ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग नहीं होती है भैया टॉल और ड्वार्फ में, ये बात क्या हो गई, गलत, अपने से राइट ऑप्शन देखना है जिसमें इनकरेक्ट ऑप्शन हो, इनकरेक्ट इसका मतलब बी और डी जो है वो इनकरेक्ट है,
और बी और डी ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? थर्ड बन जाते हैं। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 84 की बात है अपने। क्वेश्चन नंबर 85 आ गए। ए प्लांट इज हेटरोजाइगस एंड इज डेजिग्नेटेड बीबी एंड प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ गैमेट। सीधी बात है, एक प्लांट है बीबी, दो टाइप के गैमेट बनाएगा, कैपिटल बी और स्मॉल बी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गैमेट फर्टिलाइजिंग बी और बी। ठीक है जी, कोई दूसरे प्लांट का बी गैमेट है, उस बी गैमेट की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बी को फर्टिलाइज करे या बी को करे? इसके साथ जाने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, इसके साथ जाने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, तो 50% चांस 1/2 रहता है। नेक्स्ट 86, विच स्टेटमेंट अबाउट ए टेस्ट क्रॉस इज नॉट ट्रू। टेस्ट क्रॉस के रेस्पेक्ट में कौन सा सही नहीं है? इट टेस्ट वेदर एन अननोन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस या हेटरोजाइगस। तो एनसीईआरटी के रेस्पेक्ट में जैसे एक ये है और एक है, ये वाला केस है, ये दोनों ही क्या है? डोमिनेंट है। लेकिन होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटरोजाइगस डोमिनेंट है, तो टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है। सही बात है। द टेस्ट क्रॉस द टेस्ट इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद ए होमोजाइगस रिसेसिव। इन दोनों का क्रॉस किससे करवाना? होमोजाइगस रिसेसिव वाले से करवाना, ये टेस्ट क्रॉस है। ये भी सही है, इनकरेक्ट देख रहे हैं अपने को। तो इफ द टेस्ट इंडिविजुअल इज हेटरोजाइगस, अगर टेस्ट इंडिविजुअल हेटरोजाइगस है, कहने का मतलब अगर ये क्रॉस होता है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू का क्रॉस स्मॉल डब्ल्यू से, तो फिर दो प्लांट तो हेटरोजाइगस डोमिनेंट ये बनेगा और दो प्लांट होमोजाइगस रिसेसिव वाले बन जाएंगे। तो इफ टेस्ट क्रॉस इंडिविजुअल इज हेटरोजाइगस प्रोजेनी विल बी 1:1। तो दो प्लांट ऐसे हैं, दो प्लांट ऐसे हैं, 1:1 रेशियो आएगा। ये बात भी सही है, अगर टेस्ट क्रॉस इंडिविजुअल होमोजाइगस है, अगर दोनों ही जगह कैपिटल डब्ल्यू आ जाए तो सारे प्लांट कैसे बनेंगे? कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू बनेंगे, तो 1:1 रेशियो नहीं आएगा। इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ 1:1:1 एक्सप्रेस्ड एज रिजल्ट ऑफ, ऐसा किस में देखा जाता है? तो याद करो आर आर वाई वाई, यही तो प्लांट बना था। तो आर आर वाई वाई का क्या करवा दिया अपने? आर आर वाई वाई से क्रॉस करवा दिया। यहाँ से एक ही टाइप का गैमेट आर वाई और यहाँ से चार टाइप के गैमेट बनते हैं। एक गैमेट तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और एक गैमेट कैपिटल आर स्मॉल वाई। बोलो जी, एक गैमेट स्मॉल आर कैपिटल वाई और एक गैमेट स्मॉल आर स्मॉल वाई। बोलो, तो फिर क्या करना है? वो अपने को पुनेट स्क्वायर से देख लो आप इसको बना के भैया। इधर तो गैमेट एक ही प्रकार का स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ गैमेट चार प्रकार के हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इंडिविजुअल जो है वो चार टाइप के इंडिविजुअल 1, 2, 3, 4 चार प्रकार के इंडिविजुअल बनेंगे। रेशियो 1:1:1:1 जीनोटिपिक रेशियो में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, मोनो हाइब्रिड के लिए कितना आता है? 1:1। डाई हाइब्रिड के लिए कितना आता है? 4:1। ट्राई हाइब्रिड के लिए 8:1। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाएं। 88, ए कपल हुज सन आर कलर ब्लाइंड विद ए बी ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई पेरेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग। एक कपल है, उनका सन कैसा है? कलर ब्लाइंड है। सन मतलब ये, कलर ब्लाइंड मतलब एक्स सी वाई। ठीक है जी, और ब्लड ग्रुप कैसा है? ए बी है, इसका मतलब यहाँ पर ब्लड ग्रुप आई ए और आई बी ये रहा होगा। बोलो जी, तो पक्की बात है कि जैसे इधर फीमेल है इधर जैसे मेल है, क्यों? अब इसके पास ये एक्स सी आया है, तो ये एक्स सी किससे आया है? मदर से आया है, तो मदर जो है वो एक्स एक्स सी ये रही होगी। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला ना, तो फादर को कलर ब्लाइंड नहीं लेना है आपको, तो फादर से तो वाई क्रोमोजोम आएगा। तो यहाँ पर देखो आप, फादर कलर ब्लाइंड कहाँ दे रखा है? फादर नॉर्मल है। अगली बात, फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फादर नॉर्मल है और यहाँ देखें फादर कलर ब्लाइंड है, फिर से ये ऑप्शन गलत हो गया। आंसर पहले और तीसरे में से जाएगा। ठीक है जी, अगली बात इसमें देखें, मदर कलर ब्लाइंड है विद ब्लड ग्रुप बी, फादर नॉर्मल है विद ब्लड ग्रुप बी, दोनों का ब्लड ग्रुप बी नहीं हो सकता क्योंकि आई ए एलील एक पेरेंट में से आएगी, आई बी एलील दूसरे में से आएगी, तो दोनों का ब्लड ग्रुप जो है वो बी कैसे हो सकता है? बोलो जी, दोनों का ब्लड ग्रुप अगर बी रहेगा तो
यहाँ पर या तो आई बी आई जीरो आएगा या आई बी वाला केस बनेगा, क्यों? तो ये वाला केस भी नहीं, तो फिर आंसर ये रहेगा मदर कलर ब्लाइंड विद ए ब्लड ग्रुप। मदर का ब्लड ग्रुप ए है, ए का मतलब क्या रहा होगा, या तो आई ए ये वाला केस रहा होगा या फिर क्या रहा होगा, आई ए आई जीरो केस रहा होगा। ऐसे ही जो फादर है वो बी ब्लड ग्रुप है, तो फादर क्या रहा होगा, आई बी ये वाला केस रहा होगा या फिर आई बी आई जीरो ये वाला केस रहा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट 89, नंबर ऑफ बार बॉडी, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम नंबर माइनस वन, ये क्या होता है, बार बॉडी कहलाता है। टोटल चार है, माइनस वन कर दो, नंबर ऑफ बार बॉडी कितना, 3 आ जाएगा। थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन ही आपको याद रखनी है, ठीक है। जीन कंट्रोलिंग 7 ट्रेट इन पी स्टडीड बाय मेंडल वर एक्चुअली लोकेटेड ऑन, याद करो कि मेंडल ने 7 ट्रेट के लिए जो जीन ली है वो 4 क्रोमोजोम के ऊपर पाई जा रही थी, और इन 4 क्रोमोजोम का नंबर भी आपको याद रखना है 1457। अरे 1857 की क्रांति याद है ना, महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, उसमें 400 साल पहले 1457, इस प्रकार याद कर लो इसको 1457। पहले पर 2 ट्रेट के लिए था, चौथे पर 3 ट्रेट के लिए था, और पांचवे पर जो है वो 1 ट्रेट के लिए, और सातवें पर 1 ट्रेट के लिए, 3, 2, 5, 6 और 7, ये बात होगी 1457, आंसर चला जाएगा। 4 क्रोमोजोम है, 4 क्रोमोजोम। 91, इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन बींग, स्किन कलर का इनहेरिटेंस 2 बार पहले भी क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है, लैंग्वेज अलग है क्वेश्चन की, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल बनता है, ठीक है जी। मेंडल लॉ अप्लीकेबल ओनली व्हेन, मेंडल के नियम कहाँ अप्लीकेबल हैं, F1 इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस शोज 2 टाइप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है जी। F1 इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F1 शोज 2 टाइप ऑफ इंडिविजुअल ना, एक ही प्रकार का इंडिविजुअल दर्शाता है वो, तो यहाँ अप्लीकेबल नहीं है। करेक्टर आर लिंक्ड, लिंकेज तो अप्लीकेबल ही नहीं है मेंडल के केस में, मेंडल के जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, हाइब्रिड का जो पोस्टुलेट है उसका एक्सेप्शन बनता है लिंकेज। तो पेरेंट आर प्योर ब्रीडिंग, बिल्कुल ठीक बात है, प्योर ब्रीडिंग होंगी तो मेंडल के नियम लगते हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर इज डिपेंड अपॉन अनदर पेयर, और पहला दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा, तो ये बात गलत हो जाएगी, आंसर थर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ ब्लड इन एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप पर्टेनिंग टू प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ठीक है जी। 11th क्लास के सर्कुलेटरी सिस्टम में एक टेबल आपको दी गई है, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन होता है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए था, गलत हो गया, ठीक है जी। ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन बी है, और उसके अगेंस्ट की एंटीबॉडी एंटीबॉडी ए, तो ये सही हो जाएगा। ब्लड ग्रुप ए बी है, बोथ एंटीबॉडीज नहीं एंटीजन, गलत। ब्लड ग्रुप ओ है, नो एंटीजन नो एंटीबॉडी, ये भी गलत होगी बात, ठीक है जी। तो उस टेबल को जरूर अच्छे से याद कर लें आप। 94, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फीमेल इज हेट्रोगेमेटिक, हेट्रोगेमेटिक केस जो है वो यहाँ पर देखें, लाइगिनियस टाइप, एक्स 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 वाई को लाइगिनियस कहते हैं, और इसमें मेल हेट्रोगेमेटी है, ठीक है जी, और रिवर्स लाइगिनियस, ये वाला रिवर्स लाइगिनियस कहलाता है, रिवर्स लाइगिनियस जेड 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 डब्ल्यू, यहाँ पर फीमेल हेट्रोगेमेटी हो जाती है, फीमेल हेट्रोगेमेटी है। बोलो जी, यहाँ पर आप देखें एक्स 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 जीरो, यहाँ पर जो है प्रोटीन टाइप बनता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है, मेल ही जो है वो हेट्रोगेमेटी है, लेकिन यहाँ पर जेड जेड और जेड जीरो वाला कंडीशन बन जाता है, तो जेड 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 जीरो कंडीशन जो है उसमें भी फीमेल हेट्रोगेमेटी होती है, लेकिन इसने दोनों ही जगह जेड जीरो दे दिया, आंसर थर्ड चला जाएगा। 95, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप ऑफ ए करेक्टर इज 0.36, फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइब्रिड की फ्रीक्वेंसी पूछी है, एलील फ्रीक्वेंसी पूछे तो फॉर्मूला पी प्लस क्यू बराबर 1 काम में लेना है, और इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, ये तो है एलील फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी, और इंडिविजुअल में एलील एक्सप्रेस कब करेगी, जब जोड़े के रूप में आएगी, स्क्वायर के रूप में आएगी, तो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फॉर्मूला काम में लेना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, ये फॉर्मूला अपने को काम में लेना है। अरे बोलो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार इस चीज को पकड़ जाओ,
क्या दिया गया है, क्या पूछा है, एलिलिक दिए तो और इंडिविजुअल पूछी है, तो एलिलिक से आप रिसेसिव की निकाल लो, डोमिनेंट की निकाल लो, उसके बाद आप इस अकॉर्डिंग जो है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, या इंडिविजुअल की दे रखी है, एलिलिक पूछी है तो अंडर रूट करना है, स्क्वायर को इस रूप में लाओगे तो अंडर रूट करना है, सिंपल सी बात, ठीक है जी। अब क्या बोल रखा है अपने को, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप, फिनोटाइप फिनोटाइप तो इंडिविजुअल में ही एक्सप्रेस होगा, तो इसका मतलब रिसेसिव मतलब क्यू स्क्वायर अपने को दे रखा है कितना 0.36 दे रखा है, इसको मैं क्या लिखूं, क्यू स्क्वायर बराबर 36/100 भी तो लिख सकता हूं दोनों पॉइंट हटाने के लिए, तो क्यू बराबर एलील फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो अंडर रूट कर दो, अंडर रूट कर दिया 36/100, 36 का अंडर रूट कितना होता है 6, 100 का अंडर रूट 10, तो क्यू बराबर मेरे पास कितना आ गया 0.6 आ गया। बोलो जी, अब रिसेसिव एलील फ्रिक्वेंसी आ गई तो डोमिनेंट निकालो, डोमिनेंट किससे p प्लस क्यू बराबर कितना होता है 1 होता है, तो अपने को p निकालना है, p इक्वल टू 1 माइनस q करना है, इक्वल टू 1 माइनस 0.6 करना है, तो p बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। बोलो जी, q आ गया, p आ गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइब्रिड पूछी है, हाइब्रिड का मतलब 2pq अपने से पूछा है, 2pq बराबर 2 इनटू p कितना बता रखा है 0.4 इनटू q कितना बता रखा है 0.6, इसको सिंपलीफाई करो तो 2 इंटू 4/10 इंटू 6/10 ये लिख सकते हैं अपन। बोलो जी, इसका मतलब 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48/100 आ जाएगा, 100 को हटाना है तो 0.48 ये लिख सकते हैं अपन, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.48। ओके, नेक्स्ट 96, नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम इज नॉर्मल इन पैन फिल्टर में, तो XXY नॉर्मल नहीं है, टर्नर सिंड्रोम में X0 कंडीशन नॉर्मल नहीं है, और सुपर फीमेल के केस में XXX या फिर XXXX ये सुपर फीमेल केस है, ये भी नॉर्मल नहीं है, डाउन सिंड्रोम में बिल्कुल ठीक है, डाउन सिंड्रोम में 45+XX या फिर XY कंडीशन होता है, डाउन सिंड्रोम में ऑटोसोम जो है वो नॉर्मल नहीं होता। ओके, 21st ऑटोसोम की ट्राइसोम। 97, एल्बिनिज जिसमें मिलेनिन पिगमेंट की कमी हो जाती है इज ड्यू टू रिसेसिव जीन ए के कारण, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ए नॉर्मल मैन एंड ए नॉर्मल वुमेन बोथ ऑफ होम हैड वन एल्बिनो पेरेंट, ठीक है जी, मैरी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हैव एन एल्बिनो चाइल्ड, एक मैन है और एक वुमेन है और इनके दोनों के ही एक एल्बिनो पेरेंट रहा है, एल्बिनो पेरेंट का मतलब एक मिनट, बोथ ऑफ होम हैड वन एल्बिनो पेरेंट, इसके भी एक एल्बिनो है, इधर भी एक एल्बिनो है, तो इनसे जो ये जो कपल बनेगा मैन और वुमेन बनेगी उसमें एक स्मॉल ए जरूर आएगा, इसमें भी एक स्मॉल ए आएगा, इसमें भी एक स्मॉल ए आएगा। बोलो जी, यही तो कहा है, टोटल लैक ऑफ मिलेनिन पिगमेंट ड्यू टू रिसेसिव नॉर्मल मैन, ये भी नॉर्मल है, ये एल्बिनिज्म कब दर्शाता जब दोनों ही स्मॉल ए आ जाता, ये भी नॉर्मल है, ठीक है जी। अब ये पूछ रहा है इन दोनों के क्या प्रोबेबिलिटी है कि इनके एल्बिनो चाइल्ड हो जाए, तो F1 का F1 से क्रॉस वही तो बात है, इसका मतलब ये आने का चांस कितना है 1/4, ये चांस है, दो कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, एक कैसा आएगा, ऐसा आएगा, क्यों, इसका मतलब कितना परसेंट चांस, 25% चांस है 1/4 है कि ये एल्बिनो प्रोजेनी हो, इनके चाइल्ड हो। 98, ए मैन हैविंग जीनोटाइप, इसका जीनोटाइप कैन प्रोड्यूस पी नंबर ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट स्पर एंड वुमेन हैव जीनोटाइप, ये बता रखा है, जनरेट क्यू नंबर ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट एग, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, स्पर्म और एग का नंबर बताना है, और अपने को पता है गैमेट की अगर बात करें, टाइप ऑफ गैमेट के लिए फॉर्मूला 2^n, टाइप ऑफ फिनोटाइप 2^n, टाइप ऑफ जीनोटाइप 3^n और टाइप ऑफ जायगोट 4^n, ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, गैमेट पूछे तो यही है, फिनो पूछे तो भी यही है, जीनो अगर पूछे तो 3^n है, जायगोट अगर पूछे तो 4^n हो जाएगा, n क्या है नंबर ऑफ हेटरोजाइगोट, तो स्पर्म p का मतलब क्या है स्पर्म है, तो यहाँ पर हेटरोजाइगोट कितने हैं, एक हेटरोजाइगस है, दो हेटरोजाइगस है, तो p वाले केस में n बराबर कितना आ गया 2^2, क्योंकि गैमेट के लिए 2^n, 2^2 कितना 4, इसका मतलब P की वैल्यू तो क्या आनी चाहिए 4 आनी चाहिए, और ऐसे गैमेटी इसका पूछा है तो यहाँ पर हेटरोजाइगस 1 हेटरोजाइगस 2 और
तीन हेटरोजाइगस हैं, तो क्यूब बराबर जो है वो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2 कितना 8 हो जाता है, तो क्यू 8 आएगा, पी 4 आएगा, पी 4 क्यू 8 कहाँ पे है देख लो, पी 4 क्यू 8 ऑप्शन नंबर 2 है, 4 4 8 4 इसमें उल्टा दे रखा है, ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। 99 पेडिग्री दे रखी है, सो द अकरेंस ऑफ एल्बिनिज्म व्हिच इज रिसेसिव ट्रेट, ठीक है जी, इफ पर्सन 4 इज होमोजाइगस, पर्सन 4 होमोजाइगस है, इफ पर्सन 4 इज होमोजाइगस द कैरियर फॉर द ट्रेट इज, ठीक है, पर्सन 4 होमोजाइगस है, होमोजाइगस मतलब ये वाला केस जो है ये इसका होमोजाइगस केस बन गया, ठीक है जी। अब क्या पूछा है कि कैरियर फॉर द ट्रेट, ये अफेक्टेड है एल्बिनिज्म से, अब कैरियर कौन है, ये अफेक्टेड है, इसका मतलब इसके पास ए है, इसके पास भी ए है, तभी तो दोनों ए आएंगे, लेकिन ये अफेक्टेड नहीं है तो ये हेटरोजाइगस है, तो ये 1 और 2 ये कैरियर बन गए। बोलो जी, अब ये 3 नंबर जो है ये हो सकता है ये भी हो जाए या फिर हो सकता है ये भी हो जाए, दोनों केस पॉसिबल है। अगर ये होमोजाइगस है तो फिर यहाँ पर है ये क्या बनेगा, कैपिटल ए यहाँ से आएगा, स्मॉल ए यहाँ से आएगा, कैपिटल ए यहाँ से आएगा, स्मॉल ए यहाँ से आएगा, तो कैरियर 1 भी है, 2 है, 5 है और 6 है, यहाँ पर देखें 1 5 6 ओनली, 1 5 और 6 ओनली लगा दिया, इसलिए ये गलत हो गया, 5 और 6 ओनली, 1 और 2 भी तो कैरियर है, ये भी गलत हो गया, 1 एंड 2 ओनली, केवल ये दोनों होना, ये भी गलत हो गया, 1 2 5 6 1 2 और 5 6 ये, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। अरे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 100, वर्क आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटिपिक फीचर इन द फर्स्ट फीमेल जनरेशन आफ्टर ए क्रॉस बिटवीन ए होमोजाइगस फीमेल एंड हेटरोजाइगस मेल फॉर सिंगल लोकस, एक समयुग्मी मादा था विषमयुग्मी नर के मध्य एकल लोकस हेतु मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, क्रॉस करवाए जाने पर प्रथम फीलियल पीढ़ी में फिनोटिपिक विशेषता वितरण को ज्ञात कीजिए, ठीक है जी, तो वर्कआउट डिस्ट्रीब्यूशन फिनोटिपिक फीचर फर्स्ट फीलियल जनरेशन आफ्टर ए क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस फीमेल, फीमेल होमोजाइगस है, जैसे फीमेल ये हो गई और हेटरोजाइगस मेल है, हेटरोजाइगस मेल का मतलब ये वाला मेल हो गया, ठीक है जी। अब अपने को पता करना है कि यहाँ से जो क्रॉस के रिजल्टेंट जो बनेगा उसमें क्या बनेगा, तो अपने को पता है कि कैपिटल टी पुन्नेट स्क्वायर से निकाल लो, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल 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 स्मॉल, कैपिटल कैपिटल और यहाँ कैपिटल स्मॉल, ठीक है जी, तो 2 कैपिटल टी होमोजाइगस बनेंगे और 2 हेटरोजाइगस बनेंगे, इसका मतलब 1:1 रेशियो आएगा, और 1:1 रेशियो कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2, 50 होमोजाइगस 50 हेटरोजाइगस। 101, ए मैन हैज 2 ऑटोसोमल जीन पेयर, ये बता रखा है, ही ऑल्सो हैव एक्स लिंक्ड जीन डी, तो इसका जीनोटाइप क्या बन गया, मैन बोला है ना एक्स वाई कंडीशन आएगी, इसका मतलब इसका जीनोटाइप बन गया बी बी आर आर, ये तो ऑटोसोमल के लिए, प्लस एक्स एक्स लिंक्ड जी एक्स डी वाई, ये बन गया। अब हमने जब पूछा है विच कंटेन बी आर एक्स डी जीनोटाइप, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ गैमेट बताने हैं जिसमें बी आर एक्स डी फॉर्म हो, इसका मतलब कैपिटल बी चाहिए, तो इन दोनों में से कैपिटल बी के आगे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और 1/2 ही स्मॉल बी की है, ऐसे ही दूसरा स्मॉल आर पूछा है, तो कैपिटल आर की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, स्मॉल आर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, ऐसे ही यहाँ पर देखें एक्स डी एक्स डी एक्स डी के आगे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/2 × 1/2 × 1/2 कितना जाएगा 1/8, और 1/8 कितना होता है 1/4, 25% उसका आधा कर दो कितना हो जाएगा 12.5%। अरे ठीक भैया, 102, इफ हैप्लोइड क्रोमोजोम नंबर इज 9 देन डबल ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी, डबल ट्राइसोमी ये म्यूटेशन से रिलेटेड है भैया, डबल ट्राइसोमी में अपन ने क्या बोला था 2n+1, ये ट्राइसोमी है, डबल ट्राइसोमी नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम में एक एक ऐड हो जाए, ये डबल ट्राइसोमी होगी, ठीक है, और टेट्रासोमी में अपन क्या बोलेंगे, टेट्रासोमी कितना हो जाएगा 2n+2, ये होमोलोगस क्रोमोजोम में 2 क्रोमोजोम नए जुड़ गए, तो यहाँ भी 9 है, n बराबर 9 है, तो ये तो हो गया 18+1+1 कितना गया 20, और यहाँ पर 2 × 9 18+1 सॉरी टेट्रासोमी है ना, टेट्रासोमी का मतलब 2n+2, तो 18+2 बराबर कितना हो गया 20 हो जाता है, ओके,
तो दोनों ही क्या आने चाहिए, 20-20 आना चाहिए, 103. इन दी F2 जनरेशन ऑफ ए मेंडेलियन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप विल बी फिनोटाइप 2 की पावर n, जीनोटाइप जो है 3 की पावर n, ठीक है जी. और मेंडेलियन ट्राई हाइब्रिड बोला है, n बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है. तो फिनो की अगर बात करें तो फिनो हो गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना फिनोटाइप तो 8 आ जाएगा. जीनोटाइप आ जाएगा 3 की पावर 3, कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27. इसका मतलब फिनो तो 8 और जीनो 27, फिनो तो 8 आना चाहिए और जीनो 27 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा. ओके, 104. क्राइडोकैट सिंड्रोम इज ड्यू टू क्रोमोजोमल चेंज इन्वॉल्विंग. तो इसमें क्या हो जाता है, क्राइडोकैट सिंड्रोम में जो बच्चा जन्मता है उसके रोने की आवाज बिल्ली के मिमियाने के समान होती है, ठीक है जी, म्याऊ म्याऊ की आवाज आती है उसमें. बोलो जी, इसका मतलब ऐसा किसके कारण है, जो पांचवा ऑटोसोम है उसकी जो शॉर्ट आर्म है, छोटी भुजा है, उसके डिलीशन के कारण ऐसा होता है. तो ऐसा डिलीशन के कारण होता है, याद रखो किसका डिलीशन है, शॉर्ट आर्म ऑफ फिफ्थ ऑटोसोम. ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन वो तो सब्सटीट्यूशन की बात होती है, डुप्लीकेशन में एक आर्म जो है क्रोमेटिड की वो डुप्लीकेट हो जाती है, ठीक है जी. 105. द मैकेनिज्म दैट कॉजेज ए जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर, एक लिंकेज ग्रुप से अनदर लिंकेज ग्रुप पे जाना, ये क्या कहलाता है, इसको मैकेनिज्म को ट्रांसलोकेशन कहते हैं. और ये जो मैकेनिज्म है ये होता किसके कारण है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक क्रोमेटिड से दूसरे क्रोमेटिड पर जीन जो है वो पहुंच जाती है, प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन. नेक्स्ट, 106. व्हेन ए क्लस्टर ऑफ जीन शोज लिंकेज बिहेवियर, लिंकेज पाए जा रहे हैं उन जीन में, इसका मतलब इंडिपेंडेंट सॉर्ट आउट नहीं होंगी, दे डू नॉट शो क्रोमोजोम मैप, क्यों, बिल्कुल दर्शाएंगे क्रोमोजोम मैप क्यों नहीं दर्शाएंगे, एक पॉइंट पर दो जीन भी तो आ सकती है, क्रोमोजोम मैप आ सकता है उसमें, ठीक है जी. तो ये बात जो है डू नॉट शो क्रोमोजोम मैप गलत हो गई बात. शोज रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस, रिकॉम्बिनेशन दर्शाती हैं, ठीक है जी. तो बात क्या है, ये बात भी, रिकॉम्बिनेशन क्यों होंगी, जब पास पास ही पाई जा रही हैं, लिंक्ड हैं, तो वो तो एक साथ जाएंगी, एक साथ जाएंगी, पेरेंटल टाइप बनेगा, रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा. डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लिंक्ड जीन है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगी. इंड्यूस सेल डिवीजन कोई रोल होता ही नहीं है सेल डिवीजन में, आंसर थर्ड चला जाएगा. द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट, याद करो, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर हेरिडिटी, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन इनहेरिटेंस और वेरिएशन, ये डिफर होना, प्रोजेनी सब प्रोजेनी का पेरेंट से डिफर होना या दो प्रोजेनी का आपस में डिफरेंस होना, ये वेरिएशन कहलाता है. ओके, नेक्स्ट, 108. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट ऑफ गार्डन पी इज प्रेजेंट ऑन फिफ्थ क्रोमोजोम, पांचवें क्रोमोजोम पर कौन सा है, पॉड का कलर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है भैया, ठीक है. तो कौन कौन से क्रोमोजोम पे कौन कौन से करेक्टर हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो पोजीशन क्या क्या है देखें आप. अपने कहा था पहले, चौथे, पांचवे और सातवें, 1457 याद करवाया था आपको. ये चार अपने क्रोमोजोम हो गए, ठीक है भैया. इन चार क्रोमोजोम पे सबसे पहले बात आती है किसकी, फ्लोवर कलर. और यहाँ फ्लोवर बनेगा तो फिर सीड की बात होगी, तो ये सीड का कलर. तो एक ट्रिक बन गई अपनी, पहले पर कलर की बात करेंगे, सबसे पहले फ्लोवर का कलर और फिर उससे सीड का कलर, ठीक है जी. जहां फ्लोवर का कलर है उसके ठीक नीचे वाले पे, 1, 4, 5, 7 सीक्वेंस है, उसके ठीक वाले पे फ्लोवर की पोजीशन आ जाएगी, फ्लोवर पोजीशन, ठीक है. पहले वाले पे सीड का कलर है तो लास्ट वाले पे इस वाली पोजीशन पे सीड की शेप हो जाएगी, सीड शेप. तो याद आ गया क्या ट्रिक बनी, पहले वाले पे कलर की बात होगी, फ्लोवर कलर के ठीक नीचे फ्लोवर की पोजीशन आएगी, सीड कलर पहले वाले पे है तो लास्ट वाले पे सीड की शेप आ जाती है, ठीक है जी. यहाँ इस छोर पर प्लांट हाइट की बात होती है, प्लांट
हाइट के लिए जीन प्रेजेंट होती है। अब अपना बचा पोड का कलर और पोड की शेप। तो पोड का कलर पांचवे पर पाया जाता है, ये हो गया अपना पोड कलर, आंसर अपना पोड कलर चला गया इसका। तो फिर पोड की शेप कहाँ है, पोड की शेप यहाँ पाई जाती है, पोड शेप फुल है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ से एक सवाल भी बनता है कि मेंडल ने कौन सा डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं किया, अगर वो डाई हाइब्रिड क्रॉस कर देते तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दे पाते। उन्होंने पोड शेप और प्लांट हाइट, ये जो दोनों हैं जो पास पास पाई जा रही हैं, इनमें लिंकेज पाया जाता है, अगर ये स्टडी कर लेते तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं मिल पाता। अरे याद रखना। और ये भी पूछ सकता है वो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने नहीं किया, अगर वो करते तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं मिलता। उस एक्सपेरिमेंट की जो दो करेक्टर की जीन है वो कौन से क्रोमोजोम पर है, चौथे क्रोमोजोम पर है, पोड शेप और प्लांट हाइट, वो दोनों करेक्टर ये रहे, उनकी जीन ये रही और ये इनका क्रोमोजोम रहा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो डाई हाइब्रिड के बेसिस पर इन्होंने दिया है, इट कैन बी एक्सप्लेन बाई यूजिंग मोनो हाइब्रिड ना डाई हाइब्रिड, इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर इज डिपेंड ऑन ना इंडिपेंडेंट होता है, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली, बिल्कुल लिंकेज इसका एक्सेप्शन बनता है, तो ये बात जो है वो करेक्ट हो जाएगी इसके लिए। इट वॉज प्रपोज बाई बैट्सन, बैट्सन ने नहीं, ये तो मेंडल का पोस्टुलेट कहलाता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, थर्ड चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर भी चेंज कर लेते हैं, रेड ले लें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये हो गया ना अपना जी। ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेटरोजाइगस फॉर फोर लोकाई और होमोजाइगस है तीन लोकाई के लिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट। तो टाइप ऑफ गैमेट पूछे और हेटरोजाइगस बता रखा है अपने को, एन बता रखा है, तो गैमेट के लिए फॉर्मूला टाइप ऑफ गैमेट के लिए क्या बनता है, टू की पावर एन। हेटरोजाइगस को ही देखना है, होमोजाइगस को देखना नहीं है, ये तो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है। तो एन बराबर यहाँ कितना आ रहा है, फोर, बोलो जी, तो टू की पावर फोर, और टू की पावर फोर, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितना 16, आंसर क्या चला जाएगा 16, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 111, ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए, इनका क्रॉस है, इसकी ऑफ स्प्रिंग है, इज क्रॉस्ड विद, इसके साथ में, तो ये वाला क्रॉस है ए ए बी बी का क्रॉस ए ए बी बी के साथ में, इन दोनों में से गैमेट एक ही बनेगा, कैपिटल है, इन दोनों में से एक ही बनेगा, यहाँ से गैमेट स्मॉल है, कैपिटल बी, ये बनेगा। प्रोजेनी क्या बनेगी, इस क्रॉस की प्रोजेनी क्या बनेगी, ए ए बी बी बनेगी। इसका क्रॉस किससे करवा दिया है, ए ए बी बी रिसेसिव के साथ में इसका क्रॉस करवा दिया है। तो जीनोटाइप ये क्या है, डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस नहीं है क्या, डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो 1111। 112, सेल्फ फर्टिलाइजिंग डाई हाइब्रिड प्लांट फॉर्म, डाई हाइब्रिड है, एन बराबर कितना 2 दे रखा है, डाई हाइब्रिड है तो सेल्फ फर्टिलाइजिंग है, सेल्फिंग होगी तो ही वो फॉर्मूले, हाँ इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैंने बताया था ना गैमेट के लिए या फिनोटाइप के लिए 2 की पावर है, ठीक है जी, और जीनोटाइप के लिए 3 की पावर है, जायगोट के लिए जो है 4 की पावर है, ये सेल्फिंग होने पर ही लगेंगे ये फॉर्मूले, ठीक है जी। तो क्या पूछ लिया, गैमेट और जायगोट की बात कर रहा है, गैमेट जायगोट, गैमेट के लिए फॉर्मूला 2 की पावर है, जायगोट के लिए फॉर्मूला 4 की पावर है, ठीक है जी, एन बराबर कितना दे रखा है, डाई हाइब्रिड है 2 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना 4 होता है, तो गैमेट तो 4 प्रकार बनेगा, जायगोट में 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 इंटू 4 16 होता है, तो 4 प्रकार के गैमेट, 16 प्रकार के जायगोट, तो 8 गैमेट ना, 4 गैमेट सही है, 8 गैमेट नहीं है, ये भी नहीं है, तो 4 गैमेट और 16 टाइप के जायगोट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 113, इन ए क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर ए एंड बी एंड वाइल्ड टाइप का क्रॉस किससे करवाया है, इन दिस क्रॉस 700 आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल वर पेरेंटल टाइप, 7000 में से 700 पेरेंटल हैं, तो रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, 1000 - 700, तो रिकॉम्बिनेंट कितने हो गए, 300 हो गए, बोलो जी, देन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जीन, तो परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर निकाल लो, परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, या इसे ही क्या कहा जाता है, क्रॉस ओवर वैल्यू के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर की बात कर लूँ तो रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, 300, टोटल कितने हैं, 1000 हैं, इंटू कितना करना है, 100 करना है, दो बिंदी से दो बिंदी, एक से एक, तो ये कितना आ गया मेरे पास में, 30 आ गया,
तो डिस्टेंस कितनी आ जाती है 30 मैप यूनिट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 114 इन ड्रोसोफिला एक्स एक्स वाई कंडीशन लीड्स टू फीमेल। यहाँ पर जो है वो एक्स एक्स वाई कंडीशन जो है वो फीमेलनेस प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब एक्स अपॉन वाई रेशियो की बात करनी है अपने को, और वाई रेशियो की बात करें तो यहाँ पर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है जी। एक्स अपॉन ऑटोसोमल रेशियो की बात करनी है तो एक्स क्रोमोजोम तो 2 आ जाते हैं यहाँ पर, ओके। और नीचे ऑटोसोमल सेट जो है वो कितना आ जाता है लीड्स टू, वो भी 2 ऑटोसोमल पेयर आ जाते हैं, 2 से 2 1 बन जाता है ये। तो ये अपना क्या बन जाएगा, फीमेलनेस आएगी ड्रोसोफिला में। लेकिन ह्यूमन में ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम को बताता है, इसका मतलब ये क्या दर्शाता है, इन ह्यूमन बींग वाई क्रोमोजोम इज एक्टिव इन सेक्स डिटर्मिनेशन। सही बात है, क्योंकि ह्यूमन में एक्स एक्स वाई कंडीशन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम को दर्शाती है, ठीक है जी। वाई क्रोमोजोम इज एक्टिव इन सेक्स डिटर्मिनेशन इन बोथ ह्यूमन एंड वाई ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में नहीं है, गलत हो गया। इन ड्रोसोफिला वाई क्रोमोजोम डिसाइड फीमेलनेस, नहीं, वाई क्रोमोजोम तो मेल की मेल को स्टेराइल नहीं फर्टाइल बनाता है। वाई क्रोमोजोम ऑफ मैन हैव जीन फॉर दिस सिंड्रोम, नहीं, ये कोई सिंड्रोम के लिए जो क्लाइनफिल्टर है इसका कोई, इस सिंड्रोम के लिए कोई जीन वाई क्रोमोजोम पर नहीं है, ये तो एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल फिनोटाइप इन F2 ऑफ स्प्रिंग ऑफ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस। अगर जीनोटाइप की बात करता तो जीनोटाइप के अकॉर्डिंग तो अपने को पता है 2/16 बनता है, ये जीनोटाइप बनता है पेरेंटल जीनो, और पेरेंटल फिनो 10/16 याद करो 9331 9 राउंड येलो और 1 जो है वो रिंकल्ड ग्रीन, ये दोनों मिलकर 10 बन गए, आउट ऑफ 16 10/16 क्या चला जाता है मेंडेलियन डाइहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो। 116 एन इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर जीन CD इज क्रॉस्ड विद वाइल्ड टाइप F1 क्रॉस्ड बैक विद द डबल रिसेसिव पेरेंट, टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं, द अपीयरेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग रिजल्ट ये अपने सामने आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन जीन सी और डी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। लिंकेज मैप में याद करो परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर निकालते हैं, क्रॉस ओवर वैल्यू निकाल लो, क्रॉस ओवर वैल्यू के अकॉर्डिंग रिकॉम्बिनेंट कितना है 98 और 102 कितना बन गया 200 बन गया, टोटल प्रोजेनी कितनी है इन चारों को जोड़ोगे तो 2000 हो गया, इंटू 100 करके ये वैल्यू आ जाएगी 0000 10 से ये गया और ये 220 से 10 टाइम चला गया। इसका मतलब जितना 1% रिकॉम्बिनेशन 1 सेंटीमॉर्गन, 10% रिकॉम्बिनेशन 10 सेंटीमॉर्गन, दूरी कितनी आ जाती है 10 मैप यूनिट कह दो या 10 सेंटीमॉर्गन कह दो, एक ही बात। नेक्स्ट 117 नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, लिंकेज ग्रुप हैप्लोइड नंबर के बराबर होता है, हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम के बराबर होता है, तो नंबर ऑफ जीन के बराबर नहीं, एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम बिल्कुल सही है, डिप्लोइड नंबर नहीं हैप्लोइड होना चाहिए, नंबर ऑफ ऑटोसोम, ऑटोसोम का कोई रोल लिंकेज ग्रुप में नहीं है। तो याद करो ह्यूमन के केस में 2n बराबर कितना बन गया था 46 बन गया था, तो n बराबर कितना आया था 23 आया था, लिंकेज ग्रुप 23 बन गया था। फीमेल के केस में XX एक ही लिंकेज ग्रुप बनाता है तो 23 रहेगा, मेल के केस में X अलग ग्रुप बनाता है Y अलग बनाता है तो वहां पर 22 ऑटोसोम प्लस X और Y जुड़ जाएंगे, 24 जो है वो क्या बन जाते हैं लिंकेज ग्रुप बनते हैं मेल के केस में, फीमेल में 23 ही है। नेक्स्ट 118 इन फीमेल ड्रोसोफिला लिंक्ड जीन एग्जिबिट रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन बट सच ए रिकॉम्बिनेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मेल ड्रोसोफिला। मेल ड्रोसोफिला में रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, सारे पेरेंटल टाइप ही बनते हैं क्योंकि मेल ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज पाया जाता है, कंप्लीट लिंकेज रेयर होता है नेचर में, एग्जाम्पल इसका मेल ड्रोसोफिला याद रखना है। इसका मतलब लिंकेज कंप्लीट लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज मतलब क्रॉसिंग ओवर नहीं है, तो मेल ड्रोसोफिला स्टेराइल होता है नहीं, मेल ड्रोसोफिला पार्थोजेनेटिक नहीं हनीबी में देखा जाता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है क्योंकि कंप्लीट लिंकेज है, और मेल ड्रोसोफिला हैप्लोइड होता है ये बात भी गलत है। नेक्स्ट 119 मेंडल ऑब्जर्व द सर्टेन करेक्टर डिड नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली लेटर रिसर्च फाउंड इट टू बी ड्यू टू, ऐसा किसके कारण है, तो मेंडल ने देखा कि कुछ करेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है इसका मतलब उनमें दूरी कम है, दोनों की जीन पास पास पाई जा रही है, लिंकेज उनके बीच पाया जाता है, ठीक है जी। तो ये बाद में रिसर्च से पता चला था कि दोनों जीन के बीच क्या पाया जा रहा है, लिंकेज पाया जा रहा है। 120 फाइंड द ओड वन विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीट लिंकेज, अगर कंप्लीट लिंकेज होगा तो डाइहाइब्रिड के जैसे, डाइहाइब्रिड के रेशियो मोनोहाइब्रिड के जैसे आने लग जाते हैं, ठीक है जी। तो 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएगा F2 जनरेशन में, बिल्कुल सही बात है, अपने को ओड वन देखना है। F2 फिनोटिपिक रेशियो
तो एफ टू फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है, 9:3:3:1, ये डाई हाइब्रिड का आता है। लेकिन मैंने कहा था कंप्लीट लिंकेज अगर होगा तो फिर दो ही प्रकार के गैमेट बनेंगे, और डाई हाइब्रिड रेशियो मोनो हाइब्रिड के जैसे आने लग जाएगा। मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइप क्या होता है, 3:1 होता है, ये बात भी सही है। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1, डाई हाइब्रिड का एक्चुअल टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या है, 1:1:1:1, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट लिंकेज है, दो ही प्रकार के गैमेट हैं, तो फिर मोनो हाइब्रिड के जैसा मोनो हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1, ये बात भी सही है। लिंक्ड जीन टेंड टू सेपरेट फ्रीक्वेंटली, नहीं कंप्लीट लिंकेज पाया जाता है तो यहाँ पर असॉर्टमेंट नहीं देखा जाएगा, सेपरेट ये नहीं होती है। ओड वन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो ये अपना DCM का जेनेटिक्स का पेपर था, NCERT बेस्ड पेपर रहा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ साथ में आपको बता दी गई है, ठीक है। तो आज ये जेनेटिक्स का माइनर हो गया, ये डेली टेस्ट सीरीज नंबर 36 है, टोटल 48 होने हैं, उसके बाद आपके मेजर भी करवाए जाएंगे। पुराने शेड्यूल में 3 सितंबर तक आपको मेजर का शेड्यूल दे रखा है, लेकिन अपडेटेड शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो नीट की एग्जाम डेट डिक्लेयर हुई है 12 सितंबर, उसके अकॉर्डिंग हम 4, 5, 7 और 9 सितंबर को भी आपके 4 मेजर एडिशनल और करवा रहे हैं, जो स्टार्टिंग में लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो कल का अपना जो है वो मेजर पेपर रहेगा, मेजर पेपर जो भी हैं उनको आप कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो भैया उस टॉपिक को परफेक्टली अप्रोच कर लो कि ये गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि इस समय आप बार बार थ्योरीज क्या पढ़ोगे, बार बार कॉपियां उठाकर क्या पढ़ोगे, मैक्सिमम क्वेश्चन अप्रोच आपको करनी है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, जय CLC।